So welcome, 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 all my dear friends. Yes, a wonderful evening today. आज आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के हमारे शानदार प्रोग्राम में. और जैसा कि अभी आप जानते हैं कि हमारे वेडनेसडे से ग्रुप कंपटीशन स्टार्ट हो चुके हैं. यस, डिजिटल कॉम्बैट स्टार्ट हो गया है हमारा. इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स भी रहेगी इसमें, इंडिविजुअल काउंट के ऊपर में. लीडर्स लोगों के लिए भी कॉम्पिटिशन्स है. हर एक टीम में तीन तीन लीडर्स है अभी. और लीडर्स कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. ग्रुप कॉम्पिटिशन्स भी रहेंगे. यस, वॉरियर्स ग्रुप है और दूसरा है एवेंजर्स ग्रुप. टॉप 10 एवेंजर्स फ्रॉम ईच ग्रुप एंड टॉप 10 वॉरियर्स फ्रॉम ईच ग्रुप. वॉरियर्स और एवेंजर्स के अंदर में टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे. यस, जो क्वालिफाई नहीं हो गए एक वीक के अंदर में हम देखेंगे समझेंगे उनको डिस्क्वालीफाई करके. यस, हम टॉप 10 वॉरियर्स और एवेंजर्स को ही फाइनल करने वाले हैं. सो ग्रुप कॉम्पिटिशन स्टार्टेड. यस, अगर आपको नहीं पता है सो आप भूषण सर के साथ में और अपर्णा मैम के साथ में कनेक्ट हो जाइए. साथ ही और भी लीडर्स हैं उनके बारे में हम बताएंगे, कनेक्ट हो जाइए. सो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है और जो विनर्स रहेंगे उनके लिए पैरामीटर्स है. सो टू चेक एंड मेजर देयर प्रोग्रेस, ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है. यस, सो अलग अलग वे में रहेंगे कॉम्पिटिशन्स. टॉप 10 क्वालिफायर्स फ्रॉम ईच ग्रुप विल बी देयर. और आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर में हम आज सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. एंड दैट इज अबाउट सेल्स रोल प्ले. सेल्स रोल प्ले के अंदर में क्या होने वाला है, लेट्स अंडरस्टैंड. सेल्स रोल प्ले, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि भाई हमें सेल्स के ऊपर में काम करना है और रोल प्लेस हो गए. तो ग्रुप कॉम्पिटिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं वेडनेसडे के. वेडनेसडे के ग्रुप कॉम्पिटिशन्स के अंदर में हम क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज नीस क्लियरिटी कॉम्पिटिशन, सब्जेक्ट मास्टरी कॉम्पिटिशन, वीडियो क्रिएशन चैलेंज, 30 डेज वीडियो क्रिएशन चैलेंज, माइंड मैप चैलेंज, देन कंटेंट री चैलेंज, कंटेंट डिलीवरी चैलेंज, कंटेंट के साथ में वीडियो बैंक चैलेंज एक नया चैलेंज आया है. और फिर साथ ही साथ यूट्यूब चैलेंज, सोशल मीडिया चैलेंज. और उसके साथ में फ्राइडेज के दिन जो रहेगा, आज हमने सिल्वर मेंबर्स को भी यहाँ पे अलाउ किया हुआ है. यस, स्पेशल है आज सभी के लिए. तो आज जो फ्राइडे के चैलेंजेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दे विल बी ऑन सेल्स रोल प्लेस. लैंडिंग पेज चैलेंज रहेगा इसके अंदर में, कोर्स क्रिएशन चैलेंज रहेगा इसके अंदर में, कोर्स सेल चैलेंज रहेगा इसके अंदर में, वेबिनार चैलेंज रहेगा, 1-to-1 कैसे कंडक्ट करते हैं उसके रोल प्लेस और चैलेंजेस रहेंगे. सो इट विल बी अबाउट लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट, लॉन्चिंग योर कोर्स, उसके ऊपर में सारे चैलेंजेस कंटिन्यूसली रहने वाले. और ये चैलेंजेस जो रहेंगे दो ग्रुप के बीच में रहेंगे. सो ग्रुप कॉम्पिटिशन तो स्टार्ट हो गए हैं और आज का जो स्पेशल चैलेंज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ऑन रोल प्लेस. रोल प्लेस ओपन सेल्स प्रेजेंटेशन आपको देने हैं और ये दो आपस में जो टीम रहेगी वॉरियर्स की और एवेंजर्स की उनके बीच में कॉम्पिटिशन रहने वाला है, एवेंजर्स वर्सेज वॉरियर्स. अब ये जो कंपटीशन रहेगा, चैलेंज रहेगा, ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए नहीं दिया जाएगा मौका स्पीकर को. जो भी सिलेक्टेड रहेगा टीम से, पूरी टीम सिलेक्ट करके एक स्पीकर देगी. यस, एक ट्रेनर एक कोच उनके बीच में से आएगा जो प्रेजेंटेशन देगा अपना सेल्स का. लेकिन यहाँ पर आपको पूरा वेबिनार कंडक्ट नहीं करना है, अपनी जो सेल्स पिच रहेगी वो यहाँ पर आपको प्रेजेंट करना है. आपका जो टॉपिक है मे बी न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, रिलेशनशिप कोच है आप, माइंड पावर कोच है आप, बिजनेस कोच है आप, डिजिटल कोच है आप, वॉट एवर योर टॉपिक मे बी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है आप, जो भी आपका टॉपिक है स्पेसिफिक उसका इम्पोर्टेंस बताना है और उसके बेनिफिट्स बताना है और साथ ही उसका प्राइस बताना है. तीन चीज़ें बताना है, बेनिफिट्स, इम्पोर्टेंस और प्राइस. इज इट क्लियर? टाइप करिए कमेंट बॉक्स में फास्ट, क्या तीन चीज़ें बतानी है, बेनिफिट्स, इम्पोर्टेंस और उसका प्राइस, आपके जो कोर्स है उसका प्राइस. ये नोट बना लीजिए, कम ऑन फास्ट, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में पोस्ट करिए बेनिफिट्स, इम्पोर्टेंस एंड प्राइस. पहले इम्पोर्टेंस बताना है, फिर उसके बाद में बेनिफिट्स बताना है और उसके बाद में उसका प्राइस बताना है. जो भी आपका कोर्स रहेगा, हो सकता है मे बी 500 रुपीज़ का आपका कोर्स है या 5000 का या 2000 का है. यस, जितने भी रुपए का कोर्स है जेन्युइन प्राइस बताना है. ऐसा नहीं कुछ भी प्राइस बताओगे आप, जो आप सही में सेल आउट करना चाहते हैं
लेवल वन का हो सकता है, लेवल टू का हो सकता है, वॉट एवर, उसका इम्पोर्टेंस, उसके बेनिफिट्स आपको बताना है, उसका प्राइस बताना है। अब यहाँ पर जो स्पीकर है उसका रोल रहेगा बेनिफिट्स बताना, इम्पोर्टेंस बताना, प्राइस बताना। और ऑडियंस का रोल क्या रहेगा, यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है, टू रेस ऑब्जेक्शंस, टू रेस क्वेश्चंस, जेन्युइन ऑब्जेक्शंस होना चाहिए। यस, ऐसे कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं रेस करने हैं, जेन्युइन ऑब्जेक्शंस होने चाहिए। और वो आप करोगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स के अंदर में उनके प्रेजेंटेशन के दौरान। तो ट्रेनर स्पीकर कोच का पूरा ध्यान कमेंट बॉक्स में भी रहना चाहिए जूम की मीटिंग के टाइम पे जब वो कंडक्ट कर रहे हैं। साथ ही जो अपोनेंट टीम के लीडर रहेंगे वो भी अपने आप को अनम्यूट करके बीच में सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये अथॉरिटी सिर्फ एक पर्सन को रहेगी, अपोनेंट टीम की, अपोजिट टीम के कोई भी एक मेंबर को या लीडर को। आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, अगर भूषण सर की टीम से कोई वनिता जिंदल है या मीनाक्षी जैन है, कोई भी पार्टिसिपेंट है, वो अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो अपर्णा के पास में अथॉरिटी है, अपोनेंट टीम है, अपोजिट टीम है बिकॉज अपर्णा की, वहाँ से वो अनम्यूट करके अपने आप को सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। यस, और आप सभी लोग भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपका जो सवाल रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, कमेंट बॉक्स में रहेगा। और जो स्पीकर है उसका पूरा ध्यान रहना चाहिए प्रेजेंटेशन देते समय कैमरे के आंखों में, और अगर आपकी पीपीटीज रेडी है पीपीटीज के साथ में देना है, यू कैन गो विद द पीपीटीज, कैनवा पे है, माइक्रोसॉफ्ट पे है, वॉट एवर, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन देने का मौका सिर्फ वही पार्टिसिपेंट को मिलेगा जो स्टार्टिंग से आखिरी तक के कैमरा ऑन करके रखेगा। जब अपना प्रेजेंटेशन है तभी कैमरा ऑन कर आएगा, उसको नहीं दिया जाएगा। यस, जो फोकस्ड है, क्योंकि जब रोल प्लेस हो गए तो आपको सीखने का मौका बहुत बड़ा मिलने वाला है। सेल्स के ऊपर में ये रोल प्लेस क्यों लेकर आए हम, बिकॉज आई गारंटी यू आप YouTube वीडियोस बहुत अच्छे बना लोगे, कंटेंट बहुत अच्छे बना लोगे, वेबिनार्स भी बहुत अच्छे कंडक्ट करोगे, लेकिन जब क्लोजिंग की बात आएगी, जब लोगों से पैसे लेने की बात आओगी, तब हार्ट बीट आपकी भी बढ़ जाती है और जो आपका ऑडियंस रहता है उसकी भी बढ़ जाती है कि पेमेंट करे कि नहीं करे, और करे तो क्यों करे। समय कम रहता है उसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हम पूरा फोकस सिर्फ बेनिफिट्स के ऊपर में लेकर आए। यस, अगर आपने मेरा फेसबुक ऐड देखा होगा, लैंडिंग पेज के ऊपर मैंने सिर्फ बेनिफिट्स बताए हैं। बेनिफिट समझ में आते हैं, लोगों को फायदा समझ में आता है, और उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए आपका बेनिफिट जो आप काउंट कर रहे हैं उनके सामने में। सो इट विल बी अ वेरी फन, और साथ ही हम फन वे में कुछ और भी रोल प्लेस करेंगे जिससे फन भी बना रहे। सास बहू की एक्टिंग हो सकती है, बॉस और एम्प्लॉय की एक्टिंग हो सकती है, उसके लिए भी रेडी रहिए। एक राउंड उसका रहेगा, एक राउंड इसका रहेगा। पहला राउंड कौन सा चाहिए आपको, फन वाला चाहिए या सेल्स वाला चाहिए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। व्हाट शुड बी द फर्स्ट वन, सेल्स के ऊपर में हो या फिर फन के ऊपर में हो। ग्रेट, ऐसे एक्सपेक्टेशन मुझे आप सभी से है कि भाई आप अपने काम के ऊपर में ज्यादा फोकस करेंगे। सो वी विल गो ऑन, या ऑफ कोर्स फन भी रखेंगे हम बीच में, उसके ऊपर में भी रखने वाले हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है तीन चीजों के ऊपर में। सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है, फॉर एग्जांपल अगर निधि कर्क लेकर आते रिलेशनशिप के ऊपर में, तो इम्पोर्टेंस क्या है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की। यस, और क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस आ रहे हैं वो उसमें बताएंगे, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उनके कोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बेनिफिट्स क्या है वो बताएंगे, साथ ही प्राइस बताएंगे। अब इसके बीच में आपको कभी भी ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो, पूरी अथॉरिटी है। SMS टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं आप यहाँ पर। यस, SMS नहीं करना है उनको, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज करना है कमेंट बॉक्स के अंदर में, और जो अपोनेंट टीम रहेगी वो एड्रेस करके ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। यस, अपने आप को म्यूट कर अनम्यूट करके वो ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑडियंस को मैंने ऑलरेडी बता दिया, उनको अथॉरिटी रहेगी और ऑडियंस ही डिसाइड करेगी कि इनका जो प्रेजेंटेशन था सेल्स का वो कितना अप टू द मार्क गया है। यस, कितना ज़्यादा अच्छे से क्वालिफाई हुए हैं, ये ऑडियंस ही जज करने वाली है, क्योंकि ऑडियंस ही जज करती है।
सो वॉरियर्स एंड एवेंजर्स कौन रहेगा फर्स्ट यहां पर अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए? यस लीडर्स, आपके टीम से कौन आने वाला है? अनम्यूट योरसेल्फ। सर भूषण सर सीनियर है तो वो शुरू करें सर। सो भूषण, आपको पहले पैसे आएगी, इनकम आएगी, ये गारंटी है। अपर्णा को बाद में आएगी। यस, सो मैं पूछ रहा हूँ, फर्स्ट कौन स्टार्ट करेगा, कौन कर सकता है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। सो यू शुड बी फर्स्ट। यस यस भूषण, आपके टीम से कौन रहेगा? अपर्णा जी के टीम से कौन रहेगा? वॉरियर्स रहेंगे या एवेंजर्स रहेंगे? कम फास्ट, वॉरियर्स और एवेंजर्स रोल प्ले के लिए कौन रहेगा? वॉरियर्स या एवेंजर्स? कम ऑन फास्ट, वॉरियर्स सर। वॉरियर्स रहेंगे। सो वॉरियर्स के लिए मोर पावर टू यू। वॉरियर्स सभी लोग टाइप करेंगे, वॉरियर्स मोर पावर टू यू। और कौन रहेगा आपका स्पीकर? आप खुद रहेंगे या आपके टीम से कौन रहने वाला है? कौन सा प्लेयर रहेगा? सर सेना को रास्ता सबसे पहले सेनापति ने ही दिखाना होता है, तो आई विल बी द फर्स्ट। हाँ ओके, वेरी स्मार्ट। सो भूषण सर ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया है, समझ गए हैं वो कि यस जो मौका है उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और टीम तो करेगी करेगी ऑफ कोर्स, और ये अगले वीक में भी मौका दिया जाएगा, डोंट वरी। बाकी सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, प्लेयर्स हैं, मैं प्लेयर्स बोलने वाला हूँ आने वाले दिनों में। यस, 11 11 मेंबर्स की फाइनल टीम हम कर देंगे वीक के अंदर में, और जो प्लेयर्स रहेंगे वो ही मैच खेलने वाले हैं, बाकी लोग देखेंगे सीखेंगे फायदा उठा पाएंगे। सो वॉरियर्स की टीम में से अभी भूषण वशिष्ठ जो है वो स्पीकर कोच बनकर आ रहे हैं, और आप सभी लोगों को करना क्या है, सिर्फ देखना नहीं है। यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर में आप सवाल बीच में रेस कर सकते हैं, लेकिन पहले ध्यान से सुनो, समझो जो बोल रहे हैं उसके ऊपर में ऑब्जेक्शन रेस करने हैं, उसके ऊपर में सवाल पूछने, कुछ भी सवाल नहीं पूछने हैं। यस, सो ये बात का पूरा ध्यान रखेंगे, सवाल क्या पूछना हेलो है, जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर में पूछने हैं, और तब तक के बाकी सभी लोग अपने आप को अनम्यूट रखेंगे, म्यूट रखेंगे। सो द फर्स्ट चांस गोज टू भूषण वशिष्ठ। यस, सभी लोग टाइप करेंगे वेलकम 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 भूषण सर। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर भूषण सर। यस यस भूषण, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज यहाँ हमारे इस पावरफुल वेबिनार में। और दोस्तों, आज का ये वेबिनार आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, मेरा वादा है आपसे। दिस इज अ लाइफ चेंजिंग वेबिनार फॉर यू। दोस्तों, आज जो आप यहाँ समय दे रहे हैं ना, भूषण अगर सर आप आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो वेबिनार का प्रेजेंटेशन नहीं है, ये आपको इम्पोर्टेंस बताना है, बेनिफिट्स बताना है उसके। यस, जैसे हम बात करते हैं वन ऑन वन, वो समझ लीजिए कि आप कोई पार्टी में हो और किसी को आप समझा रहे हो, उनने पूछा है कि व्हाट डू यू डू, और आप बता रहे हो कि भाई आई एम दिस, मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं ट्रेनर कोच हूँ। और बेनिफिट्स बताना है, पहले इम्पोर्टेंस बताना है, फिर बेनिफिट्स बताना है, और प्राइस बताना है। सो बहुत ही क्रिस्प रहेगा, 10 मिनट से 15 मिनट का रहेगा। यस, मैक्सिमम 20 मिनट तक के जाएगा, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। इट इज नॉट अ वेबिनार। या सो ये बात का ध्यान रखिएगा। 8:41 हो रहा है, 9 बजे के अंदर में सभी कुछ हो जाएगा। अपर्णा जी, आपको बीच में क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो। यस, इंटरेक्टिव रहेगा भूषण, ये यहाँ पर आप स्पीच नहीं दे रहे हो भूषण, ये बात का ध्यान रखना है। आप कन्विंस कर रहे हो अपने टॉपिक के ऊपर में सभी लोगों को, ताकि मैक्सिमम सेल आपको मिल पाए, और इंटरेक्टिव है ये। और अपर्णा जी, आप बीच में अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो, और बाकी पार्टिसिपेंट्स कमेंट करके सवाल अपना पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। यस भूषण, प्लीज स्टार्ट नाउ। तो आप सभी का स्वागत है आज यहाँ इस पावरफुल सेशन में। तो दोस्तों, यू नो व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज। आज तक हमने जितना भी जाना समझा, उसका जो मुख्य आधार रहा, किताब।
किताब कहने को तो किताब कुछ पेजेस का कलेक्शन होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन ऑथर। एक ऑथर के जीवन भर के अनुभवों का निचोड़ है किताब। आज तक बचपन से लेकर हम बड़े हुए, जो हमारे सीखने की रफ्तार थी ना, वो किताब से ही हमारे पास आई है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जब चार्ल्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की, तो दुनिया एक नए फेज में आ गई। जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ी। फ्रांसिस बेकन कहते हैं, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी च्यूड, एंड सम बुक्स आर टू बी गल्प्ड एंड डाइजेस्टेड। तो कुछ किताब ऐसी होती हैं जो घोट कर पी जाने के लिए होती हैं, आपको बदल कर रख देती है किताब। और एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला मेरे पास है, यू नो माई सेल्फ भूषण वशिष्ठ, आई एम ए ट्रेनर स्पीकर एंड ए कोच। मैं आपको सिखाना चाहता हूं हाउ टू रीड अ बुक विद इन 7 days। 7 दिन में आप एक किताब को पढ़कर 1 साल में 52 किताबें पढ़ सकते हैं और दुनिया के टॉप 2% लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस पावरफुल फार्मूले को सीखने के लिए? सो राइट आई इन द चैट बॉक्स, मैं कितने लोग सीखना चाहते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत सारे जो ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, यू नो, हर चीज के लिए एफिशिएंटली करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है। आई हैव ए पावरफुल टूल फॉर ऑल ऑफ यू। 15 मिनट के अंदर आप एक किताब का 40% कंटेंट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। विद इन 15 मिनट्स यू कैन गेट 40% ऑफ ए बुक। सो ये दीज आर द मैजिकल प्रैक्टिसेस। मेरे पिछले 12 वर्ष के अनुभवों का निचोड़ है हाउ टू रीड ए बुक। किताब पढ़ना भी एक कला है। तो दोस्तों, मैं देख रहा हूं आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, शो योर इंटरेस्ट, अदरवाइज आई विल नॉट डिस्क्लोज दिस फार्मूला। यस, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? तो मैंने आपको बताया बुक रीडिंग, तो मेरा जो निश है वो है बुक रीडिंग। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ टू रीड अ बुक विद क्वेश्चन इन। सर, ये बुक जो आप सिखाने वाले हैं, हिंदी में सिखाएंगे इंग्लिश में सिखाएंगे? मैम, एक्चुअली लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। आई विल टीच यू द टेक्निक, आई ओके विल टीच यू द प्रोसेस। लैंग्वेज चाहे आपकी जो भी हो, बाकी ये मैं आपसे कहूंगा, सिंपल एंड इजी रहता है अपनी मदर लैंग्वेज में चीज को एडॉप्ट करना। तो अभी आप मुझसे टेक्निक्स ले लीजिए और बाकी जो आपको पढ़ना है, आपको जिसमें कन्वीनियंट लगे, यू हैव टू रीड इन दैट लैंग्वेज। ओके सो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। आई एम सो मच एक्साइटेड टू शेयर दिस पावरफुल फार्मूला विद यू। यस, तो देखिए, मैं जो पिछले 12 साल से काम कर रहा हूं ना, दैट इज स्पीड रीडिंग। आजकल समय किसी के पास नहीं है, हमें बहुत कम समय मिला है इस छोटी सी जिंदगी में, बहुत कुछ जानने सीखने के लिए हमारे पास है। तो कैसे हम स्पीड रीडिंग करें, कैसे हम अपनी रीडिंग को विद कॉम्प्रिहेंशन लेकर आए, कैसे हम अपनी रीडिंग को रिटेंशन के साथ डेवलप करें, हमें याद रह सके चीजें, एंड रीडिंग विद इम्प्लीमेंटेशन। मैं सिखाता हूं आप जो आपने पढ़ा ना, उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये 100% गारंटीड और बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं मेरे साथ, आप जुड़े रहें। आपका जो माइंडसेट है ना, वो लर्निंग माइंडसेट में कन्वर्ट होने वाला है। आप 30-40% ऑफ एनी बुक विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर 40% कंटेंट यू विल ग्रेस्प ऑटोमेटिकली। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो इतने दिनों से मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, जिसमें मैंने 3 दिन 4 दिन लगा के नोट्स बना बना के जो मैंने इन डेप्थ नॉलेज ली है, वो सब वेस्ट है? आप नो ये कह मैम, रहे हो नथिंग आप इज ट्वेंटी वेस्ट। मिनट्स में
आप बोल रहे हैं सिखा देंगे 20 मिनट्स में, अगर आप सिखाएंगे तो फिर ग्रास्प कैसे, मतलब ब्रेन में जहन में कितना बैठेगा? दिस इज द फार्मूला मैम, दिस इज द क्रक्स ऑफ माई कोर्स। आप देखिएगा, देखिए जो कहते हैं ना कि नथिंग इज वेस्ट इन दिस यूनिवर्स, है ना। न्यूटन का एनर्जी लॉ आपने सुना है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आपने बेशक आपने 3 दिन लगाए, 4 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, उतना टाइम यहां भी लगने वाला है। देखिए बुक को अगर हम कंप्लीटली अपने अंदर, मैंने कहा था सम बुक्स आर टू बी च्यूड एंड गल्प एंड डाइजेस्टेड, तो उसमें आपको 7 दिन लगने वाला है, लेकिन 20 मिनट के अंदर यू कैन टेक ए फ्लाई ए स्काई व्यू ऑफ ए बुक। आप एक किताब का 40% आप ग्रैब कर लेंगे, आज आपको पता चलने वाली है। देखिए आज इंस्टेंटली आप क्या लेकर जाने वाले हैं, दिस इज द ओके ओके, बेनिफिट। वी विल चेंज द थीम, जस्ट अ मिनट भूषण। अब हम क्या करेंगे ना, प्रेजेंटेशन आप रखिए अपना, लेकिन ये इंटरेक्टिव ज्यादा रहेगा। यस, अब ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ऑडियंस बैठी है, ये वेबिनार चालू है, ये सोचिए कि बस अपर्णा को आप समझा रहे हो इंडिविजुअली, अपर्णा क्वेश्चंस को रेस कर रही है, ऑब्जेक्शंस को रेस कर रहे हैं और उनको आप आंसर कर रहे हो। अपर्णा आपका सवाल क्या था? सर, मेरा ये सवाल था कि मैं 7 दिन लगाती हूँ बुक पढ़ने में, 4 दिन लगाती हूँ, और जब मैं बुक पढ़ती हूँ तो मैं नोट्स बनाती हूँ। अगर 20 मिनट में पढ़ लूंगी 30-40%, तो फिर वो नोट्स बन पाएंगे कैसे? इन डेप्थ नॉलेज होगी या जो मैंने पढ़ा है वो सब वेस्ट हो जाएगा? यस अपर्णा, यही तो मैं एज अ मायसेल्फ भूषण वशिष्ठ, मैं यही तो आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने चेन्नई से मुंबई तक के जाते हो तो आपको कम से कम 15-20 घंटे लग जाते हैं। यस, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप सिर्फ 5 घंटे में पहुंच जाओगे। यस, और मैं सिखाऊंगा एक बार आपको, लेकिन फिर आप जब भी ट्रेवल करोगे स्पेसिफिक टूल को यूज करके तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तो क्या आप सीखना चाहते हो? डेफिनेटली भूषण आपको क्यूरियस बिल्कुल सीखना करना है, चाहूंगी। जो सामने वाला पार्टिसिपेंट है उसको क्यूरियस करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, सेल्स का मतलब यही है कि उनको अलाइन करना है, उनके माइंडसेट को अलाइन करना है, बेनिफिट्स को ऐसे काउंट करवाना है कि उनके जो काउंटर क्वेश्चंस रहेंगे वो आंसर जब आप करोगे ना तो उनको बोले कि अरे यार मजा आ गया, मुझे सीखना है। सो दे शुड बी क्यूरियस, सो ये आप इंटरेक्टिव रहेगा भूषण। यस श्योर सर, ठीक है, और जो कमजोर पड़ेगा मैं वहां पे साथ देने के लिए रेडी हो जाऊंगा ताकि सभी लोगों का कमांड आ पाए। यस भूषण, यस। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि गूगल मैप कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, कहीं हमें जाना होता है ना तो गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो डेस्टिनेशन हमें देना होता है, साथ ही साथ हमें देना होता है करंट लोकेशन। तो आप में से कितने लोग अपनी करंट रीडिंग स्पीड जानते हैं, दिस इज योर करंट लोकेशन। तो आज मैं आपके साथ ये फार्मूला शेयर करूंगा, सबसे पहले जानिए आप कहां पर हैं। तो ये करंट रीडिंग स्पीड आज हमें पता चलेगी, कितने लोग एक्साइटेड हैं अपनी रीडिंग स्पीड को जानने के लिए। यस, सो आज आपको कुछ पावरफुल रीडिंग हैबिट्स बताई जाएंगी। देखिए ट्रैवल हम करते हैं, है ना, ट्रैवल हम पानी के जरिए भी कर सकते हैं, ट्रैवल हम सड़क के जरिए भी कर सकते हैं, और ट्रैवल हम स्काई के जरिए भी कर सकते हैं। तो किसमें हम सबसे ज्यादा फास्टली, सबसे जल्दी किस तरीके से हम पहुंच सकते हैं, वाया रोड, वाया वाटर, वाया एयर? वाया एयर, डेफिनेटली यस, तो वाया एयर। आज की जो हमारी जर्नी है वो वाया एयर, कैसे आप रीडिंग स्पीड अपनी डेवलप करेंगे उस बारे में है। दीज आर कॉल्ड पावरफुल रीडिंग हैबिट्स, तो ये इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। दिस इज अबाउट माई सेल्फ, या तो वेलकम आप सभी का। अब हम एक बहुत ही पावरफुल कोर्स में है, दैट इज कॉल्ड फास्ट बुक रीडिंग मास्टरी कोर्स, और ये कोर्स है 3 महीने का। देखिए प्रोसेस टेक्स अ टाइम, इस पावरफुल प्रोसेस को सीखने के लिए आपको 3 महीना देना होगा, और वो भी लगातार नहीं, एक लाइव क्लास हम आपकी एवरी वीक रखेंगे। टोटल 12 क्लासेस होंगी ऑन एवरी सैटरडे, और कुछ फ्री बोनसेस हैं अरे आप भूषण सभी जी, के अभी लिए। तो भूषण यस यस अपना जी, जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ,
आपने अभी तो कहा कि मैं अभी बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, फिर आप कह रहे हैं 3 महीने लगाएंगे, क्यों? यस, वंडरफुल क्वेश्चन अपना मैम. एक्चुअली सम ऑफ इंस्टेंट बेनिफिट्स, जैसे आज प्रीव्यू की टेक्निक मैं अभी आपको दूंगा, है ना. कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपसे वादा किया जाएगा बाद में मिलेगी, है ना. हर चीज का आपको इंस्टेंट आपको मिलना चाहिए. आज आपको पता चलेगा कि किस तरह से 20 मिनट में आप, दैट इज कॉल्ड प्रीव्यू टेक्निक. आज आपको प्रीव्यू टेक्निक मैं बताकर जाऊंगा. आज मैं आपको आपकी जो करंट लोकेशन है ना गूगल मैप वाली, आज मैं आपको आपकी करंट रीडिंग स्पीड बताकर जाऊंगा, तभी तो आपका इस सिस्टम में बिलीव होगा. और उसके बाद ये जो कोर्स है, हाउ टू रीड अ बुक विद रिटेंशन, विद प्रैक्टिकल, विद नॉलेज, तो इसमें ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है. इसमें आपको 3 महीना, या अगर आप रेगुलर आते हैं तो आपको 12 डेज लगने वाले हैं. सो दिस इज अ पावरफुल कोर्स, सो वी हैव टू इन्वेस्ट अवर टाइम. तो यहाँ पर 100% गारंटेड बेनिफिट्स है हमारे कोर्स के अंदर. आपकी रीडिंग स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी. अभी आपकी भूषण जी, रीडिंग अगर स्पीड, मैं थोड़ा सा बताऊं तो मैं रीडिंग करती हूँ, सुबह 15 मिनट रीडिंग करती हूँ, राइट? तो यस, ओके, बिगनिंग के 7 दिन 8 दिन मेरी रीडिंग थोड़ी स्लो थी क्योंकि मैं बिगनिंग स्टेज पे थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बुक में इन्वॉल्व होती गई और रीडिंग मैंने कंटिन्यूस जारी रखी, मैंने नोटिस किया कि मैं रीडिंग स्पीड बढ़ा सकती हूँ अपनी, अगर मैं कंटिन्यूस रीडिंग करूँ तो अगर मैं आपके कोर्स में आती भी हूँ तो वो मेरी रीडिंग हैबिट ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है, तो आपकी टेक्निक काम आएगी वहां पे? यस, वन बिल्कुल काम आएगी मैम. देखिए एक्चुअली फर्ज कीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, है ना, और साइकिल को चलाते चलाते अगर एक तो नॉर्मल साइकिल चला दी, दूसरा ये होता है उसके पार्ट्स की ग्रीसिंग कर दी जाए, उसकी ऑयलिंग कर दी जाए, तो साइकिल चलाना और स्मूथ हो जाता है, फास्टर हो जाता है. तो ये जो हमारी, ये जो आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताई जाती है ना, ये एक्चुअली काम आप ही को करना है, लेकिन हाउ टू मेक देम फास्टर, हाउ टू गेट द स्पीड, इसको कहते हैं गो विद द फ्लो. तो ये सारी टेक्निक्स आपको बताई जाने वाली हैं. बहुत कुछ आपको मालूम भी है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में. जब आप इन्हें जान लेंगे ना, तो आप अपने आप को एक नए लेवल पर पाएंगे. तो ओके, सो भूषण सर, ऑडियंस के बिहाफ में मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं है, ये आपका जो ट्रेनिंग रहेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा? सर, ये जो हमारा ट्रेनिंग है, आज का ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये जो 12 डेज का जो हमारा ये कंप्लीट कोर्स है, तो इसके पीछे एक टीम वर्क है, अमाउंट लगता है, खर्चा होता है, तो उसमें हम थोड़ा सा चार्ज करने कितना वाले हैं. प्राइस रहेगा सर? सर इसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल है. इवन यहाँ की एक बार में हम एक पिज्जा भी लेकर आते हैं ना, एक पिज्जा भी मंगाते हैं, तो उसके प्राइस से भी हमारा प्राइस बहुत कम है. दैट इज 299 ओनली, 299 रुपीस रहेगा. अच्छा भूषण जी, मुझे ये बताइए, एज अ डिजिटल कोच ट्रेनर ट्रेनर मेरे लिए बुक रीडिंग कैसे फायदा पहुंचा सकती है? सर. एज ए डिजिटल कोच ट्रेन द ट्रेनर, बुक रीडिंग सर आपके बेस को डेवलप करने वाली है. मैं आपको बता रहा हूं कि सर नॉलेज का जो बेसिक सोर्स है वो किताब है. यहां तक कि हम आज जो भी है ना, वो किताब की बदौलत है सर. हमें हर फील्ड नहीं, में, लेकिन हर टॉपिक मुझे में बताइए किताब ना, मिलती है. फेसबुक एड में कैसे सीख पाऊंगा बुक रीडिंग से, या फिर लैंडिंग पेज कैसे जनरेट कर पाऊंगा, वेबसाइट कैसे डिजाइन कर पाऊंगा? बुक रीडिंग तो मेरे काम आएगी नहीं यहाँ पे. सर यहाँ हम बात करें आपके कंटेंट की. बुक रीडिंग कंटेंट डेवलपमेंट में काम आती है सर. दीज आर द टेक्निकल पार्ट्स, लैंडिंग पेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, कैनवा डिजाइनिंग, कैनवा मास्टरी, दे आर द टेक्निकल पार्ट्स. लेकिन सर कहते हैं ना कि जब तक हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं होगा, हम डिलीवर क्या करेंगे? तो आपके कंटेंट को पॉलिश करने में बुक ही काम आने वाली है. सो भूषण जी, मुझे ये बताइए, अभी ऑलरेडी मैं ऑडियो बुक्स को सुनता हूँ, रात यस, को सोते समय हेडफोन लगा देता हूँ, जैसे अभी लगा हुआ है, मॉर्निंग में भी मैं 1 घंटा ऑडियो बुक को सुनता हूँ, और उससे मुझे कंटेंट भी मिलता है, दिमाग में भी आ जाता है, नोट्स भी बना लेता हूँ उससे, जो मेरे कंटेंट डिलीवरी में काम आएंगे.
तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, 300-400 पेज की बुक निकालूं, फिर उसमें से आपके कंटेंट बनाऊं, मेरा क्या फायदा होगा ये बुक रीडिंग सीख कर। अभी जमाना बहुत बदल गया है, टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग लोग मैक्सिमम ऑडियो बुक्स को ही सुन रहे हैं। कोई फायदा मुझे नहीं दिख रहा है बहुत बड़ा कि मैं ग्रेट फिजिकल बुक को या फिर वर्चुअल बुक को क्यों रीड करूं, ग्रेट 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 मेरा क्वेश्चन समय भी सर। जाएगा उसमें ज्यादा। और मैं कार चलाता हूँ तब भी ऑडियो बुक सुनता हूँ, सोता हूँ तब भी सुनता हूँ, आँखी बंद है तब भी सुनता हूँ, बढ़िया वाइफ ने मसाज कर दिया आँखी बंद है और सुन रहा हूँ मैं ऑडियो बुक, तो इतनी सहूलियत है, फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, आपकी क्लास को अटेंड करूँ, पेमेंट आपका बहुत कम है लेकिन मेरा समय की बहुत बड़ी वैल्यू है, मेरे पास समय इतना नहीं रहता है, सो वाई। यस सर, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने सुना होगा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास 5 सेंसेस होती है सर, तो ये 5 सेंसेस हैं जिनके सहारे हम दुनिया में देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। और यहां पर आप सिर्फ अपनी एक सेंस का यूज करते हैं, दैट इज हियरिंग सेंस। इसके अलावा भी ईश्वर ने, गॉड ने हमें 4 सेंसेस और दिए हैं। आपने सुना होगा सर ऑडियो विजुअल, जब हम ऑडियो विजुअल पे वर्क करते हैं ना, तो वो चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। एट दिस टाइम आपने मुझे बताया आप ऑडियो बुक सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर अगर आप ऑडियो के साथ विजुअल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप ऑल्फैक्ट्री का भी इस्तेमाल शुरू करना कर दें, आप अपनी 5ों सेंसेस को अगर इंक्लूड कर लेंगे ना, दैट नॉलेज विल बी परमानेंट फॉर यू। तो यही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है सर। जितना टाइम आप ऑडियो में देते हैं ना, उतना ही टाइम इसमें लगने वाला है, लेकिन इस बार आपकी 5ों सेंसेस आपके साथ काम करने वाली हैं और आपकी लर्निंग परमानेंट होने वाली है। वो सुन, यहाँ पर आप एक चेंज कर लीजिएगा, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वो जो साइकिल यस में बताता हूँ ना उसको इंक्लूड करो अपने प्रेजेंटेशन। यस LRWS, लर्न रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग वो बताइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि लिसनिंग यस कोई आ गया, और ये क्वेश्चंस जो रहेंगे ना अभी बाकी लोग भी पूछ सकते, सोचिए क्वेश्चन क्या पूछना है, और ये इंटरेक्टिव रहेगा अभी। यस, प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स रहेगा, पीपीटी के ऊपर में सबको रेडी रखना है, लेकिन दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि भाई कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या करना है, और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो ये समझ लीजिए। और भूषण, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कोर्स का प्राइस है वो 299 क्यों है, वो कम से कम 1,000-1,500-2,000 रुपये प्राइस आपको रखना है। यस, अगर यस इनकम स्टार्ट करना है ना तो मैं हर एक पार्टिसिपेंट को बोल रहा हूँ 200-500 रुपये ठीक है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपका 12 दिन का है, 3 महीने का है अगर कोर्स, तो मिनिमम 1,000 रुपये रहना चाहिए उसका प्राइस, उससे कम तो नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल पुराता नहीं है, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो यस भूषण, अभी एक ही बात बोलना चाहता हूँ मैं, हर एक पार्टिसिपेंट जो भी अब आएगा, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट स्पीकर जो भी रहेगा, सबसे पहले आपको अपने कोर्स का प्राइस बताना है। पहली बात तो जब आप अपनी शुरुआत करोगे, सेल्फ इंट्रो दोगे या फिर बहुत बढ़िया शायरी से स्टार्ट करिए, सो दैट यू कैन ग्रैब द आई बॉल्स, अटेंशन ग्रैब कर पाए आप लोगों के, उसके लिए आप शायरी से स्टार्ट करो, बहुत बढ़िया, लेकिन रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी शायरी बोल दी हमने, या वो आपके टॉपिक से कनेक्टेड होना चाहिए शायरी, दमदार, सो दैट यू कैन ग्रैब द अटेंशन, आई बॉल्स अट्रैक्ट कर पाए आप। उसके बाद में सेल्फ इंट्रो दीजिए, क्योंकि भूषण वशिष्ठ कौन है ये पता होना भी इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग में, या बीच में आप दे सकते हो इंट्रो, जरूरी है स्टार्टिंग में, लेकिन पीपल शुड नो, ये एक सेकेंड चीज हो गई। या पहले प्राइस, सो अभी ये देख लीजिए थोड़े से चेंजेस है, मैं दिखाना चाहता हूँ। सो योर टॉपिक, यस योर टॉपिक, और उसके साथ में आपका जो कोर्स का प्राइस है वो क्या है, स्टार्टिंग में ही बताना है, यहाँ पर वेबिनार में भले आप क्लोजिंग में कर रहे हो, यस, क्योंकि हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, एक बात समझ लीजिए, क्लोजिंग का आखिरी का जो 15 मिनट है उसकी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, यस यस सर सो आपका जो टॉपिक रहेगा, हर एक पार्टिसिपेंट ये स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, आपका जो प्राइस रहेगा, कोर्स का नाम रहेगा, कितने दिन का कोर्स है, स्टार्टिंग में ये बताना है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने दिन का है, 12 दिन का नहीं बताना है, 3 महीने का बताना है, 12 दिन कभी नहीं बोलना या 12 सेशन कभी नहीं बोलना, 3 महीना ही बोलना,
वो बोलेंगे सर इसमें तो 12 सेशन ही आप बोल रहे हो, 3 मंथ्स बोल रहे हो, लेकिन इसमें तो 12 सेशन ही करना। हाँ तो उसके जो बीच में गैप आ रही है वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, आप डाइजेस्ट करोगे नॉलेज को। यस उसमें चैलेंजेस आएंगे, मैं सपोर्ट करूँगा। तो 3 महीने का है एक्चुअली में कोर्स, 12 दिन का नहीं है, 12 सेशन नहीं है, 12 सेशन तो लाइव है, लेकिन उसमें बीच में सपोर्ट सिस्टम भी है। सो ये पूरा कंप्लीट 3 महीने का अपने जगह पे खड़े रहना है। यस तो आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, प्राइस क्या है, टॉपिक का नाम क्या है आपके कोर्स का, खुद का इंट्रो, फिर बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस सबसे आखिरी में। इम्पोर्टेंस के ऊपर में फोकस मत करो, बेनिफिट्स के ऊपर में करो। भूषण यहाँ पर आप भी ध्यान रखो, अपर्णा जी, रश्मि मेहरा, ज्ञानेंद्र, मनीष, अनिल सालवी, अमन शर्मा, यस निधि गर्ग, सामने जो बैठा है उसको फायदा क्या हो सकता है, वो यही सोचता है कि भाई मेरा क्या फायदा होगा। वो टर्म्स में हमको सोचना है और वैसे ही प्रेजेंटेशन देना है। सो बेनिफिट्स के ऊपर में मैक्सिमम फोकस करो आप। सबसे पहले भूषण आप कमेंट ये करवाओ कि भाई कौन से प्रोफेशन में हो आप, जिससे आपको एक आइडिया आ पाए कि भाई ये बैकग्राउंड के पार्टिसिपेंट्स, ऑडियंस मेरे जूम मीटिंग के अंदर में है। अब उनको आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन दीजिए ताकि वो अपने आप को रिलेट कर पाए और रेजोनेट करते हुए समझ पाए कि हाँ मेरे लिए ये बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है, तभी वो आपका कोर्स परचेस करेंगे। अदरवाइज 200 रुपये का हो, फ्री का हो, कोई नहीं आएगा। और अगर 20 हज़ार का है तो भी आएंगे लोग जब उनको लगेगा हाँ यार ये मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये कर लूँगा तो मैं ग्रो करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। लोगों को अपने ग्रोथ से मतलब है, लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे उससे मतलब है। सो अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, यस उनके लाइफ के करियर के अंदर में ग्रोथ करवा सकते हो, देन ओनली दे विल परचेज योर कोर्स, अदरवाइज नहीं। बुक रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है, ये सब नॉनसेंस है। सबको पता हैबिट मॉर्निंग की बहुत अच्छी है, सबको पता है फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन 90% लोग वही करते हैं। सो हमको यहाँ पे ज्ञान की बातें नहीं करना है, ये सेल्स है, हमको यहाँ पे फायदे की बात करना है। जो एक बिजनेसमैन होता है ना वो कट टू कट बातें करता है, भाई मेरा क्या फायदा हो वो बताओ, मैं बाकी कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, मेरा फायदा कैसे हो सकता है, मेरा ग्रोथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पूरे कैलकुलेशन लेके बैठता है वो। और अगर कैलकुलेशन में दिखता है कि हाँ मेरा फायदा हो रहा है, वो डील, दिस इज अ डील, यहाँ पर आप किसी को कुछ खा रहे नहीं हो। यस हम कुछ दे रहे हैं उसके बदले में सामने वाला कुछ हमको दे रहा है, बस सिंपल इजी ये माइंडसेट के साथ में बैठना है कि भाई फ्री में पैसा थोड़ी दे रहे हो, मैं भी उसके बदले में आपको उससे कई गुना ज्यादा वैल्यू दे रहा हूं। ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि मैं आपको दे रहा हूं, ले रहा नहीं हूं। यस सो अभी भूषण जो रहेगा इंटरेक्टिव रहेगा, अभी 9:05 हो गए हैं और अभी फास्ट राउंड रहेगा। अभी आपके साथ में कई लोग सवाल पूछेंगे, मैं एक एक जन को अनम्यूट करूंगा जो एड्रेस करेगा। पहले बात तो आपका जो प्राइस है उसको चेंज करो, प्राइस क्या रहेगा अभी? अब सर ये चेंज है, मैंने कर दिया 1999, 1999। 2,000 रुपये का प्राइस है। बुक रीडिंग भूषण सर सिखाते हैं, कितने दिन का कोर्स है, सर ये 3 मंथ्स का कोर्स है और कितने दिन इसमें होता है हफ्ते में? हफ्ते में सर एक इसका लाइव सेशन होगा, बाकी प्रैक्टिस सेशन होंगे जिसकी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कनेक्ट करके टाइम टू टाइम आपको जानकारी दी जाएगी। सो एक लाइव सेशन रहेगा और एक फॉलोअप सेशन रहेगा, मतलब फॉलोअप जो रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में रहेगा यस कनेक्टिविटी सर, सपोर्ट के लिए। ठीक है अब यहाँ पर कौन ऑब्जेक्शन रेस करना चाहता है, जल्दी से एड्रेस करिए। ओके निधि गर्ग, सर मैं पूछना चाहती हूँ कि हम लोग फास्ट रीडिंग तो कर लेंगे, लेकिन उसमें हमें नॉलेज जब हम पढ़ते हैं तब तो हम धीरे पढ़ते हैं तो आसानी से उसे ग्रेस्प कर पाते हैं, उस चीज को समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम फास्ट फास्ट पढ़ते जाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पढ़ तो लें लेकिन बाद में फिर से बैक टू वहीं पे आ जाएं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया है। हाँ वंडरफुल क्वेश्चन निधि मैम, ये जो कोर्स हम करा रहे हैं ना, ये कोर्स आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है कि हाउ टू रीड विद रिटेंशन। आपको पढ़ना सिखाया जाएगा रिटेंशन के साथ,
स्पीड रीडिंग ही नहीं, अब उसका कोई फायदा नहीं है कि हम पढ़ते चले जाएं, आगे आगे बढ़ रहे हैं और पीछे का सारा भूल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर रिटेंशन इज द मेन पार्ट ऑफ अवर कोर्स। यहाँ पर हाउ टू मेक नोट्स, ये भी आपको बताया जाएगा। अभी तक आप नोट्स बनाते आ रहे हैं, लेकिन किस तरह से पावरफुल वे में अपने नोट्स को डेवलप करना है, दैट वी विल टीच यू। सर मेरा फोकस तो बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब मेरा फोकस नहीं रहता पढ़ते हुए, तो क्या इससे मेरा फोकस बढ़ेगा? ग्रेट ग्रेट मैम, यहाँ पर फोकस एक्सरसाइजेस भी हैं जो हम आपको सिखाते हैं, और एक रीडिंग मेडिटेशन भी है, अफर्मेशंस भी हैं, बहुत कुछ है इस कोर्स के अंदर जो आपकी सभी प्रॉब्लम्स को रेडिकेट कर देगा। सर बुक लेते ही मुझे तो नींद आना शुरू हो जाती है, बहुत से क्या? लोगों के साथ ये समस्या है, दैट्स व्हाई वी हैव डेवलप्ड दिस कोर्स। यस सर, तो उसका उसका भी कोई सोल्यूशन मिलेगा इसमें, अगर मुझे बिल्कुल नींद आती है बुक को देखते हाँ ही? निधि मैम, ठीक, यहाँ पर हाँ जी, एक इंस्टेंट सॉल्यूशन तो मैं अभी आपको दे देता हूँ, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था कि वी हैव द इंस्टेंट सॉल्यूशंस फॉर मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो देखिए यस सर। नींद जब आती है ना, नींद आने का बेसिक रीजन क्या है ना, नींद आने का बेसिक रीजन ये है जब हम अपने इंटरेस्ट से अलग कोई काम करते हैं, जब अपनी पसंद का काम होता है ना, तो नींद भाग जाती है। तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज योर इंटरेस्ट। तो उसके लिए भी देखिए बुक्स हमारे पास हर टॉपिक पर हैं, दुनिया में हर विषय पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन आपको क्या पसंद है? हलवाई की दुकान पे इतनी सारी मिठाइयां रखी रहती हैं, हर मिठाई तो पसंद नहीं होती ना। सेम इन सर, केस ऑफ बुक्स, तो आपको भी पहले आपकी पसंद क्या है ये हम पता लगा कर देते हैं। यस सर, ओके, नेक्स्ट वन। और किसी का सवाल? एनीवन एल्स? यस अनिल सालवे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने पिछले 3 महीने में 10 से 12 बुक परचेज तो कर ली है, बाकी पढ़ी 1 या 2 बुक ही है, तो इससे सॉल्यूशन बताइए सर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीड कर पाऊँ, उसका नॉलेज ले पाऊँ। सॉल्यूशन एक ही है अनिल सर, हमारे कोर्स में आ जाइए और आप देखिए वंडर हैपन्स, जादू होता है। आज ही अभी आपको एनरोल करना है, क्योंकि देखिए किताबें अगर पढ़ी रहेंगी ना बुक शेल्फ के अंदर, तो वो दिमाग में आने वाली नहीं है, उन पे काम करना होगा। कैसे काम करना है, वी विल टीच यू। सर फास्ट रीडिंग से हमारे माइंड के अंदर कितने परसेंट नॉलेज जाएगा सर इसमें? सर मैंने आपको बताया, इट विल इंक्रीज योर स्पीड 10 टाइम्स, 10 गुना आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपका रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा सर। इट इज टोटली अप टू यू। कहते हैं ना बारिश सबके लिए समान है, कोई हाथों में भर रहा है ना, कोई बाल्टी में भर रहा है, कोई किसी ने टब रखा हुआ है, किसी ने स्विमिंग पूल खोदा हुआ है, तो ये आपके ऊपर है सर, जितना आप लेना चाहें ना उतना आपको मिल सकता है। सर ये 100% श्योर है कि हम आपके कोर्स में आने के बाद सर हमारी बुक रीडिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी बिल्कुल वो नहीं बढ़ती नॉलेज? है तो सर मनी बैक गारंटी हमारे कोर्स के साथ आपको दिया जा रहा है, और यू आर टोटली फ्री टू आस्क योर मनी बैक। 3 महीने का थैंक कोर्स है, 1 महीने बाद अगर आपको लगता है आपको कोई वर्थ नहीं मिला, आप जो चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल पाया, देन वी विल नॉट आस्क इवन ए सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम यू एंड आई विल टोटली मनी बैक ऑल योर अमाउंट। और बताइए। ओके, एनीवन एल्स? अपना वीडियो ओपन करिए, तभी आपको जवाब मिल पाएगा, सवाल पूछने का अधिकार मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं। यस डॉक्टर रोहित। हाँ भूषण सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, ये आप जो बुक रीडिंग का कोर्स लेके आए हैं इसमें कुछ क्वेरी है सर। बिल्कुल क्वेरी करें सर। जैसे आप दावा कर रहे हैं कि 15-20 मिनट में एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, तो 7 डेज सर। 7 डेज, यस अमेजिंग। तो सर, तो आपके हिसाब से तो इस कोर्स को करके सभी लोग आईएएस आईपीएस बहुत जल्दी से बन सकते हैं। बिल्कुल सर, कहते हैं ना कि कुछ चीजें हम जान नहीं पाते, जो अगर हमें टाइमली पता चल जाए ना तो फिर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हर आपने देखा होगा कि स्विमिंग आप खुद भी सीख सकते हैं, आप एक कोच से भी सीख सकते हैं, पर आपकी जो लर्निंग की स्पीड है वो बढ़ जाती है जब आप एक कोच से सीख रहे होते हैं। ड्राइविंग भूषण भूषण भूषण, पूरे उड़ते तीर अपने ऊपर नहीं लेते हैं।
गिव एग्जाम्पल ऑफ स्वामी विवेकानंद, जितने भी बढ़िया स्पीकर्स हैं जो ऑलरेडी बुक रीडिंग करते हैं, साल की 100-100 बुक्स को रीड किए, उनके एग्जाम्पल दो, प्रैक्टिकल है, प्रूफ के साथ में है, उनको कोट करो ना। यहाँ पे खुद के ऊपर में पूरे तीर ले लोगे ऐसे में तो मजा नहीं आएगा। स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल है, यस, उनके एग्जाम्पल दो ना। और कौन है अभी भी वर्ल्ड के अंदर में? ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हफ्ते की एक बुक को कंप्लीट करते हैं। मार्क जुकरबर्ग है, यस, बॉस बिल गेट्स है, इनके लाइव एग्जाम्पल्स है, प्रूफ के साथ है, उसको स्लाइड में डालो भाई, रेडी रखो। देखो सवाल आया इसका मतलब ये नहीं कि खुद के ऊपर में लेना, नो, आंसर ऐसा देना है, मोदी से कुछ तो सीखो, यस, मोदी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी क्यों ना हो, हमको स्मार्ट बनना है। सवाल आएगा उसका जवाब ऐसा देना है कि सामने वाला सोच में पड़ जाए कि यार इतना बेहतरीन जवाब, मतलब सामने वाले का नॉलेज बहुत शानदार है, इनके साथ में मुझे कनेक्ट होना है, तभी वो कनेक्ट होगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोलता है कि भाई हम आईटीएन बन जाएंगे या फिर हमारा नॉलेज, तो हाँ ऑफकोर्स बहुत सारे लोग हो चुके हैं, और एक नहीं कई नाम है, मैं नाम की पूरी लिस्ट बताता हूँ, आप रिसर्च करो, ढूंढ कर आओ, अगर नहीं मिले तो मैं अपना कोर्स बंद कर दूंगा, सेल ही नहीं करूंगा, कभी कंडक्ट ही नहीं करूंगा वेबिनार। स्वामी विवेकानंद के बारे में पता कर कर आइए, बिल गेट्स के बारे में पता कर कर आइए, इतनी बुक्स अभी तक के इतने दिनों में इनने पढ़ ली है, पता कर लीजिए आप। और वही फास्ट रीडिंग मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो ये कामयाब लोगों ने इम्प्लीमेंट करी है। यस भूषण, ठीक है? यस सर, हाँ ग्रेट ग्रेट आंसर हाँ रोहित थापर, और कोई सवाल आपका? सर। हाँ सर, तो वैसे भूषण सर आप करते क्या है? सर बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर, और पढ़ना पढ़ाना यही मेरा काम है, दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस कोर्स। तो आपने तो अपने कोर्स के द्वारा बहुत सारे IITM तैयार कर लिए होंगे और नीट वाले। हाँ सर, अभी IITians नीट तैयार नहीं हुए हैं, वी आर इन आवर प्रैक्टिस फेज, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ, और वो सब बहुत, उनकी लर्निंग बहुत फास्ट जा रही है। तो तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने अभी दे सकता हूँ। यस, जस्ट गिव मी ए मिनट, ही इज माई स्टूडेंट ध्रुव शर्मा। यस ध्रुव, थोड़ा बताइए सर को अपने बारे में। सर जी, मेरा नाम ध्रुव शर्मा है, मैं एक्चुअली सर के संग अभी बुक आपको देख रहा हूँ कि आप कैसे सर जी आपको बता रहे हैं, आप सर जी को बता रहे हो, तो मतलब देख के बहुत गुड फीलिंग से आ रही है, जैसे मतलब आप समझा रहे हो, एक एक चीज समझा रहे हो आप और ध्रुव आपकी क्या पोजीशन आ रही है क्लास में? सर जी। सेकंड पोजीशन है इस टाइम मेरी क्लास कितने टाइम में आपने ये सब ग्रो किया? सर जी। आपने जब जब से मुझे सर जी ने पढ़ाया, मैंने 2 मंथ्स में इसे कंप्लीट कर लिया। वंडरफुल वंडरफुल। सो ध्रुव के लिए एमपीटी वाया सभी लोग टाइप करेंगे, एमपीटी वाया ध्रुव। यस थैंक यस डॉक्टर पुष्पा मुल्तानी मैम, कभी सवाल है? यस डॉक्टर पुष्पा मैम, और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रेडी हो जाइए, आपका चांस आने वाला है। यस नमस्कार भूषण सर, आपका मैंने 2 लेक्चर्स अटेंड किए हैं 2022 में, बहुत अच्छे थे, लेकिन तभी तब से मेरा ये सवाल है कि मैं म्यूजिशियन हूँ और मुझे मेरा मैं ऑडियो टाइप की वुमन हूँ, तो मैं मुझे क्या करना चाहिए? आप म्यूजिशियन है ना मैम, है ना? जी तो जी आपकी आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, आपको आप उन्हें पॉलिश कर सकते हैं। जी हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली, हाउ टू कन्विंस अदर्स, तो आप जी पब्लिक स्पीकिंग पर काम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारा कंटेंट है, इससे रिलेटेड बुक पढ़ सकते हैं। आप लोगों को मोटिवेशनल स्टोरीज किस तरह से डिलीवर करनी है, तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, यू कैन डू इन दोस। जी जी थैंक यू थैंक यू। यस एनीवन एल्स? ओके, नाउ हम एक एक्टिविटी अभी करने वाले हैं। सभी लोग अपना वीडियो ओपन करिए फास्ट। अभी सभी को अपने आप को रेडी करना है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। एक डायरी पेन है आपके पास में, सभी के पास में शो योर डायरी पेन, जैसे ये है पेन पेपर, दिखाइए। सभी
सबसे पहले मैं ऊपर में अपने कोर्स का नाम लिखिए, जो भी कोर्स का नाम रहेगा वो कोर्स का नाम लिखिए फास्ट, अभी लिखना है तुरंत, कोर्स का नाम लिखना है, जो भी मन में आएगा, अभी तक के नहीं डिजाइन किया कोई बात नहीं, अभी करिए, एक्स वाई जेड जो भी नाम रहेगा आपके कोर्स का स्पेसिफिक, वो नाम टाइटल लिख दीजिए, उसके नीचे में कोर्स का ड्यूरेशन लिखिए अभी तुरंत, एंड गौरव शर्मा ओपन योर वीडियो, कोर्स का ड्यूरेशन लिखिए, कितने दिन का है कोर्स आपका, अगर एक महीने का है तो एक महीने में कितने दिन आप लाइव सेशंस कंडक्ट करोगे, या ये लिखिए तुरंत, गौरव आपको भी करना है एक्टिविटी अभी तुरंत ही, हफ्ते में एक दिन है, दो दिन है, वॉट एवर, जो कुछ भी है, ये सेकेंड चीज हो गई। थर्ड थिंग, प्राइस क्या रहेगा आपके कोर्स का, फाइनल प्राइस, और कम नहीं रखना है, 500 रुपये के नीचे किसी का नहीं होना चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ 5,000 रुपये रखो, 3,000 रुपये रखो, 2,000 रुपये रखो, अपील तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन, 200 रुपये में क्या ऑब्जेक्शन लेगा कोई, रखो 5,000 रुपये, रखो 2,000 रुपये कम से कम, अभी करना है ये काम, यस। ये तीन चीजों के बाद में फोर्थ थिंग, बेनिफिट्स क्या है इसके, अब ये दिमाग से निकाल दीजिए कि यू आर कंडक्टिंग अ वेबिनार, नो, आपने सामने अभी फास्टेस्ट फास्ट राउंड रहेगा, तूफान के जैसे सवालों की बौछार होगी अभी, जो भी स्पीकर रहेगा उसके ऊपर में, बस क्वेश्चन आएंगे, आंसर देना है, और भूषण इस बार जो आपने किया है अच्छा किया है, और एनर्जी ड्रेन होती है, समझ में आ रहा है सेल्स के समय जब क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक चीज आपने मिस कर दिया, कमेंट बॉक्स को, यस, कमेंट बॉक्स के अंदर में जो क्वेश्चंस थे उसके ऊपर में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, अब जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डॉक्टर पुष्पा मुलतारी ने बोली रीडिंग नीड्स ओनली वन विजुअल एंड काइंड सेंस, ऑडियो नीड्स ईयर एंड विजुअल काइंड सेंस, तो यहाँ पर आई थिंक पुष्पा मैम बोल रहे हैं कि भाई रीडिंग के लिए सिर्फ विजुअल सेंस की जरूरत है, इसमें ऑडियो और जो हमारा दूसरा सेंस है वो तो वर्क करता ही नहीं है, इसका क्या जवाब है भूषण आपके पास में? बाकी लोग रेडी करिए, अपने बेनिफिट्स को लिखिए, अभी रेंडमली मैं बुलाने वाला हूं, एनीवन आई विल कॉल एनीवन, किसी को भी बुलाऊंगा और उनके साथ में ये सब चीजें होने वाली, कोई भी सवाल पूछेगा और मैं हर किसी को अनम्यूट करूंगा जो हैंड्रेस करेगा। यस भूषण भाई, इनका डॉक्टर पुष्पा मैम का पूछना ये था सवाल कि भाई विजुअल सेंस तो उसमें डेवलप होता है और उसके अंदर में कनेक्टेड भी रहता है, लेकिन ऑडियो सेंस कहाँ है इसके अंदर में, फीलिंग का सेंस कहाँ है इसके अंदर में, स्मेल का नहीं है, टेस्ट का नहीं है, आपने एनएलपी की बात करी, जब हम रीडिंग करते हैं ना मैम पुष्पा मैम, तो रीडिंग करते वक्त हमारा विजुअल सेंस काम करता है, और इसके साथ ही साथ हम इमेजिनेशन भी करते हैं, हमारे सामने जो सिचुएशंस दी गई होती हैं तो हमारा जो फीलिंग का सेंस है वो भी वर्क करता है, चीजों को फील कर पाते हैं, उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पे राइटर हमें लेकर जाने वाला है, तो ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। तो अगर मैंने ये कहा था कि अगर आप अपनी ऑडिटरी के साथ आप बुक सुनते हैं, अगर आप उसके साथ साथ आप ये विजुअल सेंस को भी डेवलप कर लें, पढ़ना भी शुरू कर दें, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। रॉन्ग आंसर मोशन, जब भी कोई बुक रीडिंग करता है ना तो विजुअल सेंस तो काम करता है, लेकिन ऑडियो सेंस उससे कई गुना ज्यादा स्पीड में काम करता है। हम पढ़ते कैसे हैं, बोल के पढ़ते हैं, बिना बोले पढ़ सकते हैं क्या? चलो लिप सील भी कर दिया अगर हमने, फिर भी अगर मैं पढ़ रहा हूं यहां पे, मन में आवाज चल रही है, और मन की जो आवाज चलती है ना, हम खुद से बात करते हैं कभी कभी, अरे वहां जाना चाहिए क्या, अरे सर ने अगर मुझे बुला लिया अभी तुरंत भूषण के बाद में तो मेरा क्या होगा, मैंने तो रेडी नहीं किया है, चलो मैं वीडियो ऑफ कर लूँ, ये मन में चलता है लोगों के। तो वैसे जब बुक रीडिंग करते हैं तो, या फिर हम
बोलकर पढ़ रहे हैं बुक को, या फिर अगर बोल के नहीं पढ़ रहे तो उससे पावरफुल रीडिंग हो रही है मन के अंदर में। हम बोल के बिना बोले पढ़ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है क्या? सो डॉक्टर पुष्पा मैम, अगर आप म्यूजिक लवर है तो यहाँ पर म्यूजिक बहुत शानदार है, ऑडियो सेंस बहुत पावरफुल वे में डेवलप होती है बुक रीडिंग के अंदर में। यस, टेस्ट, हर एक ऑथर का टेस्ट अलग है मैडम। अगर आप जिम रॉन की बुक को रीड करोगे उसका एक अलग फ्लेवर है, टेस्ट है। यस, अगर आप दूसरे ऑथर को पढ़ोगे उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट अलग है, तो टेस्ट भी मिलता है आपको। पूरे फाइव सेंसेस को प्रूफ करके दिखाना है भूषण आपको यहाँ पे, कि पूरे फाइव सेंसेस यहाँ पे एक्टिव होते हैं और पूरी एनर्जी मिलती है फाइव सेंसेस को, ये आपको बताना है इसके अंदर में। पुष्पा मैम, जब हम पढ़ रहे होते हैं या हमारे, तो पढ़ते पढ़ते हमारे जो इंटरनल डायलॉग्स हैं वो भी चलते रहते हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं उसको अंदर ही अंदर हम बोल रहे होते हैं, उसको सुन रहे होते हैं, दैट आर अवर इनविजिबल ईयर्स। तो पढ़ने के साथ साथ हमारी पांचों सेंसेस काम करती हैं, और हमारी जो सबसे पावरफुल सेंस है वो विजन ही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि विजन को आगे रखते हुए आप अपनी चारों सेंसेस को भी इस्तेमाल करें, आपकी जो रिटेंशन है, आपकी पावर्स बढ़ जाएंगी। ओके, सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर भूषण सर। और भूषण सर ने यस लीड किया है आज का जो सेशन है। सबसे पहले वो खुद होकर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। यस, सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर भूषण सर। MPTY भूषण सर, ईच एंड एवरीवन टाइप इन द कमेंट बॉक्स MPTY भूषण सर। सो नाउ हु विल बी द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट? वॉरियर्स ने अपना रोल प्ले करा, अभी हम चांस देने वाले हैं एवेंजर्स टीम को, और एवेंजर्स के अंदर में सिर्फ एक हाथ ऊपर है, बाकी सब जो प्लेयर्स हैं उनने क्या सरेंडर कर दिया है? एवेंजर्स टीम कहाँ पर है? एवेंजर्स के लीडर्स प्लेयर्स कहाँ पर है? सर रेडी है, रेडी है सर। अनिल सालवी सर रेडी है, वनिता जिंदाल रेडी है, डॉक्टर पुष्पा भी रेडी है। मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है वनिता जिंदाल का, पुष्पा मैम का। खाली मीन ओके, कम ऑन एवेंजर्स, रेज योर हैंड्स। सो दिस विल बी द फास्टेस्ट क्वेश्चन राउंड। अब बहुत स्पीड में क्वेश्चंस आएंगे, कोई स्लाइड नहीं, कुछ नहीं। आप अपने कोर्स के बारे में बताओगे, कितने दिन का है, क्या प्राइस है। यस, और जैसे कि मैंने बताया, प्राइस रहेगा, बेनिफिट रहेगा, इम्पोर्टेंस रहेगा, साथ में आप शायरी से स्टार्ट कर सकते हो, और अपना जो टॉपिक है उसके बारे में बताओगे, प्राइस बताओगे, कोर्स का ड्यूरेशन बताओगे, बेनिफिट्स बताओगे, और उसके बीच में कभी भी ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यस, सो अपर्णा, आपके एवेंजर्स ग्रुप से कौन लीड करेगा अभी? ओके, हम खुद सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो भूषण रेडी हो जाओ अभी, ठीक है? यह कंपटीशन काउंट करने वाला है, स्कोर जो रहेगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। यस, स्कोर काउंट होने वाला है। इसके बाद में आप में से किसी का भी नंबर आएगा। कौन कौन रेडी है फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, और अगर अभी रेडी नहीं हो गए ना तो फिर क्या वेबिनार के अंदर में सेल्स करोगे भाई? यहाँ पर हारना चलेगा, वहां पर नहीं हारना है, इसलिए तो यहाँ पे हारना है, तो हारने के लिए रेडी हो जाओ। चलो मैं मनीष को बुला रहा हूं सबसे पहले यहाँ पे अभी। यस मनीष, हेलो। यस सर। मनीष क्या करते हो आप? जी मैं लैंडिंग पेज बिल्ड करता हूँ। लैंडिंग पेज बिल्ड करते हो मनीष आप? ओके, और किसके लिए करते हो? जी कोई भी कोर्स क्रिएटर, कोई भी जिनको मतलब कुछ भी सेल आउट करना है, कि जैसे कि फेसबुक एड्स लगाते हैं तो डायरेक्ट सेल करते हैं, तो इतना ठीक है। अब यहाँ पर लैंडिंग पेज के ऊपर में हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो प्राइस है लैंडिंग पेज का वो 3,000 रुपए है, ठीक है? 3,000 रुपए में लैंडिंग पेज आप बना के देते हो, उसका बेनिफिट क्या, इम्पोर्टेंस क्या है? यहाँ पर पूरी जो कम्युनिटी है ये पूरी सोने की खदान है आपके लिए, ठीक है? यस, अब आपको इसका बेनिफिट बताना है। 3,000 रुपए प्राइस फिक्स है, इम्पोर्टेंस बताना है, और
बेनिफिट प्राइस कोर्स कितने दिन में आप बना के दोगे? कोर्स तो रहेगा नहीं, कितने दिन में आप आपका लैंडिंग पेज बना के दोगे? लैंडिंग पेज का फायदा कहाँ कहाँ पे उठा सकते हैं ये आपको अभी वर्बली बताना है सबके सामने स्क्रीन के ऊपर में, और यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेंट आके हैंड रेस करके ऑब्जेक्शन रेस करेगा उसका आंसर देना है आपको। रेडी है आप? और मनीष के बाद में किसी का भी चांस आ सकता है अभी। यस यस मनीष किसके टीम में है? भूषण सर आपके टीम में ज्यादा लोग हैं या अपर्णा के टीम में ज्यादा लोग हैं? भूषण सर के ज्यादा लोग हैं, ओके, मनीष सो सर को अपर्णा यहाँ जी पे आपके छोड़ टीम देंगे के हम लोग। मेंबर है मनीष अभियास से, ठीक है? मनीष ये कौन बहुत है, कहाँ से आए टाइम हैं? डोंट वरी, यस मनीष है, जस्ट रखिए। यस मनीष, सर कोर्स देखना या अपनी सर्विस पेश करनी? लैंडिंग पेज कि हाँ सर्विस आप देते हो 3,000 रुपये उसका प्राइस है, बस उसके ऊपर में बात करना है, बाकी कोई भी टॉपिक नहीं। कितने दिन में बना के तो देते हो लैंडिंग पेज, उसकी खासियत क्या है, बाकी लोगों से अच्छा कैसे बना के देते हो, और बाकी पार्टिसिपेंट का क्या क्या फायदा हो सकता है उसमें। और अगर मनीष ने बहुत एक्यूरेसी के साथ में अच्छा आंसर दिया है तो मनीष आपको ये कम्युनिटी से काम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, तो ये आपके लिए टेस्ट है। ठीक है। हाय हाय फ्रेंड्स, तो मेरा नाम मनीष है एंड आई एम अ लैंडिंग पेज डिजाइनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंडिंग पेज की जरूरत हमें क्यों होती है? कि जैसे कि आप सारे कोर्स क्रिएटर हो, तो हर आप किसी ने मेडिटेशन का कोर्स बना रखा है, किसी ने बुक रीडिंग का जैसे सर ने बना रखा है, तो हर किसी व्यक्ति को लैंडिंग पेज की जरूरत है, और क्योंकि कुछ सेल करने, ताकि लैंडिंग पेज की जरूरत हमें इसलिए होती है ताकि वो व्यक्ति जो आते हैं, जैसे कि ट्रैफिक जो आता है आपके लैंडिंग पेज पे, वो ज्यादा कन्वर्ट करके देगा एज कम्पेयर टू जैसे कि आपने डायरेक्ट एड्स लगा दी। तो डायरेक्ट एड में आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक डाल दोगे या फिर अपना वो कुछ भी डाल दोगे कि अपने इंटरेक्शन का वन टू मनीष वन रहेगा। डोंट टेल अबाउट द प्रोसेस। यस अच्छा भाई इनको लालच दो, लालच लालच समझता है, बेनिफिट्स अच्छा और लालच, बस यही करना होता है सेल्स के समय पे। डोंट टेल देम द प्रोसेस, प्रोसेस आप बाद में बता सकते हो। या सो बेनिफिट्स क्या है वो बताइए। 3,000 रुपये कॉस्ट है मैंने तो बताया, लेकिन आप भी रिपीट करिए कि आपका जो कॉस्ट है 3,000 रुपये, वैसे तो मैं 10,000 लेता हूँ लेकिन ट्रेनर्स गुरुकुल के लिए 3,000 रुपये कॉस्ट करूंगा, बिकॉज मेरी जो क्वालिटी है बहुत हाई क्वालिटी है, ऑलरेडी मैं ट्रेनर्स लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ और मैं मिनिमम कम से कम 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ, लेकिन आकाश सर ने जो बोला है क्वालिटी के साथ में देने के लिए वो 3,000 रुपये प्राइस है। सो 3,000 रुपये मेरा प्राइस है, ये प्राइस पॉइंट के ऊपर में ये सर्विस देता हूँ, मैं इतने कम दिनों के अंदर में डेवलप करके देता हूँ। तो प्लीज़ टेल मी आप कौन से बैकग्राउंड से है, कौन से नीश पे आप काम कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। इंटरेक्टिव रहो मनीष, ओके सेल्स करना है आपको यहाँ पे। यस कम ऑन फास्ट। तो मेरा जो कोर्स है, एक्चुअली कोर्स सर्विस है जो मैं चार्ज करता हूँ, वैसे तो 10,000, लेकिन जो ट्रेनर सर आकाश सर की वजह से आई चार्ज यू 4,000। तो 3,000 में आपको क्या क्या मिल सकता है? जैसे कि आप सबको तो एक लैंडिंग पेज की जरूरत चाहिए, वो तो जरूरत है ही। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि अदर्स से बेटर, पहली चीज कि मैं आपको आपको लैंडिंग पेज, जैसे कि आपने आज कहा कि मेरे को लैंडिंग पेज चाहिए, तो मैं विद इन अ वन इन वन डे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके साथ जैसे कि आपने यह कहा कि मेरे को ये चेंजेस कराने हैं, ये विद इन अ 10 डेज आपको कुछ भी चेंज कराना हो, वीडियो ऑडियो या फिर टेक्स्ट या फिर पूरा लैंडिंग पेज का डिजाइन की ये पसंद नहीं है, वो आप मेरे से कराइए, नो क्वेश्चन आस्क, मैं आपके लिए पूरा करके दूंगा। और जो है जैसे कि हर एक लैंडिंग पेज, ये जरूरत नहीं है कि हर एक लैंडिंग पेज, एक लैंडिंग पेज हर किसी के लिए वक्त वो वर्क करे कि आपने उस लैंडिंग पेज पे एड्स लगाई और मान लो कन्वर्ट ही नहीं हुए, तो आप मेरे को वो दिखाएंगे कि जी मेरा ऐसा लैंडिंग पेज कन्वर्ट हुआ, तो मैं आपको वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट लैंडिंग पेज डिजाइन करके दूंगा ताकि लोग कन्वर्ट, जिसमें ओके ये देखो आपको मनीष जो है फिटनेस ना देता हूँ। एवेंजर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस तो वॉरियर्स टीम ऑब्जेक्शन रेस करिए, क्वेश्चंस को रेस करिए, नहीं तो एवेंजर्स जीत जाएगी।
अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा वो टीम जीत जाएगी। तो जो वॉरियर्स टीम है, यस भूषण सर ने तो अपना रोल प्ले किया है एज अ लीडर, यस, लेकिन बाकी जो टीम मेंबर्स है वॉरियर्स टीम के और एवेंजर्स के भी, ऑफ कोर्स क्वेश्चन रेस करना है, हैंड रेस करना है। किसी के मन में सवाल है लैंडिंग पेज को लेके जल्दी से हैंड रेस करिए। सर सोच समझ के क्वेश्चन करने को कहिएगा, वरना लैंडिंग पे समझ में नहीं आया ये हमें समझ में आ जाएगा। ओके, यस यस गौरव शर्मा। यस बताइए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप लैंडिंग पेज बना के दोगे हमें, तो उसका कन्वर्जन रेट कितना होगा? कन्वर्जन रेट एक्चुअली हर चीज का अलग होगा। जैसे कि आप वेबिनार कंडक्ट करोगे तो उसका, अगर आपका फ्री कोर्स है, फ्री अगर फ्री वेबिनार रख रहे हो तो उसका 45% कन्वर्जन रेट है, और अगर पेड है तो उसका 15%। 15% के बाद जो आप अपसेल जो करोगे ना, उसमें आपका कन्वर्जन रेट हाई रहेगा, क्योंकि वहां आपको क्वालिटी भी चाहिए कि ऐसे कोई आपके वेबिनार में नहीं आ जाएगा। और जो फ्री वेबिनार है उसमें थोड़ा सा वो कन्वर्जन रेट हाई रहता है। नहीं, सपोज तो मेरा आप कोर्स जो है वो 299 का है टिकट, तो ठीक है, और 299 आपका, के टिकट में मेरा मैंने मैंने ऐड चलाया और हाँ मैंने जी स्पेंड किया 500 रुपीज पर डे, तो ठीक उससे मेरा कितना कन्वर्जन हो जाएगा, कितना टिकट सेल हो जाएगा? है। टिकट जैसे कि आपका है, मान लो आपके 500 है, 10 रुपीज पर लीड है, तो 500 रुपये, आप 500 व्यक्ति आपके लैंडिंग पेज पे आए, तो ठीक मैक्सिमम मैक्सिमम 25% मस्ट बी कन्वर्टेड। 25%, ये तो बहुत ही अच्छा है सर, फिर तो जी। आपसे जरूर बनवाएंगे सर। थैंक यू। और ये जो लैंडिंग पेज है इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टूल लेने की जरूरत नहीं है, आपको केवल वर्डप्रेस की जरूरत है बस, और कुछ नो फनल बिल्डर, कोई फ्लेक्सी फनल या फिर कोई और सॉफ्टवेयर की जरूरत, फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे हम एलिमेंटर पर डिजाइन करके। थैंक यू ग्रेट, सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके तरफ से रहेगा, हैंड रेस करिए। यस प्रवीण कुमार, यस प्रवीण। मेरा क्वेश्चन है सर कि मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, तो एनएलपी ट्रेनर और भी है मार्केट में, उनसे किस हाँ जी, तरह से अलग होगा मेरा लैंडिंग पेज कि मेरा कन्वर्जन रेट ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे लैंडिंग पेज पर आए और ज्यादा कन्वर्ट हो। बहुत सारा लैंडिंग पेज होगा जो हमारे कंपटीटर है उनका लैंडिंग पेज है, उसके हाँ जी। कंपैरिजन में किस तरह से मेरा लैंडिंग पेज बेहतर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी राइटिंग की आपकी कॉपी, टेक्स्ट जो लिखे उसमें वर्ड्स की आपकी स्टोरी टेलिंग, और जो आपका डिजाइन है ताकि प्रीमियम लगे कि हाँ जेन्युइन लगे कि व्यक्ति हाँ जी इसे इन्हें कुछ आता है, तो उससे इंटरेक्टिव रहेगा। थोड़ा सा हम थोड़ा सा लैंडिंग पेज में बहुत ट्विक्स करते हैं, जैसे कि एक ट्विक्स है कि जैसे कि आपकी स्पीड अप करेंगे हम लैंडिंग पेज का, ठीक है, और दूसरी चीज है हम थोड़े से टेक्स्ट एनिमेशन डालेंगे ताकि अट्रैक्ट लगे आपका लैंडिंग पेज और अच्छा लगे, और बहुत कुछ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी तरफ से रहेगा, हैंड रेस करिए फास्ट। कोई क्वेश्चन है? ओके, ज्ञानेंद्र सिंह। यस ज्ञानेंद्र। हाँ जी मनीष जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा कि आप एक लैंडिंग पेज बना के दोगे और उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दूसरा बना के दोगे, तो मतलब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे कि क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, कैसे हमें पता चलेगा कि पहले वाले में क्या प्रॉब्लम थी, दूसरे उसको क्या इम्प्रूव करें। जैसे कि वही बात कि हर एक लैंडिंग पेज वर्क करे ये पॉसिबल नहीं है, हर एक एड्स पॉसिबल, हर एक एड्स पे टारगेटिंग हर चीज पॉसिबल नहीं है कि कुछ एक लैंडिंग पेज होगा, आपको मल्टीपल लैंडिंग पेजेस और मल्टीपल वीडियोस बनानी पड़ेगी ताकि आपका कन्वर्जन रेट, फिर आप टेस्ट करेंगे, ये एक लैंडिंग पेज से होगा ये पॉसिबल नहीं है पहली बार, और आपको कम से कम 3 से 4 लैंडिंग पेजेस अच्छा की जरूरत तो होगी हाँ, ताकि फिर आप देखेंगे तो ये कि जो प्राइस आपने एक, बताया एक लैंडिंग पेज का हाँ है, अच्छा तो अगर सेम एडवर्टीजमेंट में 4 लैंडिंग पेज हैं तो उसका चार चार का अलग अलग प्राइस लगेगा।
यस, राउंड ऑफ ब्लॉस फॉर मनीष। और मनीष को स्कोर क्या देना चाहोगे आप? 100 आउट ऑफ कितना दोगे स्कोर उनने जो आंसर्स दिए हैं? यस, क्या स्कोर दोगे? जल्दी से टाइप करिए। 100 में से कितना दोगे आप? 100 में से कितना दोगे? कम ऑन, फास्ट 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 स्कोर दीजिए यहाँ पे, ईच एंड एवरी वन। स्कोर यहाँ पे तुरंत देना है हमको। 100 में से कितना दोगे आप? 100 आउट ऑफ कितना दोगे? यस, कम ऑन फास्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स। और जो जज कर रहे हो ना, प्रॉपर वे में करो जज, क्योंकि आपको भी लोग जज करेंगे। और यस, इट शुड बी वेरी जेन्यून। आपका अगर लग रहा है 65 है, 50% है, 70 है, यस मैं देख पा रहा हूँ 70, 85, 75, 90%, 100%, 100 गौरव शर्मा भी दे रहे हैं। सो गौरव एक डिजिटल कोच है, फिर भी 100 और तो 100 दे रहे हैं, बिकॉज उन्हें वैलिड आंसर भी दी है। 70 दे रहे मोहित, ग्रेट श्री सेला, 70, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यस मनीष, वंडरफुल। और मनीष के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मनीष मेरा खुद का लैंडिंग पेज बनाते हैं। मेरी जो एड रन हो रही है, मनीष एक प्रोफेशनल लैंडिंग पेज बिल्डर है। और इनका जो कॉस्ट है 3,000 रुपये नहीं है, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये ही है। ये कम में नहीं बनाते हैं, मुझे भी चार्ज किया है मनीष ने। रीजन है उसके पीछे में, बहुत डेप्थ में इनके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज है मनीष के पास में। और मनीष को स्पेशली मैंने आज अलग से इनवाइट किया था, बिकॉज मनीष बहुत सारी सर्विसेज आप सभी को देने वाले हैं आने वाले समय के अंदर में। यस, मेरे वीडियो की जो एडिटिंग है वो भी मनीष ने ही करी है, जो एड रन हो रही है। यू कैन सी एडिटिंग की क्वालिटी क्या थी उसके अंदर में। सो वो वीडियो एडिट करने का 5,000 रुपये चार्ज किया मनीष ने, जिसमें मैं बोलता हूँ ना, जो 53 सेकेंड्स का वीडियो है, 5,000 रुपये चार्ज किया। उसके रीजन है, वो जो मशीनरी टूल्स को यूज कर रहे हैं वो 2-2, 5-5 लाख रुपए की है। उनको वहां पर जाके वो करवाना पड़ा है, और वो प्रॉपर है, उसका चार्ज उत्तर रहना चाहिए, क्योंकि उस पर लाखों रुपए की एडरन हो रही है। सो यस मनीष, थैंक्स अ लॉट। यस, इफ यू वॉन्ट टू लिव यू कैन लिव, लेकिन अगर आप रहना चाहते तो रहिए यहाँ पे। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आज आज का सेशन आप पूरा अटेंड करें अगर आपके पास समय। थैंक यू मनीष, थैंक यू वेरी मच। यस, नाउ द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। यस, अभी मनीष जो रह गए मैंने एवेंजर्स में काउंट किया है, लेकिन अब रैंडमली मैं यहाँ पर इनवाइट करने वाला हूँ कोई भी पार्टिसिपेंट को। मैं यहाँ पर एक ही बात बोलना चाहता हूँ आप सभी को, रेडी रहो अपने कोर्स के साथ में, प्राइस के साथ में, उसका बेनिफिट क्या है वो बताना है। और इट विल बी एन इंटरेक्टिव फास्ट क्वेश्चन राउंड, फटाफट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यस यस गौरव, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा, अपर्णा जी से, भूषण जी से। यस, ये दोनों से। और फिर आप आइए वॉरियर्स में या फिर एवेंजर्स में, यू कैन पार्टिसिपेट देन ओनली। यस, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो देखना होगा। सो लीडर्स यू कैन कनेक्ट। गौरव आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपर्णा जी को या भूषण जी को, किसकी टीम में आना चाहते हैं, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। डन सर, डन सर, मैं अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जो गोल्ड ग्रुप है ना, वहाँ पे ही करिए, कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये सब अपर्णा, यू कैन कनेक्ट गौरव सर। मैं ही सिर्फ नौ जन जी को, अपर्णा जी के ग्रुप में मैं ज्वाइन करता हूँ सर, क्योंकि ये मुझे इन्वाइट कर रहे हैं, भूषण जी इन्वाइट नहीं कर रहे। ओके, ठीक है, अपर्णा जी को गौरव शर्मा सर के ग्रुप में डाल देते हैं, और मनीष जी आप उस सर की टीम में चले जाइएगा। ये क्या बात हो गई? ओके, ठीक है, मनीष तो यहाँ पर ग्रुप को नहीं ज्वाइन करेंगे, वो एक पार्टिसिपेंट नहीं है। यस, वो हमारे टीम मेंबर है। यस, फ्रीलांसर है। सो हु विल बी द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, जल्दी से बताइए, हैंड रेस करिए फास्ट। ओके ओके, अपर्णा पिल्ले। अपर्णा, आप निधि गर्ग आपके टीम में है? नहीं सर, वो मेरी ऑपोजिशन में बैठी है। ठीक है, निधि गर्ग रेडी रहिए, आपका चांस इसके बाद में आएगा। और आज का जो समय रहेगा थोड़ा सा एक्सीड करेंगे हम, आधा घंटा 10:30 बजे तक के ले सकते हैं।
ये बात का ध्यान रखिए। लेकिन अब ये सेल्स पिच के ऊपर में हम काम कर रहे हैं, रफली कर रहे हैं, आने वाला जो वीक रहेगा और ज़्यादा इम्पैक्टफुल पावरफुल रहेगा, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा रेडी होके कैसे आना है। और अभी रुकना है आपको ताकि आपको डे टू का वीडियो चैलेंज मैं दे पाऊँ। यस, बी रेडी फॉर दैट। उसका वीडियो रेडी है और वो थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। यस, तो उसको समझना है, उसके बाद ही जाना है, उसके बाद ही लीव करना है, ये बात का ध्यान रखिए। सो अपर्णा विल बी द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। यस अपर्णा, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सो सबसे पहला सवाल सबके लिए, यहाँ पे डिजिटल कोचेस कितने हैं? हाथ, राइट हैंड अप, राइट हैंड अप, राइट हैंड अप, देखें कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, राइट हैंड अप। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, मैं देख पा रही हूँ सबको, सब थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबने रेज किया है, वेरी नाइस। अब जब हम डिजिटल फील्ड में आए हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, क्या है आपकी बहुत नेसेसिटी एज अ डिजिटल कोच? टाइप 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 चैट बॉक्स में, चलिए जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत बिजी लोग हैं हम। कम ऑन गेट, कुछ है, कुछ कुछ है, सेल्स, थैंक यू निधि, वेरी गुड सेल्स, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, और क्या हो सकता है? अपन ना गिव ऑप्शंस, हमेशा क्या करना ना, ऑप्शंस दे देना 8-10 या 4-5, सो उसमें से वो जो भी उनको अच्छा लगता है वो अपील करता है वो टाइप करेगी, अदरवाइज बहुत स्लो हो जाता है प्रोसेस, हमेशा ध्यान रखना, कमेंट क्या करवाना ये भी हमको बताना होता है। ओके, तो हो सकता है, हाँ, पब्लिक स्पीकिंग ऑफ कोर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेल्स है, फिर डिजिटल टूल्स है ना, और अपनी खुद की ग्रोथ भी देखनी है, इसमें बहुत कुछ होता है, एक डिजिटल कोच को एक जर्नी पे जाना होता है, राइट, वो बेसिकली एक मॉन्क बन रहा है बट इन हिज ओन वर्ल्ड, ये अग्री करते हैं सभी, सभी अग्री करते हैं? यस, थम्स अप दीजिए अगर अग्री करते हैं। ओ नॉलेज, यस, थैंक यू गौरव शर्मा, नीश, यस नॉलेज, एंड ज्ञानेंद्र जी ने कहा है, अनिल सालवी जी ने कहा है, ज्ञानेंद्र जी कह रहे हैं कॉन्टेंट रिसर्च एंड सेल्स, थैंक यू अनिल सालवी, नॉलेज कह रहे हैं, प्रवीण जी कोर्स डिजाइनिंग एंड सेल्स कह रहे हैं, मोहित कुमार कह रहे हैं सेल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ आर टॉपिक, भूषण जी मोटिवेशन, सबसे बड़ी चीज डिजिटल फील्ड में खुद को मोटिवेटेड रखना ताकि अपनी एनर्जी इस लेवल पे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अग्री करते हैं इस बात को? यस टाइप करें चैट बॉक्स में अगर अग्री करते हैं, खुद को मोटिवेट करना सबसे बड़ा फैक्टर है, राइट, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू ज्ञानेंद्र जी, अनिल सालवी जी, अमन जी, मोहित कुमार जी, डॉक्टर पुष्पा, निधि जी और गौरव शर्मा जी, एनर्जी, थैंक यू, तो आप सब मुझसे अग्री करें, थैंक यू सो मच। तो मैं आपके लिए लाई हूँ डिजिटल टूल्स मास्टरी। अब डिजिटल टूल्स मास्टरी तो हम डिजिटल स्पेस में यूज करेंगे ना, सारे डिजिटल टूल्स जो हमारे हैं, कौन कौन से डिजिटल टूल्स होते हैं जो हमारे, फटाफट टाइप करके बताइए कौन से टूल्स होते हैं हमारे पास, बताइए, पीपीटी, माइंड मैप, Zoom, yes, very good, Zoom, और क्या है, Google Forms, important है, WhatsApp, important है, और क्या है, बताइए, जल्दी बताइए, बहुत सारे tools हैं, tools की limitation नहीं है, आज हम बैठे हैं, अभी बात करें, एक नया tool launch हो रहा है market में, जो हमें शायद upgrade करें, कुछ दिनों में हमको पता चलेगा, और फिर हमको उसको utilize करना पड़ेगा, website, thank you, गौरव जी, thank you, Google, अनिल सालवी website कह रहे हैं, मोहित जी सोशल मीडिया कह रहे हैं, थैंक यू, यस एआई टूल्स, चैट जीपीटी, उसमें भी वैरायटीज आ गई हैं अभी तो, कैनवा एक सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है जो हमें जानना है ना। अब मुझे बताइए कितने लोगों को चैलेंजेस आती है किसी एक टूल में, एक है तो एक टाइप कीजिए, एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा, वन प्लस टाइप करेंगे, अगर एक कोई भी एक इसमें से है तो वन टाइप कीजिए, और अगर एक से ज्यादा में चैलेंजेस आती है तो वन प्लस टाइप कीजिए, लेट्स सी कितने लोग हैं, निधि कह रही है एक, अनिल सालवी कह रहे हैं एक, भूषण जी एक कह रहे हैं, ज्ञानेंद्र जी वन प्लस कह रहे हैं, वेरी गुड, आगे आगे और वेरी गुड, मोर देन वन, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू शैलेश, श्रीशा कह रहे हैं वन, थैंक यू अमन कह रहे हैं वन प्लस, थैंक यू, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि मोर देन वन है ना, मोर देन वन कह रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपको एक हैंड होल्डिंग मिले, थैंक यू सुनील जी, हैंड होल्डिंग मिले हर एक डिजिटल टूल को सेल्फ एक्सपीरियंस करने का, और एक अकाउंटेबल पार्टनर मिले साथ में जो आपको हेल्प करे, समझिए मैं पीपीटी बहुत अच्छा बनाती है और निधि गढ़
समझिए कि कैनवा बहुत अच्छा कर लेती है, और मैं बन जाऊं निधि घर की पार्टनर, कैसा लगेगा? वुड यू लाइक इट? वुड यू लव इट? बताइए, लाइक करेंगे या लव करेंगे? ग्रोथ, थैंक यू अनिल सालवी जी, ऑफकोर्स ग्रोथ होगा, लाइक होगा, लव होगा, रिस्पेक्ट होगा, कुछ तो होगा, मजा आ ओवरजॉयड। ओके, थैंक यू पुष्पा मैम। हाँ, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। लव, यस डेफिनेटली यू वुड लव इट, राइट? मजा आ जाएगा ना, बहुत मजा आएगा। तो मैं ऐसा कोर्स लाई हूँ जो है डिजिटल मास्टरी कोर्स, जिसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारी चीजें मैं आपको दे रही हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? या तो ये सारी चीजें मैं आपको लिए लाई हूँ। वीडियो क्रिएशन मास्टरी हो गई, पीपीटी हो गया, माइंड मैप हो गया, गूगल फॉर्म्स हो गए, वीडियो मोबाइल वीडियो एडिटिंग हो गई, चैट जीपीटी हो गया, कैनवा प्रो हो गया, जूम हो गया, ये मोस्ट ऑफ द, अगर देखेंगे सारा बाजू में लिखा है फ्री 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 फ्री, इसका मतलब क्या है? ये सारे एप्स फ्री हैं, आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला, ये सारी फ्री एप्स आपको फ्री में अवेलेबल है, और कैनवा पे भी फ्री अवेलेबल है अगर आप बेसिक डिजाइन बनाना चाहते। लेकिन अगर आप अपनी डिजाइन को एक अनदर पर्सपेक्टिव देना चाहते, कोई वाइब्रेंट चीज करना चाहते, तो प्रो विल हेल्प यू। इसका मंथली चार्ज है 499, ठीक है? इसमें वेराइटीज है, लेकिन अभी के लिए प्रो 499 आप समझ के चलिए। और जूम आपको लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग में मत लीजिए जब तक आप स्ट्रांग नहीं बन जाते, लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी और आपने शुरू किया वर्कशॉप करना, वेबिनार्स करना, फ्री वन टू वन करना, तब आपको मोर देन 40-45 मिनट्स का लगेगा, तब आप जूम ले सकते हैं। आप इस पे भी काम कर सकते हैं, गूगल मीट पे भी काम कर सकते हैं, ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है, बट जूम पे एक प्रोफेशनल लुक आता है। जैसे मेरे बैकग्राउंड में देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को ये प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है? टाइप कीजिए मी मी मी, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है, मेरा बैकग्राउंड और मैं जिस तरह से बैठी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। हाउ मच आर यू लाइकिंग दिस? 1 to 10 पे चलिए मुझे रेट कीजिए। 1 to 10 पे कितना? 1 मतलब बिल्कुल बकवास, और 10 मतलब अमेजिंग। चलिए बताइए कितना, क्या क्या रेट करेंगे आप? थैंक यू थैंक यू, अरे वाह। सो 10 out of 10 दिया है मोहित जी ने, अनिल सालवी जी ने, सागर जी ने, प्रवीण जी ने 9 दिया है, थैंक यू। सागर जी ने अगेन 10 दिया है, अच्छा सॉरी, सिरिशा ने 8 दिया है, ज्ञानेंद्र ने 8.5 दिया है, रश्मि ने 10 दिया है, थैंक यू। अमन शर्मा ने 10 दिया, वेरी गुड। नीलिमा ने 10 दिया, थैंक यू। डॉक्टर पुष्पा ने 10 दिया, थैंक यू। सुनील महतो ने 10 दिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भूषण जी ने 10 दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप भी चाहेंगे इस तरीके का 10 to 10, 10 on 10 प्रेजेंटेशन करना? नहीं, आपकी ऑडियंस जब आपको देखे तो उनको लगे कि एक मेंटोर, एक प्रोफेशनल मेंटोर बैठा है जो हमको बहुत कुछ सिखा रहा है, अच्छा लगेगा ना ये प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके का प्रेजेंटेशन अगर आप इफेक्टिवली करना चाहते हैं तो मुझसे जुड़िए, बिकॉज नॉट ओनली द डिजिटल टूल्स विल बी अ पार्ट ऑफ द कोर्स मास्टरी, बट ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरह से प्राइस हमको क्या अपना रहेगा प्रेजेंट मैम, करना। व्हाट विल बी द प्राइस? प्राइस है आज के लिए सिर्फ 699, ट्रेनर्स गुरुकुल के फैमिली के लिए। कितने दिन का कोर्स है? 3 months का कोर्स है सर, वीकली 2 सेशंस होंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो एक सेशन एक्स्ट्रा संडे के दिन रखा जाएगा, जो सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, 1 घंटे का क्लास। ओके, सो वॉरियर्स ऑब्जेक्शन नहीं है आपके, परचेस करना चाहते हो आप, कोई सवाल नहीं है आपका? भूषण सर, सर श्योर। तो अपन ना मैम, जो ड्यूरेशन है आप जो बता रहे हैं, मतलब प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे सिखाएंगे आप हमें? सो वीकली 2 क्लासेस हैं सर। फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन होगा, सेकेंड में हैंड ऑन एक्सपीरियंस करेंगे हम, वीकली वंस, है ना? वीकली वंस में हम एक, सॉरी वीकली 2 क्लासेस होंगे। एक क्लास में हम इंट्रोडक्शन लेंगे ऐप का, कि किस तरीके से वो काम करता है, क्या बेनिफिट्स है उसके, और आप उसको किस तरीके से हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और सेकेंड क्लास में हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ऐप को समझना और उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना। पर मैम, मेरी जो कंप्यूटर नॉलेज है वो तो बहुत पुअर है, मैं तो दरअसल कंप्यूटर बच्चे ही चला के देते हैं मुझे, तो मैं कैसे सीख पाऊंगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका, थैंक यू। आप याद कीजिए कोविड का वो टाइम 2019 का, जब सिर्फ आपको व्हाट्सएप चलाना आता था, फिर आपने जूम सीखा, यस यस, थैंक यू। फिर उसके बाद क्या क्या ऐप्स आपने सीखे, जरा मुझे बताइए। व्हाट्सएप सीखा मैडम,
फेसबुक थोड़ा ज्यादा चलाने लगे और टेलीग्राम भी थोड़ा थोड़ा सा सीखा है। अमेजिंग। और ये सारी एप्स आपके मोबाइल पे है राइट? यस यस इमेजिन कीजिए इन मोबाइल एप्स को अगर आप लैपटॉप पे ले आए तो शायद आपको लैपटॉप इजी लगना लगेगा, है ना? हाँ, पर आता नहीं अग्री है करते हो? मुझे, हाँ अभी आता नहीं है लैपटॉप पे ज्यादा काम करना, मोबाइल तो मैं कर लेता हूँ। वेरी गुड, अच्छी बात है। आपको लैपटॉप स्विच ऑन करना आता है? आपको पता है स्विच ऑन बटन कहाँ है? यस यस अमेजिंग। अगर लैपटॉप स्विच ऑन कर सकते हैं, क्या आप जूम जा सकते हैं? आपको पता है जूम में लॉगिन कैसे कर सकते हैं? हाँ मैम, अगर जैसे लिंक आ जाता है ना तो मैं कर लेता हूँ, व्हाट्सएप पे लिंक मिलता है। अमेजिंग, वेरी गुड। तो देखिए आपको दो चीजें तो बहुत अच्छे से आ गई, एक लैपटॉप ऑन करना आ गया, दूसरा जूम में आना जो इम्पोर्टेंट है आपको अब मीटिंग अटेंड करने के लिए, ये दो चीजें आ गई। तीसरी चीज मैं आपको सिखा दूंगी कैसे जाना है, किस तरीके से आपको एक ऐप ओपन करके किस तरीके से आपको यू नो फ्रॉम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हाँ अच्छा, फिर ठीक है राइट, मैम, बेसिक से फिर ठीक है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और कोई सवाल? निधि जी, हाँ बोलिए निधि जी, अनम्यूट नहीं किया। अच्छा सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए। कोई बात नहीं, मैं तो कब से हैंड रेज कर रही थी। कोई बात नहीं। बोलिए। मैम मुझे ये जानना है कि मुझे तो लैपटॉप से ही डर लगता है, मैं मोबाइल पे अच्छे से करती हूँ मतलब, लेकिन लैपटॉप पे आते ही मुझे डर लगता है। ऑन ऑफ कर लेती हूँ जब क्लास होती है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं वीडियो अपनी लैपटॉप पे बना लूँ या तो वहां पर सेव कर लूँ या तो फिर उसको कैसे उसको यूट्यूब पे अपलोड करूँ, तो वहां पर आते ही मुझे तो डर लगने लगता है लैपटॉप से। तो बेहतरीन सवाल। उस डर को कैसे दूर करूंगी? सवाल तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका जवाब मुझे चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। आप मुझे हाँ, बताइए आपका मोबाइल कितने का है? मोबाइल होगा 20-25 हज़ार का। जब पहले दिन लिया था तो किस तरीके से संभाला था उसको, राइट, है ना? हाँ काफी महीनों तक ऐसे ही पकड़ के संभाल के उसको कवर लगा के पूरा लैमिनेट करके रखा होगा, कवर पाउच जो भी राइट राइट अवेलेबल राइट है ना। हम लैपटॉप को इसलिए नहीं छूते क्योंकि हमको डर है कि लैपटॉप महंगी चीज है, और क्योंकि नहीं हमें ऑपरेट नहीं करना नहीं आता है, अगर नहीं उसको कुछ भी हो जाए तो इल्जाम। नहीं नहीं मेरा पर्सनल है, उसमें मुझे ये नहीं है कि कुछ खराब हो जाएगा या तो क्या कुछ। डर है आपको? आपको डर किस मुझे बात का है? मुझे जैसे मैंने मान लो जूम पे किसी की मीटिंग कंडक्ट की, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस ही मुझे नहीं आता है। मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करूं लेकिन नहीं कर पाती हूँ, तो फिर उसको उसके बाद मुझे उससे डर लगने लगता है कि छोड़ो, मतलब उसको छोड़ देती है। तो उस डर को जो है वो दूर कैसे होगा? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन मेरा अगेन। आपने जेन्युइन फियर की क्वेश्चन बात है, कही, हाँ बोलिए। हाँ यही मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है कि मतलब मुझे वो चीज को मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद यही नहीं पता चलता कि वो कहाँ चला गया। जैसे आज भी मैंने वेबिनार की पीपीटी तैयार कर रखी थी लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं, कहाँ गायब हो गया, तो वो चीज मुझे ढूंढने आती नहीं है। राइट, ये चीज है। निधि जी, बहुत ऐप सवाल है, बहुत लोगों को ये सवाल आता है, बट यू नो डरते हैं ये सवाल पूछने से क्योंकि उनको शर्म आती है कि अगर मैंने ऐसे कह दिया तो शायद से लोग जज करने लगेंगे, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई ये सवाल पूछने के लिए, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं आपको बताऊं कि फियर कब आता है इंसान को? फियर तब आता है जब हमें पता नहीं है कि वहां क्या होने वाला है, क्योंकि हमारी सोच में ये थॉट चलने लगता है कि अगर ये हुआ तो, अगर ये हुआ तो, है ना? हम डर के फिर डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग में फियर हमारा सबसे बड़ा एक ये होता है कि पता नहीं ये किया और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो फियर को कॉन्कर करने का जरूरी है, बहुत जरूरी है फियर कॉन्कर करना, और उसके लिए आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। रोज अगर आप लैपटॉप को छुए, सिर्फ ओपन करके जूम ओपन करना है, आप मीटिंग में आइए, है ना, सिर्फ क्लिक करके आइए। क्योंकि मेरे जो कोर्स है उसके अंदर मैं सिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से जूम के अंदर वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस है जो आप यूज कर सकते हैं, ना कि अपने वेबिनार्स में, बट अपने पर्सनल मीटिंग्स में। तो यस मैम, वो बटन्स मैं आपको बताऊं, वो इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना आना चाहिए जैसे मैंने अभी कहा कि लैपटॉप ओपन करना और स्विच ऑन करके जूम तक आने तक का काम आपको करना है, बाकी का सारा काम आई विल डू इट फॉर यू। मैं आपको सिखाऊंगी ओके कैसे करना है। ओके मैम, थैंक यू मैम।
यही मेरा क्वेश्चन था। थैंक थैंक यू। यू। हाँ रोहित जी बताइए आपका सवाल क्या है। गुड हाँ, गुड इवनिंग मैडम। इवनिंग, मेरा सवाल भी मिलते जुलता है। जैसे आप तो बोल रहे हैं कि यदि टेक्निकल नॉलेज नहीं तो आप सिखाएंगी, पर जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन है, मैंने वीकली इवेंट्स है, तो उसमें जो बैक बेंचर्स है, वीक टू है, जैसे बैक बेंचर्स है जिनसे मैंने आपने सिखाया पर कुछ कमी रह जाती, तो उसके लिए क्या आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगी? क्योंकि तो हर कोई जैसे मैंने, वादे सॉरी वादे तो बोलिए आपको ही बोलिए। करते हैं, सब सिखा देंगे सब सिखा देंगे, पर अंतिम में रिजल्ट सिफर ही रहता। ये बहुत अच्छा सवाल है और मैंने ये नोटिस अपनी एडुकेशन फील्ड में भी किया है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जब जो हाथ रेस कर रहे हैं ना अभी यहाँ पे, ये सारे बच्चे क्या है, स्मार्ट बच्चे हैं। उनको पता है कि सवाल पूछना है क्योंकि वो समझ चुके चुके हैं। कुछ बच्चे हैं जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, जिनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, वो अपना ही धुन में अपना ही काम कर रहे हैं। तो जब हम अकाउंटेबल पार्टनर्स बनाएंगे, दो जन की टीम होगी, जैसे मैंने बताया मैं और निधि अगर मिल जाए, उनकी पावर और मेरी पावर मिलके हम एक दूसरे को अकाउंटेबल बनाए, तो नहीं लगता आपको कि एक स्मार्ट बच्चे से दूसरे स्मार्ट बच्चे को नॉलेज पहुंचेगी और जो स्मार्ट नहीं है वो भी स्मार्ट बन जाएगा, मैंने इस है तरह ना? आप जी इस तरह आप ग्रुप क्रिएट कर देंगे। राइट। और हमारे ग्रुप में दो सेशंस हैं, जैसे हर वीक में दो सेशंस होंगे, तो पहले सेशन में तो हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरे में आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको चैलेंज महसूस होता है या आपके अकाउंटेबल पार्टनर को लगता है कि आपको सेशन की और जरूरत है, तो फिर हम एक संडे को सेशन रखेंगे 1 घंटे का, जहां पे आपके डाउट्स क्लियर किए जाए, और सिर्फ जी उनको ही बुलाया जाएगा, सबको नहीं बुलाया जाएगा। तो इट विल नॉट बी कंपल्सरी सेशन, इफ यू हैव डाउट यू कम एंड यू गेट इट सॉर्टेड। जी तो मैंने आपका प्रयास था कि मैंने कम्युनिटी बिल्ड करके किसी भी तरह सिखा के देना। आपकी सक्सेस में ही तो मेरी सक्सेस है ना सर। अगर आप सक्सेसफुली लॉन्च करेंगे अपना प्रोडक्ट, तो मेरा नाम होगा ना कि मेरी मेरे टीम वाले ने लॉन्च किया है करके, मेरी कम्युनिटी मेंबर ने लॉन्च किया करके, आई वुड बी फीलिंग प्राउड अबाउट इट। नहीं ठीक है मैडम, आपकी बातों से अच्छा तो लग रहा है, पर ऑनलाइन में आदमी बहुत ठगी का शिकार हो चुका है ना, इसलिए थोड़ा सा छेद तो करने ठीक है डॉक्टर थापर, आपको व्हाट्सअप कर दिया गया है पेमेंट का लिंक, सो जल्दी से पेमेंट करिए, ज्वाइन करिए फास्ट। यस में। यस सर, थैंक यू पेमेंट थैंक सर यू। यस। अपर्णा मैम, अब मुझे एक बात बताइए, कोर्स का फीस कितनी है आपकी? 6999 सर। 6999। इसमें क्या क्या सिखा रहे हो आप? सर मैं इसमें आपको सिखा रही हूँ वीडियो क्रिएशन मास्टरी, पीपीटी, माइंड मैप्स, गूगल फॉर्म्स, वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, चैट जीपीटी और कैनवा, और जूम पे कैसे लॉग इन करना है, और किस तरीके से अपना जो वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है उसको एक्सप्लोर करेंगे सर। ओके मैम, सो मैम मेरा जो गोल है, जो पर्पस है आपके कोर्स को ज्वाइन करने का, मेरा गोल है, इनकम गोल है कि मैं 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मंथली इनकम जनरेट कर पाऊँ। आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद में, मैं 3 महीने के बाद में, क्या 1 लाख रुपए महीने की मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी या कब वो तक तो सर हो आप पर जाएगी? डिपेंड करता है ना, आप किस तरीके से एक्शन करते हैं, क्योंकि एक्शन टेकर्स को ही रिजल्ट मिलते हैं। मेरा काम है आपको इम्प्लीमेंट करवाना, इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक्शन आपकी जिम्मेदारी होगी। वहां पे चाहिए तो मैं आपको गाइड कर दूंगी, बट आफ्टर ऑल आपके एक्शंस ही आपके लिए रिजल्ट्स लाएंगे। नहीं ऑफ कोर्स एक्शंस तो हम लेंगे, लेकिन आपके तरफ से मैं क्या एश्योरेंस है कि भाई हाँ इतने पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं और इतने लोग कर ही पाते हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन सब में 100% ग्रोथ दिखे, एटलीस्ट यू नो बेसिक्स में। इंटरमीडिएट और एडवांस की तो मैं अभी बात नहीं करूंगी, 3 महीने के अंदर अगर उनके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं एंड दे आर एट द इंटरमीडिएट लेवल भी, तो आई एम हैप्पी, और मैं मतलब आई फील प्राउड के वो इतना तो सीख पाए। सारी चीजें सीखना जरूरी है, लेकिन सारी चीजें खुद करना जरूरी नहीं है, अपर्णा जी मुझे ये बताइए, जैसे आपने बोला कि भाई टेक्निकल जो रहेंगे ट्रेनिंग्स वो आप कंडक्ट नहीं करते, तो फिर वो गैप को कैसे फिल करेंगे हम? सो टेक्निकल मतलब मैं आपको ये सारे प्रोडक्ट सिखाऊंगी और सिखा के आपको किस तरह से यूज करना है ये बताऊंगी। बाकी आपको फनल बिल्डिंग में अगर कुछ हेल्प चाहिए, या आप सोच रहे हैं कि यू नो FB एड्स कैसे रन करें या कुछ ऐसे, तो उसके लिए अलग होगा सर, वो अलग कोर्स बनेगा। फिलहाल के लिए ये बेसिक कोर्स मैं दे रही हूँ, सो दिस इज ऑल आई एम इंक्लूडिंग देयर। एनीवन एल्स, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है अभी?
प्रवीण जी के माइंड में है। हाँ प्रवीण जी यस आप सुन लीजिए। प्रवीण मैम, सबसे बड़ी चीज मिसिंग है कि आप कोर्स डिजाइनिंग या जो सब्जेक्ट मास्टरी वगैरह आप इंक्लूड नहीं किए हो इसमें, तो वो किस कहाँ से सीखेंगे? वो मेन चीज तो वही होता है ना, कोर्स डिजाइन ही नहीं करेंगे तो टूल्स का क्या यूज है? आप जो सिखा रहे बहुत हो उसका अच्छा, यूज यूज क्यों करेंगे हम लोग, किस लिए करेंगे? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। आपने अगर नोटिस किया होगा, मैंने आपको बताया कि वीडियो क्रिएशन मास्टरी करेंगे हम। जब हम वीडियोस बनाएंगे तो हम वीडियोस किस चीज पे बनाएंगे? फूल पत्ते पेड़ नहीं, हम बनाएंगे टॉपिक्स पे जो आपकी नीश से रिलेटेड है। तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में ये नोटिस किया है कि जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, स्टार्टिंग के मैंने जब 10 वीडियोस बनाए, मैंने बनाए थे सेल्फ डाउट पे। और जब मैं सेल्फ डाउट बना रही थी, मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरा टॉपिक नहीं है। एंड देन आई शिफ्टेड टू बिकमिंग अ डिजिटल कोच, हेल्पिंग दी अदर कोचेस बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, क्योंकि मुझे लगा कि मैं वो कर सकती हूँ। इसलिए मैं आज ये चीज आपके लिए लाई हूँ। और जब मैंने अपना खुद का इवेल्युएशन किया ना, तो तब मुझे पता चला कि आई एम गुड एट टेक्निकल नॉलेज, नॉट वेरी गुड बट बेसिक नॉलेज मुझे बहुत अच्छे से आती है, जो मैं लोगों के साथ बांट सकती हूँ, उनसे शेयर कर सकती हूँ, उनको इसका फायदा लेने का पूरा मौका दे सकती हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। उसमें मेंशन करना होगा ना मैम, हाँ जी मेंशन करना होगा ना आप हाँ, जो वीडियो क्रिएशन मास्टरी जो है, जो टॉपिक्स हाँ होंगे उसके अंदर, वो आपके नीच से रिलेटेड टॉपिक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपके 3 महीने के गोल्स क्या हैं। जैसे आकाश सर ने फर्स्ट डे लिया था, समझिए गोल सेटिंग, तो 3 महीने के आपके गोल्स आपके नीच से रिलेटेड क्या होंगे? समझिए आप अगर वेलनेस कोच हैं, है ना, तो वेलनेस कोच पे आप क्या देंगे अपने क्लाइंट्स को 3 महीने की जर्नी में? वो एक कोर्स हो गया, आप खुद के लिए हो गया। और जब हम माइंड मैप बनाएंगे तो उसमें भी कंटेंट ट्री आएगा, वहां पे भी आप कोर्स डिजाइन करेंगे। तो जो जो भी प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, जो मेरे लिस्ट में प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे आपके खुद के नीच से रिलेटेड होंगे, ना कि मेरे नीच से रिलेटेड। ओके 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 थैंक यू सो थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अपर्णा मैम। यस ईच एंड एवरीवन, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, यस MPTY अपर्णा मैम। ईच एंड एवरीवन टाइप इन द कमेंट बॉक्स MPTY, मोर पावर टू यू अपर्णा मैम। और स्कोर भी दीजिए अपर्णा मैम को, क्या स्कोर देना चाहते हो आप? 100 आउट ऑफ क्या स्कोर दोगे? कम ऑन फास्ट थैंक यू स्कोर मोहन, दीजिए फास्ट। थैंक यू 100 आउट ऑफ क्या दोगे? देखो थैंक यू थैंक एवेंजर्स यू लोग जो है ना बहुत स्मार्ट है, सब 100 दे रहे हैं, 100 out of 100 दे रहे हैं। निधि जी ने वॉरियर्स तो, लोग आप भी कमेंट करिए फास्ट। आनंद जी ने 90 दिया है, थैंक यू। सागर जी ने 100 दिया, थैंक यू। डॉक्टर पुष्पा ने 100 दिया, थैंक यू। गौरव सर ने 110 दिया, थैंक यू। ओके मनी ग्रेट जी ने 100 दिया, थैंक यू। या सो ये ग्रुप कंपटीशन है वॉरियर्स और एवेंजर्स के बीच में, और अभी वॉरियर्स टीम जो है यस उनका मौका उनको मिलने वाला है। एवेंजर्स जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपर्णा पिल्ले मैम। अब वॉरियर्स के टीम से कौन आने वाला है, जल्दी से हैंड रेस करिए फास्ट। ओके और हम अभी फास्टेस्ट फिंगर्स फास्ट क्वेश्चन राउंड करने वाले हैं। यस निधि गर्ग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, देखो कैसे निधि हैं आप? अभी यहाँ पे दिस इज नॉट अ वेबिनार, ये यस आपका सर, वेबिनार का आखिरी का जो 15 मिनट है ये वो है जहाँ यस पर सर, आपको शॉर्ट में अपने कोर्स का प्राइस बताना है, बेनिफिट्स बताना है और लोगों को सेल करना है। यस और लोग क्वेश्चन रेस करेंगे। सो यस सर, गिव द प्रेजेंटेशन। हस्बैंड वाइफ आप बता दीजिए शॉर्ट में कि भाई आप क्या करते हो, कैसे मदद करोगे, आपका कोर्स कैसे मदद करेगा और फिर उसका प्राइस क्या रहेगा, जस्ट जल्दी से बताइए फर्स्ट। यस दोस्तों, मेरा नाम निधि गर्ग है, मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है हैप्पी मैरिड लाइफ। आप चाहे आपकी शादी हो गई है, होने वाली है, चाहे आपकी शादी को 10, 20, 25 साल हो गए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, क्योंकि रिश्ते और कांच दोनों ही एक जैसे होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कांच गलती से टूट जाता है, लेकिन रिश्ते गलत फहमी से टूट जाते हैं। आपके बीच में कौन कौन सी गलत फहमियां आ जाती हैं, उन सब को कैसे दूर करना है, उन सब के बारे में मैं आपके साथ इस कोर्स में शेयर करती हूँ। इस कोर्स का प्राइस वैसे तो
मैंने 20,000 रुपए रखा है, लेकिन आप सब मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं इस कोर्स को आप लोगों को सिर्फ 7,000 रुपए में दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने जीवन में इतनी ग्रोथ करें, अपने पार्टनर के साथ आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि एक पार्टनर होता है जो आपके अपनी मर्जी से चुनते हैं, उसके बाद उसके साथ 20 साल, 50 साल, 80 साल तक साथ साथ रहते हैं। और अगर ये सफर बहुत ही सुहाना हो जाए, एक दूसरे के साथ चलते चलते आपको पता ही ना चले कि आपने कितना अच्छा समय व्यतीत कर लिया है, तो आप कितने खुश होंगे। जल्दी से मुझे कमेंट बताएं कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ कितने परसेंट खुश रहना चाहते हैं। अगर एक भी आपको परसेंट मौका नहीं। मिले, हाँ, अगर आपको भी मौका मिले तो आप अपने पार्टनर निधि के साथ जी, कितना हाँ खुश रहना चाहती हैं? निधि जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि खुश रहने के और भी तरीके हैं, तो क्यों पार्टनर ही चुने? आपका क्या अगर जवाब आप, है? हाँ, अगर आप हम लाइफ में आते हैं, लाइफ में आने के बाद हम लोग शादी तो करते ही हैं, लेकिन हमारे बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां, गलत फहमियां आ जाती हैं। कोई भी पार्टनर जब शादी करता है, वो कभी भी ये सोच के शादी नहीं करता है कि हम लोग अलग हो जाएंगे, या हम आपस में झगड़ा करेंगे, या तो फिर हमारे बीच में दूरियां होंगी। वो हमेशा ये सोचता है कि मैं शादी, जब बच्चा पैदा होता है इंडियन फैमिली में, अगर लड़की होती है तो उसे कहते हैं कि इसके लिए अच्छा सा राजकुमार लेके आएंगे, और जैसे ही एक ये लड़का तो होता है सारी उसके, पुरानी चीजें हैं ना दीदी जी, अभी तो ये सब पुरानी पुराना हो चीजें हैं गया। अभी लेकिन फिलहाल फैक्ट है, मैं आपसे पुरानी सिर्फ है। पूछ रही यस यस पुरान, लेकिन फिर भी निधि सारा कोई मैम, शादी। निधि मैम, मेरा एक यस सवाल सर, ये है कि अगर यस मान के सर, चलो कि 25 साल किसी की मैरिज को हो गए हैं, लेकिन यस सर, पिछले 10 साल से यस हस्बैंड सर, वाइफ की जो रिलेशंस है बहुत ज्यादा बड़ी गैप आ चुकी है। दोनों एक दूसरे को देखते नहीं है, दोनों के बेडरूम अलग है और एक दूसरे को भाते ही नहीं है। बहुत ज्यादा दोनों के बीच में अगर गैप है, और फिर आप उनके रिलेशंस को कैसे ठीक करोगे? सर, अगर तो देखिए लोग शादी कर लेते हैं, यहीं पर सबसे बड़ी वो गलती करते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर। यस, लोग मैं भी ये बात शादी को कर, अग्री करता हूं कि सबसे बड़ी गलती है शादी करना। यस प्लीज हाँ, आगे शादी करना करिए। गलती भी है, लेकिन हर कोई ये गलती करता भी है और खुशी खुशी करता है, क्योंकि सबको लड्डू भी खाना होता है, लेकिन लड्डू को बाद में कहना है कि ये स्वाद नहीं है। अगर मौका मिले उसे तो दोबारा लड्डू खाने की भी चाहत रखता है, ये इंसान की फितरत है। लेकिन इंसान दूसरों में कमियां निकालता रहता है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि हर कोई व्यक्ति शादी तो करना ही चाहता है? नहीं वो तो ठीक है, शादी करना चाहता है। करना ये चाहे, तो अभी करने के बाद आपने चाहे वो, पूछा कि भाई ये जो है गंगा में स्नान करना चाहता है क्या? ये तो गंगा स्नान हो चुका है, गंगा पार हो चुकी है। अभी उनकी हाँ, शादी को 25 साल हो चुके हैं और वो रिलेशन अभी इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए, अब उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है मैम। सर, अगर पहली बात, क्या वो दोनों में से कोई एक पार्ट, मेरा ये वर्कशॉप जो है वो इस चीज के लिए है कि अगर उनमें से एक पार्टनर भी ये चाहता है कि मैं अपने लाइफ में फिर से स्मूथ हो जाऊं, तो ये वर्कशॉप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, फिर तो ये वर्कशॉप उनके लिए नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरी जिन एक लोगों की सवाल है, शादी, सॉरी निधि, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं पूछूं, ओके, जैसे आकाश सर ने भी पूछा और आपने भी कहा कि दो पार्टनर्स हैं, एक तो चाहता है कि रिलेशनशिप मेंटेन रहे और एक चाहता है कि रिलेशनशिप मेंटेन ना रहे। अब जो चाहता है वो नहीं आया आपके पास, जो नहीं चाहता वो आया आपके पास, तो आपको ये क्या सलाह देंगे? मेरे पास तो वही आएगा जो चाहता होगा, जो नहीं चाहता वो मेरे पास क्यों आएगा? क्योंकि आप जो जो अपने रिलेशनशिप रिश्ते कोच को हैं, बचा, जरूरी मैं नहीं है रिलेशनशिप कि लोग कोच हूँ, रिश्ते जोड़ने के लिए आए। पूछने भी आते हैं कि अगर मैंने मैं ये जोड़ने का रिश्ते, काम करती हूँ। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है, मैं हैप्पी मैरिड लाइफ बनाने में काम करती हूँ। मैं तोड़ने वालों, जो लोग मेरे पास आते हैं कि हमें घर को, हमें अपने हस्बैंड को लेकर अलग होना है, तो मैं उन लोगों को वर्कशॉप देती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करती हूँ। क्योंकि हमारा इंडिया देश जो है,
वो इस चीज के लिए माना जाता है कि बाहर लोग जो होते हैं यूएसए वगैरह में, वहां पर लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह ही रहते हैं, पार्टनर चेंज करते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन हमारा इंडिया इस चीज के लिए माना जाता है कि हम जिस पार्टनर के साथ कमिटमेंट करते हैं 80 से 90% लोग उसी पार्टनर के साथ रहते हैं, लेकिन उस पार्टनर के साथ कैसे हम खुश खुश रह सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे अच्छे बनाकर रख सकते हैं, वो चीज मैं सिखाती हूँ। अगर आपको पार्टनर के साथ भी रहना है, चाहे वो सिक्योरिटी की वजह से रह रहे हो, चाहे आप बच्चों की वजह से रह रहे हो, चाहे आप घर वालों की समाज की वजह से रह रहे हो इकट्ठे, उसमें भी अगर आप खुशी से रहो, एक दूसरे के साथ इतनी अच्छे से रहो कि आपको अपनी जिंदगी जीने का मजा आ जाए, वो चीज मैं सिखाती हूँ कि आपको रिश्ते में भी रहना है और रिश्ते में बहुत अच्छे से रहना है। तो वो चीज ताकि हम इंडिया वाले अपने इंडिया को महान देश कह सके जो आज तक बना हुआ है, और आगे भी इसकी जरूरत है, ताकि लोग पश्चिमी सभ्यता को जो आज लिव इन रिलेशनशिप बनाने लगे हैं वो चीज ना बनाए, हमारे देश को उसी तरह, उसी सोने की चिड़िया की तरह, जिस संस्कृति के लिए, जिसके लिए लोग वापस आते हैं और इंडिया से आकर बच्चों को लेके जाते हैं, किसी ने फॉरेन में शादी करनी होती है वो भी लोग वहां इंडिया से आते हैं और कहते हैं कि हमें अपने बच्चे की शादी इंडियन लड़की से या तो फिर इंडियन लड़के से करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि इंडिया में संस्कार है और इन्हीं संस्कारों की वजह से तो वो लोग शादी करते। तो कोई आप क्वेश्चन? हाँ एनी जी मेरे ऑब्जेक्शन? जी किसी का कोई सवाल नहीं है? वॉरियर्स टीम जीत रही है मैच, सर, मैं बोलो पूछना चाह रही थी, प्लीज जैसे आप प्लीज। कह रहे हो कि भारत की संस्कृति इतनी शानदार है, मैं भी डिनाई नहीं करती हूँ इस बात को, लेकिन राजाओं की काफी रानियां होती थी, पटरानियां होती थी, और यू नो वैसे था पहले, तो उनको कनेक्ट करके अभी के रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको आप किस तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे? मैम पुराने समय में जो लोग रहते थे उस समय, कहने के तो हमारे भगवान जो थे, भगवान श्री कृष्ण की भी 108 पटरानियां थी, लेकिन वो उनका द्वापर युग था, लेकिन अभी हम कलयुग में रह रहे हैं, तो कलयुग में जो सिस्टम इस प्रेजेंट टाइम में है वो वही चीज हम दोहरा नहीं सकते। हालांकि हमारे बीच में भी कम्युनिटीज होती हैं, मुसलमान लोग भी बहुत सारी लड़कियां शादी करती हैं, दो तीन शादियां कर लेते हैं, लेकिन हम जो इंडियन लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, हम जिस पार्टनर के साथ शादी करते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, उसी के साथ निभाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन और फिर अभी आज भी के युग में, कलयुग में, 1 ही 10 के बराबर है वैसे भी। यस हाँ जी, तो वो सो एक एक से 10 के बराबर ना हो सर, वो एक एक ही रहे, और आप अपने दिल की हर बात उसके साथ शेयर कर सके, वही चीज मैं सिखाती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैंने आज तक इतने लोगों को काउंसल भी किया है, वन टू वन ओके। भी डॉक्टर किया है, रोहित वर्कशॉप। थापर कुछ पूछना चाहते हैं? निधि मैम। यस डॉक्टर रोहित, कनेक्टेड टॉपिक रहना चाहिए, आपका सवाल रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा प्लीज। या मैं कनेक्टेड ही रहता सर। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि जैसे मान लीजिए हमारी मिसिज हमारे साथ रहना नहीं चाहती हाँ और हमें भी लगता है इसकी संभावना कम है साथ हाँ में रहने की, तो कैसे तो रहे, हाँ आपका क्वेश्चन है कि हाँ कैसे रहे? नहीं तो आपका कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हाँ कोई आप बात को फॉलो नहीं करेगा तो इसकी क्या गारंटी है कि मैंने मामला सॉल्व आउट हो जाएगा? सर, इंसान यहीं पे गलती करता है कि हम लोग दूसरों को सुधारने में लगते हैं, वो कहते हैं ना निधि कि पूरी दुनिया निधि निधि निधि, उनसे ये पूछिए कि आप अपने रिलेशन को सही में सुधारना चाहते हो, स्टार्ट यहां से करो। उनको यस सर, आप क्या आप एक्सप्लेन मत मतलब करो, उनको यस सर सॉल्यूशन, डोंट नेवर गिव द सॉल्यूशन इन द सेल्स पिच, कभी नहीं देना चाहिए सॉल्यूशन, कभी नहीं ओके देना है उनको, अग्री अच्छा करवाना है। देखो हमारा पर्पस सेल्स में क्या है, टू सेल द प्रोडक्ट, और वो अग्री कब होगे? जब वो रेजोनेट करेंगे, रिलेट करेंगे, और उनको यस लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर जो मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है मिलते हुए। सो पहले तो उनको लेकर आइए ना सेम प्लेग्राउंड के ऊपर में, पिच के ऊपर में। अब जब उनने ये पूछा है कि भाई नहीं रहना चाहती है, आपका काउंटर क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि
क्या आप रहना कि चाहते क्या हो? आप रहना चाहते हैं, क्या आप रहना चाहते हैं उनके साथ अच्छे से, बताइए डॉक्टर प्रवीण, वही बताइए। हाँ क्या आप उनके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं? अब सो उनका बिहेवियर देख के हमारा भी मन अब खट्टा सा हो गया खट्टस हो गया। डॉक्टर वही था पर आपने जी। इस वर्कशॉप में अगर आने का फैसला लिया है तो इट मींस आप कहीं ना कहीं तो चाहते हैं, आपने अगर क्वेश्चन किया है तो कहीं ना कहीं आपके मन में 1% 2% तो है ना कि मैं हाँ अपने नहीं, रिश्ते को बेहतर बना लूं। हाँ इतना होप तो है कि भाई अपना भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, तो लगता है कि भाई बसा हुआ है चीज तो क्यों उजाड़ा जाए उसको। तो आप मुझे ये बताइए कि आप इस तरह की लाइफ को कब तक जीना चाहते हैं? हम एक भी दिन नहीं जीना चाहते। एक भी दिन नहीं जीना चाहते? तो आज ही अपने कोर्स को मेरे पिच कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आपको पूरे के पूरे सल्यूशन मिलेंगे, अच्छे से आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको अपनी पत्नी का दिल जीतना है, कैसे उसे अपने अपनी तरफ लेके आना है, वो सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो एक हस्बैंड को सीखने चाहिए। तो अगर आपके मन में कहीं पर भी 1% भी ये है तो उसको 100% करने का काम मेरा है। तो तो आप इस कोर्स को इसमें जल्दी, हाँ कोर्स में अकेले आना है कि दोनों को साथ में आना? नहीं अभी आपको अकेले, क्योंकि आप चाहते हैं तो आपको आना है, अगर आपकी वाइफ रिलेशन बनाना चाहती है आपके साथ तो उसको आना है, तो अभी तो आप मेरे पास आए हैं तो आप ही को आना है। चाहे तो आप अपने पार्टनर के साथ बैठ सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। कोर्स की फीस कितनी है मैडम? निधि यस सर, जस्ट अ मिनट निधि, यहाँ पर अपने प्रॉब्लम चैलेंजेस कभी नहीं बढ़ाना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस बढ़ाना नहीं कभी भी पार्टिसिपेंट के। आप यहाँ पर अपने सेल्स पिच को बहुत सुंदर तरीके से क्राफ्ट करिए और ये बोलिए कि डॉक्टर रोहित, मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करवाऊंगी कि आपके वाइफ को पता भी नहीं चलेगा और वो आपके अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट कर देगी 1 महीने के अंदर ही अंदर। उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, कि कोई काउंसलिंग चालू है या कोई तरीका आप अपना रहे हो, लेकिन जो आप चाहते हो वो सिम्टम्स आपको 1 महीने के अंदर में दिखने चालू हो जाएंगे। उनको बिना बताए, बिना पता करे, ये सारी चीज़ें रिजल्ट्स आपके फेवर में दिखने चालू हो जाएंगे। आपका फोकस जो है ना कोर्स को सेल करने का है, सॉल्यूशन देने का नहीं है। आपका हर एक आंसर जो रहेगा ना वो डायरेक्टेड रहना चाहिए आपके कोर्स के प्राइस के ऊपर में, ताकि वो बटन क्लिक करे और पे करे। यस सर, सेल्स पिच के ऊपर में हम बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ वेबिनार। वेबिनार में यस आपने दे दिया पहले 60 मिनट तक के, बहुत डिटेल दिया हुआ है। अभी जो क्लोजिंग पिच है ना, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है ना, उसका आंसर ऐसा होना चाहिए कि वो कोर्स परचेस कर ले। की ही बात करनी। सो क्या बोलोगे आप, समझ लीजिए, ये नोट बना के रख लीजिए। अगर कोई भी पार्टिसिपेंट बोलता है कि मेरी जो वाइफ है, हस्बैंड है या जो भी मेरे लाइफ पार्टनर है, वो मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, फिर कैसे बदलाव आएगा? तो ये क्लियर बोलिए, उनको बताने की जरूरत भी नहीं है। इवन मैं आपके साथ में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताऊंगी, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जो सिंपल वे में आपको करते जाना है, करते जाना है, और आप खुद अपने लाइफ के अंदर में 1 महीने के अंदर में, 30 डेज के अंदर में देखेंगे कि सामने वाले का रिस्पॉन्स आपके फेवर में आने लगा है। और जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आएगा, दिखेगा आपको रिजल्ट, तो और अलग प्रैक्टिसेस में आपको करवाओगी, और जब ये स्टेप बाय स्टेप करोगे, ऑफ कोर्स 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन 50% भी रिलीफ अगर आपको 2-3 महीने में नहीं मिलेगा तो मैं मनी बैक गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप करना चाहते हो? तुरंत एनरोल करिए, ये पेमेंट का लिंक है। पेमेंट की बात करना है निधि, यहाँ यस सर, बहुत उनके सवाल कभी खत्म थोड़ी हो गए। यस सर, आपका क्लोजिंग पिच में बोलना आपको ये जरूरी है कि ये मिल रहा है, ठीक है, ये पेमेंट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। पेमेंट कर रहे हो आप, तुरंत अभी बोलते जाइए, ठीक है। यस सर। कोई यस, क्वेश्चन किसी और का है? वनिता जिंदल मैम का क्वेश्चन है कि भाई हस्बैंड जो है इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी अमृतसर, कभी पंजाब, कभी लुधियाना, पैसा है, सब कुछ है घर पे, लेकिन वो लाइफ के अंदर में जो शाम था, यस, शादी का वो पहला साल, वो मनाली का टूर, वो सब रह सर गया है। निधि मैम, अभी क्या किया जाए कि मैं अपने इशारों पे नचा सकूँ? थोड़े बहुत तो नाचते हैं अभी, लेकिन पूरा कैसे मैं उनको नचाऊँ, ये प्लीज निधि मैम बताइए।
ये सर उन्हें ही अच्छी क्वेश्चन बात है। पूछने दीजिए, सर फर्स्ट उन्हें ही ओके क्वेश्चन पूछने दीजिए ओके ओके मैं उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ क्योंकि उनके साथ कंटेक्ट कर पाऊंगी मैं फिर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। तो मैम मेरा सवाल है, ये झूठे पति लोगों पर विश्वास नहीं आता, क्या करें? क्या 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 झूठे पति लोगों पर विश्वास नहीं है, क्या करना चाहिए? झूठे 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 पति लोगों पर विश्वास नहीं आता। यस यस। तो सच्चे पतियों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो सच्चे सच्चा पर कोई करना नहीं है चाहिए। सर। तो आपको उसको उनको सच्चा बनाना है या उनको अपनी अपने साथ जोड़ना है, उनको सच्चा बनाना है या ये बताइए पहले तो मुझे। कैसे सच्चा बने, सच्चा बनाएंगे निधि जी, आप जरा फॉर्मूला बताएंगे वो सच्चा तो हम बनाने का। वर्कशॉप में सिखाएंगे ना आपको, पेमेंट कीजिए वर्कशॉप में आइए, वहां पर आपको एक एक पॉइंट पे डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है। तो, हम मैम एक लेडीज बार हैं, हम मेरा और भी था। लेडीज हम बहुत कुछ कर सकती हैं। ये सवाल लेडीज जो होती है ना वो बहुत आसानी से समझ सकती हैं, समझा सकती हैं। हाँ ये इन्होंने जैसे इन्होंने कहा है कि जिनकी शादी नहीं हुई वो कैसे परफेक्ट पार्टनर ढूंढे फ्यूचर के लिए, तो मनीष सर कह रहे हैं ये चीज। तो मनीष सर से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप युद्ध से पहले ही युद्ध की तैयारी करना सीख जाते हैं ना तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अगर आपको पता होगा कि आपने अपने पार्टनर के साथ कैसे डील करना है, जो ये प्रॉब्लम्स अब फेस कर रहे हैं अगर इन्होंने पहले से सीखा होता, क्योंकि इंसान क्या करता है ना, शादी होती है, किसी ने कहा कि शादी करनी है, क्योंकि क्यों करनी है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने की थी, मेरे मामा मामी ने की है, सब करते हैं हम भी करेंगे, लेकिन उस शादी को कैसे निभाना है वो कोई नहीं सीखता। अगर उस शादी को कैसे निभाना है वो अगर आप शादी से पहले ही सीख लेते हो तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसलिए अपनी वर्कशॉप को आप तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैंडिडेट हो मेरे, जिनको मैं निधि शादी से पहले ही 25 साल पहले मिलती ना, व्हाट इज दिस, लेट हो गई थोड़ा। तो ठीक है यस, लेकिन वनिता का जो सवाल था कि अगर उनके या कोई भी हस्बैंड अगर झूठ बोलते हैं तो कैसे ठीक किया जाए, इसका जो एग्जैक्टली आंसर है निधि, आप ये भी बोल सकते हो मैं आपको कुछ ऐसी बातें सिखाऊंगी कि आपके हस्बैंड हो या कोई भी हस्बैंड हो वो झूठ क्यों बोलते हैं, उसके रीजंस क्या होते हैं, वो आपको बताओगी समझाओगी और एक ऐसे तरीका बताओगी जिससे कि आप जब उसको अप्लाई करोगे तो हस्बैंड को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपके साथ में और नजदीक आ जाएगी। क्या आप ये तरीका सीखना चाहती हो अनीता? हाँ तो मैं इस वर्कशॉप में यही चीजें सिखाती हूँ कि आप अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड कैसे बन सकते हो, क्योंकि जो एक फ्रेंड होता है उसके साथ हम हर बात को शेयर कर लेते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर वो फ्रेंडशिप आ जाए तो उनका रिश्ता जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जहां पर हमें मनी की जरूरत नहीं होती, जहां पर हमें किसी तरह की बच्चे भी छोड़कर जा चुके होते हैं एक लाइफ में ऐसा होता है, तो वहां पर अगर हम फ्रेंड्स के लिए हमें वहां पर फिजिकल भी होने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उस टाइम पे अगर हम अपने पार्टनर के दोस्त होते हैं तब हम उनके साथ पूरे जब तक साथ रहते हैं बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपको अगर अपने हस्बैंड को हस्बैंड ना रख के फ्रेंड बनाना है तो आपको मेरी वर्कशॉप में आना है, तो आप मेरी वर्कशॉप में जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये वर्कशॉप आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से मैं पूछ सकती हूँ, आपने बोला एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जैसे हमें मनी की जरूरत नहीं होती है। हाँ तो मैम मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, हमें तो आगे बढ़ाने में और भी ज्यादा मनी की जरूरत है। कितनी जरूरत होती है आपको, बुढ़ापा है आपका, क्या आप वहां पर अगर आपको बहुत बड़ा महल भी मिल जाए क्या आप पूरे महल में घूम सकते हो, चलना तो मुश्किल हो जाएगा, तब आपके लिए एक कमरा काफी है। अगर आपको खाने के लिए दांत नहीं है और आपको पकवान भी लाकर दे दिए जाए तब भी दवाइयों का खर्च तो उठाएगा। मैम मेरी बात सुनिए, हाँ आपने इतना बड़ा आइडिया लगाया है, भी दांत भी नहीं है ठीक है, हाँ। महल भी नहीं है, तो मैम ये कोई जरूरी नहीं होता है कि बुढ़ापे में आपका सारा अंग पैर ही खत्म हो चुका है। मनी की जो जरूरत है वो हमें ऑलवेज पड़ती है, भूखा नंगा रहती है। किसी के सपनों में नहीं आता है, हर औरत पैसा चाहती है, ये तो आप मानते हो ना? बिल्कुल, आप पैसा आप मान लो आपके पास पैसा है, हाँ। आपके पास मतलब दांत भी हैं,
लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, वो आपको गालियां निकालता है, आपको मारता भी है, और आप आपके साथ बात भी नहीं करता, और धुतकारता भी है, झूठ भी बोलता है, तब आपके लिए उस पैसे की कितनी वैल्यू रह जाती है? आप मेरे को बताओ, बताओ निधि उस पैसे की क्या करोगे निधि तुम? निधि लेकिन आप अगर इस निधि कोर्स में आ जाते हो तो गर्ग, आपको उस पैसे। हाँ जी निधि सर, गर्ग, यस सेल्फ सर, गोल क्यों कर रहे हो आप? कौन आपसे पूछा है कि पैसे की जरूरत है या नहीं है? सर इन्होंने पूछा, किसने पूछा है? वनिता जी ने, कि पैसे की जरूरत तो रहती है बुढ़ापे में भी। नहीं, आपने ये पिच करी ना बात को कि भाई पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सर मैंने ये पार्टनर जो कहा रहेगा कि उसका फ्यूचर में इम्पोर्टेंस पैसा है। आता है। हाँ जी सर, मैंने ऐसे कहा कि पार्टनर के साथ बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वहां पर जाके एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पर हमें पैसे की इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि हमारी लाइफ में। ये गलती है आपकी, ये कभी मत बोलिएगा, क्यों सर? ये कभी मत बोलिएगा। लोगों का माइंड जो था ना रिलेशनशिप के ऊपर में था, अपने मनी के ऊपर में खुद ने लेकर चले गए। आप ये बोलिए, एक समय ऐसा आता है कि हमको सिर्फ लाइफ पार्टनर की ही जरूरत होती है, बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है, धन दौलत पैसा बंगला गाड़ी कोई चीज नहीं, सिर्फ लाइफ पार्टनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ मनी नहीं, सबको बोलिए फिर। अदरवाइज आप क्वेश्चन रेस करने के लिए, ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए खुद ही टॉपिक दे रहे हो कि नहीं भाई हस्बैंड नहीं रहेगा चलेगा, पैसा रहना चाहिए, वैसे भी वो कहाँ समय देते हैं। यस, और पैसा भी नहीं रहेगा, हस्बैंड भी नहीं रहेगा, तो फिर क्या मतलब है? ये क्वेश्चन सर मैं खुद वही आप चीज खड़ा कर बता रहे रही, हो। सर वही चीज मैं बता रही थी ना, कि आपने सारा कुछ कहा, मैंने ऐसे अलग अलग चीजें कह दी कि मनी हेल्थ अगर आपके पास नहीं रहती है तो पार्टनर आपके पास होगा तो आप लाइफ को निकाल सकते हो। डोंट टेक द वर्ड हाँ मनी मनी है, यूज हेल्थ है, मत ये सब करो वर्ड यूज मत करो, जी सर, इसको ना ना? यूज करके कि आप अपने पार्टनर के साथ कैसे कनेक्टिविटी एंड तक रख सकते हो, उसके लिए इस देखो कोर्स में सिखाया जाता विधि है। क्या है ना, ये बहुत ही यस सर, सेंसिटिव टॉपिक है आपका, और जी जिसके सर, ऊपर मैं बीतती है। यस, अभी यहाँ पर तो आपका कोई क्लाइंट नहीं है, लेकिन यस सर, हस्बैंड वाइफ के जो गैप है ना, वो स्पेसिफिक इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े गैप्स है, यस सर, और वो सपना भी नहीं देख सकते कि रिलेशन ठीक होंगे, ये रियलिटी है। यस सर, भले उनकी सर कितनी भी बड़ी इच्छा है कि भाई मुझे इनके साथ में रिलेशन ठीक करना है, लेकिन कई यस लोगों ने मन बना लिया कि भाई अब नहीं भी होगी रिलेशन ठीक तो भी चलेगा। तो भी ठीक है। हाँ जी तो ये सर, बहुत ऐसा हार्ड होता है। कोर टॉपिक है आपका कि उनके रिलेशन को ठीक करना, तो पहले आपका जो है ना उनका माइंडसेट ये बनवाने में होना चाहिए कि हाँ मैं रिलेशन ठीक करना चाहता हूँ, रिलेशन ठीक करना चाहती हूँ, यस ये सर, होना चाहिए। अब बहुत जरूर, आगे की बात कर रहे हो, वनिता ने अपने आप को पहले रेजोनेट किया, रिलेट किया, फिर दूर कर दिया, क्योंकि वनिता अपने आप को अभी यंग मानती है, वो अभी 20 साल आगे का क्यों सोचेगी? आप क्यों सोचने लगा रहे हो? नहीं, उनका प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्या है वो आप सॉल्व करके दे सकते हो क्या निधि? उस बारे में हमको बात करना है। यस सर, यस, तो टाइप हमेशा क्या करवाना, आपका प्रेजेंट एज क्या है ये जल्दी से टाइप करिए, सो दैट आपका जो ऑडियंस का एज ग्रुप है वो आपको समझ में आ जाए। यस, कि भाई कौन से एज के लोग हैं। सेकंड, आप उनके हस्बैंड वाइफ जो भी स्पाउस है उनके रिलेशंस को ठीक करना चाहते हो, अपने यस कोर्स अपने प्रोडक्ट के अंदर में वो सारी बातें रखते हो, हाँ जी, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि इनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या है। यस सर, और वेबिनार के अंदर में ओपन सब कोई अपने प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करते हैं, यस सर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यस सर, आर यू गेटिंग इट? यस सर, सर और अगर कोई मानती हूँ। डिस्कस करता है ना तो उसको ऑप्शन 2, 3, 4 मत दीजिए, पहले समझ लीजिए। वनिता जिंदल एक ऐसे कैरेक्टर है कि जो मिड एज में है अपने, और उनको अभी रिटायर होने को टाइम है, कम से कम 20 साल तो टाइम है। 20 साल तो है बिल्कुल सर। यस, तो उनके लिए चैलेंज क्या है ये पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। या यस सर, उनके लिए चैलेंज क्या है कि उनके जो, अब ये एग्जांपल है, उनके लाइफ ऐसी नहीं है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत यस सर, बढ़िया चलती है, लेकिन उनके यस सर, हस्बैंड उनको सच्चाई से बताए बातें, उनकी बातों को सुने और क्लोज आए। देखो, वाइफ को पैसा नहीं चाहिए,
वाइफ को कुछ नहीं चाहिए रियल में, सिर्फ प्यार होना उसको और समय दे उनका हस्बैंड, ये एक्चुअल में रियलिटी है। ये यस सर, गैप जो है ना वो एक प्रॉब्लम है। यस, यस, यही सबसे तो बड़ी उनको ये प्रॉब्लम है। बताइए भाई आपको क्या चाहिए। यस, कि भाई हस्बैंड आपके साथ में ईमानदारी से कनेक्ट हो जाए, एक जॉयफुल नेचर के साथ में रिलेशनशिप आपका जो पहले हुआ करता था शादी के 1 साल 2 साल तक की जब हुई थी वैसा अगर आप करना चाहते हो। यस, तो यस जस्ट सर, मैरिड जो है ना वो लाइफ अगर जीना चाहते हो वो मैं सिखाती हूँ, और बिना आपके हस्बैंड को डिस्टर्ब करे, आपको कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, मैं यस आपको सर, तरीके सिखाऊंगी जिससे फिर से वो चीजें आ जाएंगी। क्या सीखना चाहते हो आप? आप पहले अग्री कराओ कि सीखना चाहते हो क्या, ये रिजल्ट और ये बेनिफिट चाहते हो क्या, आपके सवाल ये होना चाहिए। ऑफकोर्स यस सर, उसका आंसर हाँ ही आएगा। देखो आपको नहीं क्या क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है, इसमें ओपन एंडेड नहीं। यस सर, एक ट्रेनर एक कोच का काम सबसे स्मार्ट तरीका है कि क्लोज क्लोज एंडेड एंडेड क्वेश्चन क्वेश्चन, पूछे, यस यस वाले इसका ही आंसर पूछना, हमारे फेवर में ही है। यस सर, आप गलती क्या कर रही हो थोड़ी देर में देख रहा हूं मैं, यू आर आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, नो यस, डोंट डू द मिस्टेक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दिस इज सेल्स यस सर, पिच, यस सर, यस सर, क्लोजिंग पिच है ये, इतना समय नहीं है। यस के डिटेल में हम आंसर करेंगे, वन ऑन वन काउंसलिंग भी करोगे तब भी इतना समय नहीं है, कोई 2 4 घंटे की थोड़ी यस सर, करोगे आप, 45 मिनट की 1 घंटे की करोगे। यस यस सर, यस सर, सो वंडरफुल तो प्रेजेंटेशन बाय निधि गर्ग। यस थैंक यू सर। किसी का और क्वेश्चन है? एक अमन सर का शालवी था जी कब क्वेश्चन, से ना क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, उनका सवाल का जवाब देते मैम हैं। वाइफ की पिटाई से कैसे बचें? नेक्स्ट टाइम वाइफ, जो रहेगा निधि गर्ग का फिर से हम रखेंगे, यस सर, लेकिन सब अपने वाइफ के साथ में आओगे यहाँ पे, यस फिर सर, जितने सवाल पूछने हैं यस पूछ लेना अपने, सर, वाइफ के साथ भी हस्बैंड के साथ भी। हस्बैंड को भी लाना पड़ेगा, वनीता जिंदल ये ध्यान रखिएगा, फिर फिर जो पूछना है पूछिए कोई मेरे जो क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन। पूछेगा, हाँ, फिर और फिर जो कोई हेल्थ कोच क्वेश्चन है आएगा ही फिर नहीं हेल्थ कोच की जरूरत पड़ेगी। यस, सर। तो हेल्थ कोच भी है यहाँ पे, हमारे दो यस प्रोडक्ट एक साथ सेल होना चाहिए। सर, फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा सर, आपको भी अपने मैम के साथ ही आना है। नहीं मेरे मैम, हमारे तो बॉक्सिंग रिंग रेडी रहता है, नहीं 5 मिनट सर, आपको भी बॉक्सिंग सीखने की होती है। जरूरत है, आपको भी मेरे कोर्स में आने की जरूरत है। ऑफ कोर्स है, मैंने कब मना किया है, बिल्कुल है, यस उससे ज्यादा मुझे आने सर, की जरूरत है, क्योंकि आप ही मुझे को आने की जरूरत है। यस ऑफ जी कोर्स मुझे, मैं सीखूंगा पहले, मैं तो उसको यस आने नहीं सर, दूंगा, पूरी ट्रिक्स मुझे सिखाइएगा। यस, यस सर, पूरी टेक्निक्स का आपको पूरी टेक्निक सिखाएंगे। सीख जाऊंगा फिर मैं, फिर आप उनको बताइएगा सिखाइएगा, फिर उसको बाद में समझ में नहीं, आएगा उन्हें अच्छा उन्हें ये पता नहीं टेक्निक चलेगा, उनको है। जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो इम्प्लीमेंट करोगे ना उससे उनको रिजल्ट आपको वैसे ही मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको 2 महीने में 50% रिजल्ट ना मिला ना, तो मैं आपके पैसे भी वापस कर दूँ। आप ऑफ इतना अच्छा मेरा कोर्स है। कोर्स पक्का मैम आपका कोर्स हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यस सर, सो थैंक यू राउंड सर, ऑफ ब्लॉस फॉर निधि गर्ग मैम। यस, थैंक यू स्कोर सो दीजिए मच। निधि गर्ग मैम को जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। निधि गर्ग आप वॉरियर्स है ना, यस सर, या जल्दी से स्कोर दीजिए वॉरियर्स टीम को। थैंक यू विनय कुमार जी, 200%, थैंक यू, 80, 95, 90, 70, 70, 95, वाओ, थैंक यू अनिल सावी, थैंक यू डॉक्टर रोहित सर, थैंक यू गौरव जी, श्री शैला, अपर्णा मैम, थैंक यू सो मच। सो टाइप इन द कमेंट बॉक्स MPTY निधि गर्ग मैम, निधि गर्ग मैम फिर से रेडी करिए, और सेल्स यस पिच सर, जो रहेगी ना और पावरफुल करिए, इसके यस सर, अंदर में ध्यान रखिए सेल्स के ऊपर में हमको काम करना है और क्लोज यस सर, एंडेड क्वेश्चन पूछना है। यस, ओके सर, और अगर राइट सामने सर, वाले का क्वेश्चन आता है तो काउंटर क्वेश्चन पूछो, लेकिन यस सर, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछो, सबसे यस सर, बढ़िया आंसर है क्वेश्चन पूछना, लेकिन क्वेश्चन, क्लोज एंडेड काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहिए। यस, यस सर, यस सर, तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, किसी का है तो, वैसे तो है नहीं, मुझे लगता नहीं है। या सो हु विल बी द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, जल्दी से लास्ट पार्टिसिपेंट अभी हम लेने वाले हैं, और रैंडमली आई विल सिलेक्ट, लेट सी कौन कौन है यहाँ पे, ज्ञानेंद्र है, अमन शर्मा, मोहित कक्कर, अनिल सालवी, श्री सल्ला, विनय गुप्ता, वनिता जिंदल, रश्मि मेहरा। ओके ओके, वनिता जिंदल, रश्मि मेहरा, रेडी है आप?
रश्मि आप रेडी है? दिस इज वार, और अगर आप रेडी नहीं हो तो फिर काम नहीं चलने वाला है। यस वनिता जिंदल, आपका चांस है अभी। यस, और रेडी रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी रेडी। वनिता कौन से टीम के मेंबर हुआ? एवेंजर्स हो आप? ठीक है, ग्रेट। अभी वॉरियर्स का हुआ, अब एवेंजर का टाइम आ गया है। गौरव, अब नेक्स्ट टाइम आपको चांस मिलेगा, ऑफ कोर्स अभी तो आप टीम में आ गए हो। यस, लेकिन और कुछ चीजें जो बताए गए अपर्णा जी या फिर आप जो टीम में है वो। यस वनिता, ओके वनिता का हो, उसके पहले मैं आपको टॉपिक दे दूं डे टू का। यस, क्योंकि काफी लोग चले जाएंगे तो फिर लेट हो जाएगा। डे टू का टॉपिक मिलना चाहिए कि नहीं? डे टू का जो टॉपिक रहेगा ना, इस बार जो वीडियो क्रिएशन चैलेंज रहेगा वो पोस्टर्स के रूप में मैं नहीं दे रहा हूँ। रीजन है, बीच में कभी पोस्टर्स भी रहेंगे, लेकिन वीडियो के रूप में क्यों दे रहा हूँ उसका रीजन है माय डियर फ्रेंड्स। यस, उसका रीजन है। और आज का जो टॉपिक रहेगा ना, लेट मी सी कि है क्या स्लाइड में, ओके वी विल सी। सो आज का जो टॉपिक रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डे टू का, और वो डे टू का जो टॉपिक रहेगा ना वो आपके सामने अभी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यस, सो डे टू का जो टॉपिक रहेगा आपका सभी का गोल्स के ऊपर में काफ़ी लोगों ने बना दिया है, और अभी जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। यस, क्या रहेगा टॉपिक, लेट सी, आई विल शो यू, आई विल एक्सप्लेन यू। सो कल का जो टॉपिक रहेगा, कल है 2nd of September, सेकेंड डे ऑफ वीडियो क्रिएशन चैलेंज। आपकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या है आपके 30 डेज के अंदर में? हम अपने 30 दिन की प्रायोरिटी सेट करेंगे। प्रायोरिटी सेट करने का मतलब क्या है? यस, कि आपका सबसे पहला काम, सबसे नंबर वन प्रायोरिटी क्या रहेगी ये 30 दिनों की। अब हमारे लाइफ के अंदर में मॉर्निंग से लेके तो इवनिंग तक के, रात तक के बहुत सारे काम हम करते हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज हमारी रहती है, लेकिन अब इसको शॉर्टलिस्ट करना है और प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग करना है। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है कि भाई आपका जो करियर है वो आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, स्किल्स को डेवलप करना आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करना आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, एंटरटेनमेंट है, फन है, सोशल मीडिया है, स्क्रॉलिंग है, ये सब चीज़ें आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, और इनकम और मनी आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। लेकिन प्रायोरिटी सेटिंग का मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। प्रायोरिटी सेटिंग का सीधा सिंपल फॉर्मूला और डेफिनेशन मैं आपको आज दे रहा हूँ, इस नज़रिए से आपको देखना है, समझना है और अपनी प्रायोरिटी को सेट करना है। प्रायोरिटी सेटिंग का मतलब है आपकी नंबर वन प्रायोरिटी जो भी आप लिखोगे, चाहे फिर वो मनी हो तो भी आप लिख सकते हो, कैरियर हो तो भी लिख सकते हो, फैमिली है तो भी लिख सकते हो, हेल्थ है तो भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर में लिख दिया कैरियर, कैरियर ग्रोथ मतलब स्किल्स को डेवलप करना, कैरियर को इम्प्रूव करना, वो अगर आपकी नंबर वन प्रायोरिटी है पूरे सेप्टेम्बर मंथ में, तो फिर सेकेंड थर्ड जो भी प्रायोरिटी रहेगी कोई मायने नहीं रखती है। मतलब कहने का ये है, एक महीने तक के आप सिर्फ कैरियर पे फोकस करोगे, फैमिली को समय नहीं दिया तो भी चलेगा, हेल्थ पे फोकस नहीं किया तो भी चलेगा, या कम फोकस किया हेल्थ पे फैमिली पे तो भी चलेगा, फ्रेंड्स पे कम फोकस किया तो भी चलेगा, एंटरटेनमेंट के ऊपर में नहीं किया तो भी चलेगा, मनी और इनकम पे नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन कैरियर एक बार ग्रो हो गया, स्किल्स अगर डेवलप हो गए तो एक महीने बाद का सीन अलग हो जाएगा आपके लाइफ का। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको और भी चीज़ें रहती है यस प्रायोरिटी के अंदर में, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए नंबर वन प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, और जो भी आपकी नंबर वन प्रायोरिटी रहेगी उसको आपको अभी के अभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में लिखना है। यस, अभी लिखना है, तुरंत ही लिखना है। अब ये एग्जांपल्स इसके अंदर से लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ होगी तो वो लिखिए, लेकिन आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। आपको अपने नंबर वन प्रायोरिटी का वीडियो बनाना है, यू हैव टू मेक अ वीडियो ऑन योर नंबर वन प्रायोरिटी। आपकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या है, पूरे लीडर्स फोकस करिए, आपके जो टीम मेंबर्स चले गए यहाँ से अभी मीटिंग में लेट होने के कारण, उनको ये बताना है, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मुझे देना है आपको, या पोस्टर्स
सफिशियंट रहेगा, ये आपसे पूछना भी है। कितने लोग चाहते हैं कि पोस्टर्स ही मिले, कितने लोग चाहते हैं कि वीडियोस के रूप में मिले ताकि एक्सप्लेन क्लियर कर दिया जाए कि भाई ये टॉपिक है और इस तरीके से हमको वीडियो बनाना है। टाइप इन द कमेंट बॉक्स वीडियोस या पोस्टर्स। वी टाइप करेंगे वीडियो के लिए, पी टाइप करेंगे पोस्टर्स के लिए। ओफो, सब मेहनत करवाएंगे, ठीक है। आप सब लोग बना रहे तो मैं भी आपके लिए एक वीडियो डेली का तो बना ही सकता हूँ। सो लेट्स सी आज का जो टॉपिक है उसका वीडियो। यस लेट मी सी, वो बना हुआ है और सो आज का जो वीडियो है जो कल के लिए रहेगा 2 सितंबर के लिए, वो वीडियो मैं ग्रुप के अंदर में पोस्ट कर रहा हूँ अभी और वो ऑलरेडी रेडी है आपके लिए, सबके लिए बनाया गया है। सो दिस इज द वीडियो, आई विल शो यू। अच्छा ये यूट्यूब के ऊपर में आ चुका है, ओके जस्ट अ मिनट। या यूट्यूब पे अभी पहुँच चुका है वीडियो, लेट मी सी। हेलो एंड वेलकम ऑन द ओके, सो आई विल शो यू द वीडियो और जो वीडियो है वो अभी ग्रुप के अंदर में भी हम पोस्ट कर देंगे, लेकिन ये वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए और अगर कोई सवाल होगा, क्वेरी होगी, यस वैसे तो एक्सप्लेन किया है इसके अंदर में, लेकिन अगर कोई सवाल होगा तो अभी पूछ लीजिए, बिकॉज आपको पूरी टीम को एक्सप्लेन करना है और ये कल के दिन 2 सितंबर को ये पूरा वीडियो जो रहेगा इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके वीडियो बनाना भी है। यस इज इट क्लियर पूरे लीडर्स, आर यू देयर? अमन शर्मा, यस निधि गर्ग, अनिल सालवी, यस अपर्णा पिल्ले, भूषण शर्मा, बी रेडी बी फोकस्ड। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी टीम को क्वालिफाई करवाए और अभी डे वन हुआ है और ये डे टू का वीडियो। हेलो एंड वेलकम ऑन दिस सेकेंड वीडियो, सेकेंड डे वीडियो चैलेंज में आप सभी का स्वागत है और जो आज का सेकेंड डे का टॉपिक रहेगा वो बहुत ही स्पेशल है एंड दैट इज नॉन अदर देन योर प्रायोरिटी सेटिंग। आपकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या रहेगी आने वाले पूरे कंप्लीट 1 महीने के लिए, यस ये आपको सेट करना है और उसके ऊपर में वीडियो बनाना है। प्रायोरिटी सेटिंग का मतलब है आपके लिए सबसे पहला काम कौन सा करोगे, बाकी काम रह भी गए तो भी चलेगा, लेकिन नंबर वन प्रायोरिटी पे डेली आप कौन सा काम करोगे जिससे आपका प्रोग्रेस होगा या लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे, ये आपको डिसाइड करना है। और ये आपका करियर हो सकता है कि भाई मुझे करियर आगे बढ़ाना है तो अपने स्किल्स को डेवलप करना है, यस मैं पूरा फोकस करूँगा अपने करियर पे स्किल्स को डेवलप करने में, ये आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। आपकी हेल्थ आपको इम्प्रूव करना है, यस ये आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। फैमिली आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक नंबर वन प्रायोरिटी की। नंबर वन प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि वो प्रायोरिटी के लिए, वो नंबर वन प्रायोरिटी के लिए बाकी चीज़ें छूट भी जाए तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल करियर अगर आपने चूज़ कर लिया, खुद के स्किल्स को डेवलप करना आपने चूज़ कर लिया, यस देन आपकी हेल्थ अगर थोड़ी बहुत। सो ये डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो है ग्रुप के अंदर में पोस्ट कर दिया गया है, यस ये वीडियो को देखिएगा समझिएगा। और मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि डोंट बी इमोशनल, यस कैलकुलेटिव होना है, अपना ब्रेन का यूज करना है। मैं बोल रहा नहीं कि फैमिली से दूर होना है, नो मैं बोल रहा हूँ नंबर वन प्रायोरिटी जिससे आपके लाइफ के अंदर में ग्रोथ आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हेल्थ को अगर आप ध्यान देते हो, रोज एक्सरसाइज करते हो तो बंद कर, नहीं। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, वीडियो बनाना है, यूट्यूब के करना है जिससे मेरा ग्रोथ होता है, मैं हेल्थ के ऊपर में तो ध्यान दे ही रहा हूँ, यस लेकिन मेरी नंबर वन प्रायोरिटी पूरा सेंसेस, मेरे पांचों सेंसेस, मेरा पूरा फोकस जो रहेगा वो गोल्स को कंप्लीट करने पर रहेगा ये महीने में। तो नंबर वन प्रायोरिटी जो रहेगी आपकी वो क्या रहेगी, ये मैं बोल रहा हूँ। हेल्थ ऑफकोर्स रहेगी आपकी प्रायोरिटी, लेकिन सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी है,
कहने का मतलब ये है कि कभी कभार आप हेल्थ, अगर जिम रोज जाते हो, एक आधे दिन मिस हो गया चलेगा, लेकिन वीडियो क्रिएशन मिस नहीं करना है, यूट्यूब के ऊपर में कंटेंट डिलीवरी मिस नहीं करना है, जिससे आपकी इनकम, आपका करियर ग्रो होता है, वो आपको मिस नहीं करना है। अगर आपका करियर आपकी प्रायोरिटी है, हेल्थ अगर आपकी प्रायोरिटी है, तो फिर ठीक है। फिर आपने वेडनेसडे फ्राइडे का सेशन भी मिस कर दिया, लेकिन जिम जाना इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो आपकी हेल्थ नंबर वन प्रायोरिटी हो सकती है। आर यू गेटिंग इट? मतलब इस चीज के लिए, इस चीज को मैं अवॉइड कर सकता हूं, लेकिन ये चीज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, उसको बोला जाता है नंबर वन प्रायोरिटी। आर यू गेटिंग इट? जैसे मेरे लिए जो मेरा मिशन है वो नंबर वन प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी मेरी कम्युनिटी है, थर्ड प्रायोरिटी मेरी इनकम है, यस, ये मेरी प्रोफेशनल जो प्रायोरिटीज है वो ये है, मेरा जो मिशन है वो मेरी नंबर वन प्रायोरिटी है, यस। मैं बहुत सारे जगहों पे कनेक्टेड हूँ, धार्मिक जगहों पर हूँ, काफ़ी जगहों पर हूँ, वो मेरी नंबर वन प्रायोरिटी, वो मुझे करना है। सेकेंड प्रायोरिटी मेरी कम्युनिटी है, आप लोग हैं, बाकी दूसरी और भी कम्युनिटीज है, वो है, एंड द थर्ड वन इज इनकम। तो इनकम को मैं पीछे रख सकता हूँ कि भाई इनकम कम होगी ये मैंने चलेगा, लेकिन जो मेरा स्पिरिचुअल गोल है वो बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। मेरी जो कम्युनिटी मेंबर्स है, जो मेरे से आशा लगा के बैठे, वो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, बाद में मनी है। आर यू गेटिंग इट? उसके बाद में फैमिली आती है। अब फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं है, हम सब कर रहे हैं, लेकिन मेरे को प्रायोरिटी पता है, मेरी नंबर वन टू थ्री, ये मैं मिस नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। आर यू गेटिंग इट? इस तरीके से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, वीडियो दिया हुआ है, और अभी वनिता जिंदल आपका चांस है, यस। सो आई थिंक कल का जो टॉपिक है आपको सबको मिल गया है, और ये आपको एक्सप्लेन करना है कि मेरी नंबर वन प्रायोरिटी जो रहेगी ये एक महीने के लिए ये रहने वाली है, यस। मैं बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दूंगा, लेकिन ये नंबर वन प्रायोरिटी है, और उसको आपको वो भी बताना है, रीज़न भी बताना है, यस, जस्टिफाई भी करना है कि ये नंबर वन प्रायोरिटी क्यों है, इससे मेरे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, यस, ये एक्टिविटी करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक? प्रायोरिटी सेट करना चालू करिए भाई, तो बहुत तेजी से अपने गोल के तरफ में डायरेक्टेड हो जाओगे, तेजी से आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज 10 चीज़ें आएगी दिन भर में, आपको कभी लगेगा ये करना चाहिए, फिर कभी ये लगना चाहिए, और आप कभी भी प्रॉपर डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, यस। प्रायोरिटी सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। अगले महीने रखो हेल्थ को, फैमिली को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक महीने तो एक चीज़ को ग्रो कर लो भाई पहले। आर यू गेटिंग इट? पूरी एनर्जी एक ही चीज़ पर डालना, यस, ये इम्पोर्टेंट होता है। एनी क्वेश्चन? ये जो वीडियो है सेकेंड डे का, ये बनाना है आपको, अपनी प्रायोरिटी क्या है वो बताना है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताना है, और जो कमिटमेंट रहेगा वो प्रायोरिटी के लिए क्या करने वाले वो बताना है आपको, यस, ठीक है, क्लियर? जल्दी से CLR टाइप करिए, अगर क्लियर है सभी को दो। एंड क्या अभी हमें एक और लेना चाहिए स्टूडेंट को? आकाश सर, रश्मि को हमने अभी तक ग्रुप में नहीं डाला है, रश्मि मेहरा अभी तक ग्रुप में है। ओके, रश्मि मेहरा है, देन ज्ञानेंद्र तो है आई थिंक, या और कौन है जो ग्रुप के अंदर में नहीं है? गौरव शर्मा, रश्मि मेहरा, ये दो पार्टिसिपेंट्स है, यस। मीनाक्षी जैन है, ओके, मीनाक्षी जैन भी है, गुंजन भी है, यस। एनीवन एल्स जो ग्रुप के अंदर में नहीं है, यस, वो ग्रुप के अंदर में व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करेंगे कि वी वांट टू ज्वाइन, और यहाँ पे एथिक्स है, क्राइटेरियाज है, मैंने ऑलरेडी लास्ट वेडनेसडे को बताया था। ग्रुप में अगर एक भी पार्टिसिपेंट डिस्क्वालीफाई होता है, पूरा ग्रुप जो कॉम्पिटिशन है, ग्रुप के बीच में भी है, यस, वॉरियर्स और एवेंजर्स के बीच में भी है, तो ग्रुप डिस्क्वालीफाई हो जाता है, एक नेगेटिव स्कोर मिलता है अगर एक टीम मेंबर भी नहीं बनाता है। अब मैं आज तो नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आने वाले वेडनेसडे को मैं पूछूंगा अपर्णा पिल्ले मैम से भी और भूषण सर से भी कि आपके टीम में से पूरे 7 डेज के वीडियो कितने लोगों ने नहीं बनाए हैं। जैसे कि दो पार्टिसिपेंट के मैसेज मुझे दिखे हैं कि नहीं बना पाए हो, रीज़न कुछ भी हो,
हेल्थ प्रॉपर नहीं है, चैलेंजेस है फैमिली के, वॉट एवर, लेकिन नहीं बने मतलब नहीं बने हैं। यस, मैं सेशन कंडक्ट नहीं करूंगा, मैं बीमार रहूं चाहे कुछ भी रहूं, सेशन कंडक्ट नहीं किया मतलब नहीं किया। अगर आप जॉब पे नहीं जाओगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। वैसे ही ये प्रोफेशन में हमको फोकस रहना है, कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट। यस, बीमार हो तो लेटे लेटे बनाओ वीडियो, लोग बोलेंगे यार क्या कमिटमेंट है, बीमार है बुखार है फिर भी वीडियो बना रहे। सो ये मुझे चाहिए, ये मत बोलिए। फोन पे आप बात कर सकते हो 50 लोगों से बीमार होते हुए, तो एक वीडियो क्यों नहीं बना सकते? कम्युनिटी से बात करो वीडियो के माध्यम से। मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, अलग बात है। यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल कोई जवाब? और अलग अलग चैलेंजेस रहेंगे, सिर्फ वीडियो क्रिएशन के चैलेंजेस नहीं है इस बार। अभी आपका यूट्यूब चैलेंज जो रहेगा ना, यूट्यूब मास्टरी के ऊपर में हम काम करने वाले हैं, सोशल मीडिया मास्टरी पे। लेकिन ये वार्म अप है, ये 6-7 दिन में वार्म अप करो, मिस मत करो एक भी दिन का वीडियो। ये गलत फहमी मत रहना कि लास्ट टाइम जो 30 डेज का चैलेंज था सेम रहेगा, सेम बिल्कुल भी नहीं है, पूरा डिजाइंड है स्ट्रक्चर्ड वे में। यस निधि सर, वॉरियर ग्रुप में चंद्रकला मानकर थे तो वो छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे जाना है तो मैं वीडियो पता नहीं बना पाऊंगी या नहीं मुंबई। ऑफ कोर्स अभी टीम फाइनल नहीं हुई है, पूरा 7 दिन का समय है, 7 दिन में 7 डेज के पूरे वीडियोस कौन बना रहे हैं ये हम देखेंगे। जो नहीं बना पा रहे जो भी रीजन से, वो कॉम्पिटिशन के बाहर हो जाएगी। ओके सर, ये ग्रेस पीरियड हमने 7 डेज का इसलिए रखा हुआ है, लीडर्स को ये बात पता है। फाइनल जो रहेगा वो 10 मेंबर्स ही रहेंगे, 11-12 नहीं रहने वाले हैं, या मैक्सिमम 11 रहेगी, है ना। क्रिकेट टीम हो या फुटबॉल की 11 मेंबर्स की टीम होती है ना, सो प्लेयर्स लोग ही रह पाएंगे, बाकी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए, 7 में से 5 दिन भी वीडियो बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गेम के बाहर नहीं है। लेकिन अगर आप क्रिकेट पिच पे बैठे हो तो आपको बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग तीनों करनी है। रिटायर्ड हर्ट हो गए हो तो जाओ पवेलियन में बैठो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रिकेट टीम के पार्ट हो लेकिन पवेलियन में, यहाँ पर नहीं। यहाँ पे जो रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में उसको एक्टिव रहना पड़ेगा। यस, ये रूल है, क्योंकि अगर एक भी टीम मेंबर डिस्क्वालीफाई करेगा पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये 7 डेज हम देख रहे हैं, इसीलिए हम अब वॉरियर्स के कुछ मेंबर्स हैं 1 या 2 जिनने वीडियो नहीं बनाए हैं, और एवेंजर्स के भी 1-2 लोग हैं जिनने नहीं बनाए हैं, तो अभी बैलेंस चल रहा है। लेकिन ये कैलकुलेट होंगे, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते का टाइम है इसका मतलब ये नहीं है, काउंट होने वाला है, डे 1 से काउंट होने वाला है वो स्कोर, तभी तो कंपटीशन बना हुआ रहेगा ना। आपके ग्रुप में आप देखिए कौन डिस्क्वालीफाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और लोग डिस्क्वालीफाई करेंगे, प्रॉब्लम चैलेंजेस जेन्युइन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर को पैर फ्रैक्चर हो गया है ना, तो चौके छक्के नहीं मार पाएगा, वो बोलेगा मुझे चौके छक्के मारने का भी खिताब चाहिए, वर्ल्ड कप भी चाहिए, और पैर भी फ्रैक्चर है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं, फिर उनको रेस्ट करना पड़ेगा थोड़े समय के लिए। आओ फिर 2 महीने बाद जो चैलेंजेस रहेंगे उसमें ये, तब तक के वेट करना पड़ेगा। और बाकी तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में है, टॉपिक तो वहीं पर ही दे रहे हैं। सो यस, अभी हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, आज का समय ज़्यादा हो गया है। निधि गर्ग मैम, आई थिंक आपको आंसर मिल गया क्लियरली। वनिता रेडी हो आप अभी या नेक्स्ट वीक के लिए? नहीं नहीं, रेडी हो, रेडी, मैं मेरे ग्रुप को हराऊंगी नहीं सर, जितना आगे करके दिखाऊं। ओके, सो आपका कोर्स का नाम क्या है, कितने दिन का कोर्स है, प्राइस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और क्यों ज्वाइन करना चाहिए? और फोकस ये रखो कि मैं आपके कोर्स को ज्वाइन करूं, निधि गर्ग मैम करे, अमन शर्मा करे, अपर्णा करे, आप कौन से ग्रुप से, वॉरियर्स है कि एवेंजर्स है, आप बताएं सर। अरे मुझे क्या पता, मैं भगवान थोड़ी हूँ, आपको पता। आप टेलीग्राम ग्रुप में हो, कौन से ग्रुप में हो आप? एवेंजर्स हैं सर, अपर्णा मैम के। एवेंजर्स हो ना, वॉरियर्स तो नहीं हो? करूं सर, मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगी। अभी तो सब लोग सवाल पूछेंगे आपसे, आप बताइए आपके कोर्स का प्राइस क्या है। जितना होगा मैं करूंगी ना। ठीक है, स्टार्ट करिए फर्स्ट। ठीक है, लोग बातों ही बातों में हाल पूछ लेते हैं, कितना कमा लेते हो ऐसे कह के औकात पूछ लेते हैं। तो दोस्तों आप सब जान गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मनी, मनी जो हमारी लाइफ में सबसे बड़ी नीड है, मनी जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। और ये मनी हम तभी कमा सकते हैं जब अपने इनर वर्ल्ड पर वर्क करते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि पैसा बहुत जल्दी आता है, लेकिन
उतनी जल्दी चला भी जाता है, जानते क्यों? क्योंकि उनका वैसा माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ होता। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एक लॉटरी जीतने वाला कितनी जल्दी पैसा हासिल कर लेता और उतनी जल्दी गवा भी लेता है, लेकिन जब एक मिलेनियर माइंडसेट इंसान किसी कारणवश अपना पैसा गवा देता है और फिर वो उतनी जल्दी उसे पा भी लेता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट, जो उसका मनी का ब्लूप्रिंट है, माइंडसेट इज एवरीथिंग। ये मस्तिष्क वो खजाना है जहां आप जितना चाहो जितना चाहे डाल सकते हैं और उतना ही निकाल सकते हैं। माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो दोस्तों मनी हमारी जिंदगी में हमारी बहुत जरूरी है, ये हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करता है। डू यू नो दैट? टेल मी यस और नो। बेसिक नीड्स को पूरी करता है, ये हमें आर्थिक सुरक्षा देता है और हमारे सपनों को पूरा करता है, हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद करता है। और भी बहुत से रीजन है जिनमें मनी हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब जैसे आप मनी ब्लूप्रिंट मास्टरी मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी जो नेगेटिव सोच है उस पैटर्न को आप खत्म करोगे, उसे पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट करोगे। आप जो जितना भी है मनी गोल सेटिंग कर पाओगे, पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कर पाओगे, एबल टू राइट डिसीजन ले पाओगे और बहुत ज्यादा जल्दी कम मेहनत में ज्यादा पैसा अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों मनी आपने देख लिया होगा हमारी लाइफ में, मनी हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये मैं अपना कोर्स मनी ब्लूप्रिंट मास्टरी से रख रही हूँ। और इसका जो प्राइस है, यूं तो इसका प्राइस 9,997 रुपए है, लेकिन आज मैं अपने गुरुकुल कम्युनिटी वालों को सिर्फ और सिर्फ 3,000 में ये कोर्स सेल करने वाली हूँ। और इसका ड्यूरेशन है, मैं इसे हफ्ते में 3 दिन इसका क्लास लेने वाली हूँ, जहां पे आपको मनी के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसका सभी का सलूशन मिलेगा और आप कम मेहनत में बहुत ज्यादा पैसा हासिल कर पाओगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप। तो मैम आपका कोर्स का फीस कितना बताया आपने? सर मेरे कोर्स का फीस है 9,997 रुपए। और कितने दिन का कोर्स है? 3 महीने का। तो सर 3 महीने आप पूरा स्टैम्प पेपर में मैं साइन करके दे सकती हूँ। 3 महीने में आप ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी सीख लोगे कि आप कम मेहनत में बहुत जल्दी पैसा हासिल कर पाओगे। स्टैम्प पेपर पे लिख के देंगे? हाँ लिख के दूंगी। ओके। और मेरी इनकम अभी 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए मंथली जा रही है, ये 3 महीने के अंदर में क्या 15 लाख रुपए पार हो जाएगी? देखिए सर, पहले तो आपको ये गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सिर्फ उतना बनाएं जिस पे आप बिलीव करते हैं। हाँ, अगर आप... मुझे तो 50 लाख रुपए मंथली के ऊपर में पूरा पूरा विश्वास है सर। ठीक है, वो डिपेंड आप पे है। आप जब क्लास में ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा आपको किस तरह आपका गोल सेट करना है, आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाना है, लॉन्ग टर्म गोल बनाना है, मिड टर्म गोल बनाना है, ये गोल के अकॉर्डिंग रहेगा। ये भी आप करवाते हो मनी, जो इनकम गोल है वो भी सेट करवाते हो उसमें? हाँ, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी मिलेगी सर हर हाल में। ओके। और हफ्ते में कितने दिन रहती है आपकी क्लास? मंडे टू थर्सडे। तो एक मैं मास्टर क्लास लूंगी, तो उसमें आपका 1 घंटे का पूरा क्लास रहेगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, कौन से चैलेंज आ रहे हैं, कहाँ आप अटक रहे हो, ये सब उसी पे 1 घंटे का सेशन रहेगा। वो मैं किसी भी टाइम 3 दिन में से 1 दिन ले सकते। मैम कुछ प्राइस में डिस्काउंट नहीं हो सकता मैम? हाँ, तो सर यहाँ पे आपको 3,000 में मिलने वाला है। 9,000 की चीज अगर आपको 3,000 में मिल रही है तब भी आपका माइंडसेट नहीं है तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सके, क्योंकि आपको धन के प्रति इतनी भी ऊर्जा नहीं है कमाने को, इतना तो आपको होना चाहिए ना। अगर कोई 9,000 की चीज आपको 3 में दे रहा है, अगर आप 3 में भी डिस्काउंट ढूंढ रहे हैं तो सर ये आपके बस का काम नहीं। अच्छा, 9,000 की चीज 3,000 में दे रहे हैं आप? हाँ जी। ओके। तो ऐसा नहीं कि जो हमारा 15 लाख का इनकम जो हमारा गोल है वो भी तो फिर कम हो जाएगा अगर आप यहाँ पे अपना खुद का ऑफर दे रही हूँ आज मैं, ऑफर पे ये चल रहा है।
ऐसे कुछ कम नहीं होता, ये आपका माइंडसेट है। मैंने पहले ही बोला माइंडसेट इज एवरीथिंग, आपकी सोच क्या है, आपकी जो सोच है वही आपके विचार है, आपके विचार ही आपको लाइफ में आगे लेके जाएंगे। अगर आज आपका विचार है मैं 15 लाख नहीं कमा सकता, तो फिर आप इस वर्कशॉप का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी सोच पर ही काम करवाया जाएगा। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है, मेरा माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, मैं जानती हूँ कि मैं धन कमा सकती हूँ, मेरे पास धन आ जाएगा, लेकिन फिर भी बात यह है कि मैं वो अचीव नहीं कर पाती, मेरे लोन्स दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और आज अगर मैं आपका कोर्स लेना चाहूँ तो भी नहीं ले पाऊंगी। और आपने कहा है कि आप स्टैम्प पेपर पर लिख कर देंगे कि आप हमें हमारे जो भी इनकम है उसे आप पे करने में हमारी सहायता करें, तो क्या आप मुझे इस चीज की अश्योरेंस दिला सकती हैं कि अगर मैं आपका कोर्स ज्वाइन करती हूँ तो आप मुझे इस लोन से मुक्ति, जो कि मेरे 50 लाख रुपए का लोन है, उससे मुक्ति दिलवा देंगे? क्योंकि मेरा माइंडसेट पूरा पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि मेरा माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, मेरे विचार बहुत पॉजिटिव है, मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लोन जो है वो पे नहीं हो रहे हैं। यस रोहिता मैम, मेरा भी यही प्रॉब्लम है। देखिए इनकम आती है 8-10 लाख रुपए महीना, लेकिन मैक्सिमम ईएमआई है, हाउसिंग लोन है, तो पैसा कुछ बच ही नहीं रहा है। और आपका बोलना है कि भाई आपने अगर गोल सेट किया तो आप इतना पावरफुल करवा दोगे माइंडसेट को कि इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैम क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 3 महीने 4 महीने के बाद में जब इनकम मल्टीप्लाई हो जाए तो उसमें से आपको फिर 3,000 नहीं, मैं आपको 3 लाख रुपए दूँ या 30,000 रुपए दूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरा रिक्वेस्ट है मैम, क्योंकि मुझे सही में भी बहुत ज़्यादा पैक टू पैक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ईएमआई से बाकी जगह है। ठीक है, अभी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी नहीं है, मुझे मेरे हस्बैंड भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं है, वो पहले ही लोन में है, तो इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रही। लेकिन हाँ निधि मैम और मैं दोनों करना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते आपके कोर्स को, करना चाहते हैं बिल्कुल, और पूरा समय देंगे, जो आप करवाओगे, जो टेक्निक्स रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी, जो आप बोलोगे उससे डबल ही हम करेंगे, बिकॉज हम ग्रो करना चाहते हैं। बस हमारी रिक्वेस्ट ये है कि 3 महीने बाद हम पेमेंट आपको करेंगे। ठीक है, अब आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर आप लाइफ में जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, निधि मैम आपने बोला है यस सर, लेकिन आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करना चाहिए, लोन में जा रही है, तो डेफिनेटली मैम अगर आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उस चीज को पा नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके जो मनी का ब्लूप्रिंट बना है, जो आपके यहाँ मस्तिष्क में फाइलें बनी है, आपकी सोच सिर्फ उतनी सीमित है। और सेकेंडली अगर आप किसी चीज को हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके मनी ब्लूप्रिंट पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जा रही है। तो आपका जो मनी का ब्लूप्रिंट है, जहाँ पे आपके सोच के पैटर्न को देखा जाएगा और आपके मनी के, मेरी सोच तो बहुत ही पॉजिटिव है, मुझे तो पता भी है, मैं उसके लिए एक्शन भी ले रही हूँ। जस्ट वेट, देखिए अगर आप किसी चीज को अचीव नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी जा रही है, ये तो आप मानते हैं? Yes, ma'am. अगर वो कमी, देखिए वनिता जी, वो कमी हम मानते हैं, तभी तो हमारा जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाया, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे अंदर उतना पोटेंशियल है कि हम वहाँ तक ग्रो हो सकते हैं, तो कमी तो है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हो सकता है माइंडसेट के कुछ टूल्स टेक्निक्स आप दोगे जिससे हम ग्रो भी करेंगे, हमको आप पे पूरा विश्वास है, आपके प्रोडक्ट पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हमारा बोलना जस्ट इतना है, रिक्वेस्ट है आपसे कि 3-4 महीने के बाद में हमको भी खुद पर विश्वास है कि जब हम ऐसे पॉजिटिव फ्रेम में और ज़्यादा अच्छे से जाएंगे तो हमारी इनकम और कई गुना मल्टीप्लाई होगी, तो हम 3,000 नहीं 9,000 रुपये आपका पे करने के लिए रेडी है। लेकिन हमारा निधि और मेरा दोनों भाई बहनों का रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई हमको अलाउ करो आप अपने कोर्स के अंदर में आने के लिए, और हम 3-4 महीने बाद हम आपको स्टैम्प पेपर भी लिख के देते हैं कि आपका पूरा पैसा देंगे। देखिए फ्री यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर मैं देखिए सर यहाँ पे आपको ईएमआई का सारा लेना पड़ेगा, अगर आपको एकदम से आप नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, 500 एक बार यहाँ पे इनरोलमेंट करवाए, उसके बाद धीरे धीरे जब आपको लगे तब अटक गए। अरे तो आपका इको बैठे हो सर। क्या बात है। तो सर सुनिए पहले, अगर हाँ मेरी बात सुनिए, अगर आप बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है देने को,
हाँ तो ठीक है ना सर, पूरे पैसे मत दे, आप थोड़े से देकर आप कोर्स में तो आ चलो ठीक सकते है। हैं सर। वनीता, वनीता और सर तो एवेंजर्स आप टीम डॉक्टर से की आप तरफ हैं? से एवेंजर्स हो या वॉरियर्स हो? एवेंजर हूँ सर। एवेंजर्स। ठीक है, अपने लीडर्स को टीम को बुला लीजिए उनके तरफ से, और वॉरियर्स की टीम का मुकाबला ओपन अभी। ठीक है आ जाइए मैम, अपर्णा मैम पहुंच भूषण आ गए सर, जाएंगे। पहुंच गए, बताइए हाँ, मुकाबला अभी कर लेते हैं। यस तो। अपर्णा मैम, हमारा वनिता मैम से रिक्वेस्ट हुई है कि हम ऑफकोर्स पे करने के लिए रेडी है, लेकिन 4 महीने के बाद हम कर पाएंगे? अभी सही में रियल में पूरा पैक टू पैक पूरा EMI जा रहा है। वो इवन हमको अभी क्रेडिट कार्ड को रिपे करने के लिए मुझे अभी पेमेंट अरेंज करना पड़ा, मैंने खुद ने किसी और से लिया तो उनको भी देना बाकी है। करना तो हम चाहते हैं, ये कोर्स हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, निधि और मेरे लिए। कजन से हम दोनों भाई बहन हैं और हम इनका पहले भी वेबिनार देख चुके हैं वनिता का। करना तो चाहते हैं हम, लेकिन हमारे पास अभी जो है वो फंड्स नहीं है। 4 महीने बाद हम पक्का लिख कर तो तो नहीं, सर बट 4 महीने देंगे बाद जरूर। आइएगा, 4 महीने बाद आइएगा, जो प्राइस होगी उस प्राइस पे आपको जरूर मिलेगा। आज के जो प्राइस है वो स्पेशली 3,000 रुपीज का सिर्फ आज के लिए ही ओपन है। कोशिश कीजिए कि किसी से बैक बोरो स्टील कर लीजिए और ये ले लीजिए, क्योंकि आज मुझे समझ में ये आया है कि आप लोगों के लिए ये कितना जरूरी है। और अगर आज आपने ये मौका खो दिया तो जहां पे आज आप हैं वहीं पे आप 4 महीने बाद भी रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकती हूँ। थैंक लेकिन मैम आज तो हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए है ही नहीं है, हम तो निधि पहले जी, ही मैं कमीशन कह में रही फंसे हूँ हुए कि हैं। लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है, लेकिन पैसे किसी से ले तो सकते हैं, उनको वापस कर पहले दीजिएगा। जब आपका मनी मैनेजमेंट का हम प्रॉब्लम सॉल्व हो तो जाएगा तो वही उनको मैम दे के साथ भी, दीजिएगा। हम वही बोरो हम मैम के साथ ही करना चाहते हैं कि मैम को ही हम बाद वेरी में दे गुड, देंगे, कि वेरी मैम गुड। को ही एक बाद में बात दे बताइए देंगे। निधि जी, आपके घर में चूल्हा है? चूल्हा है हाँ, हाँ बिल्कुल है। तो पहले आप लाइटर लगाती हैं या पहले गैस के पास जाके खड़ी होके बोलती है दूध रख दिया गर्म हो जा, बाद में मैं लाइटर से आग जलाऊंगी? नहीं मैम वो नहीं है, पहले तो आपको लेकिन लाइटर से आग जलानी होती है, फिर क्या अगर ना दूध गर्म ही होगा? आप नहीं दूध पहले होगा। गर्म करवाना चाह रही है, फिर कह रही है मैं बाद में आके फायर से आई विल भूषण क्या कर रहे हो भाई? अरे नहीं चलेगा हम मैम। तो ये कह रहे हैं कि हम कहीं और से लाइटर मांग के लेके आए, इससे अच्छा है मैम से ही अपर्णा मांग लें। अपर्णा आप अपर्णा, ठंडा दिस इज नॉट द रखेंगे वे। सुनिए सुनिए, देखो ना सॉरी कभी भी जो रहता है ना सेल्स, हमको सेल्स, हमको रिजल्ट चाहिए। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहे हो चूल्हे का, ठीक है आप अच्छा ट्राई कर रहे हो। देखो यहाँ पे खुद के ऊपर में सामने वाले पार्टिसिपेंट पे कभी एग्जाम्पल नहीं देना, पहली बात समझ लीजिए। मैं आपको सेल्स सिखा रहा हूँ, सभी को पूरे कान खोल के बैठिए। अब मैं अगर वनिता जिंदल हूँ तो मैं निधि मैम से बोलूँगा, निधि मैम आप जो जगह पे रहते हैं वहाँ पे सोसाइटी में रहते हैं क्या? आप हाँ जी, कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी में, आपके कॉलोनी के गार्ड हो गए, प्यून जो गार्ड रहते हैं वो भी हो गए? यस सर। सो मुझे एक बात बताइए, आपका जो गार्ड है जिसका नाम रामू है, अगर खुदा ना खास्ता उसके हाथ पर फ्रैक्चर हो जाए कोई एक्सीडेंट के अंदर में, और उसके पास में सैलरी खत्म हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, तो क्या वो सैलरी आने का इंतजार करेगा या कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके अपना इलाज कराएगा तुरंत ही? पाएगा? यस सर, करवाएगा। वैसी मैम आपकी जो इनकम आज जनरेट कर रहे हो, ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो आप, और बहुत अच्छा कर सकते हैं, पोटेंशियल आपके अंदर है, मैं भी जानती हूँ और आप तो खुद जानती हो, लेकिन जो पोटेंशियल है वो रहने के बाद में भी कॉन्फिडेंस आपका जो है ना फ्रैक्चर हो चुका है। यस, जो डायरेक्शन आपका है वो फ्रैक्चर्ड है, जो तरीके हैं वो तरीके आपको नहीं पता है, वहां पर चैलेंजेस है। तो जैसे वो आपका गार्ड है उसको अगर इमरजेंसी आ जाती है तो वो अरेंज कर सकता है 2-4 हज़ार रुपये। तो मैम क्या आप 3 हज़ार रुपये अरेंज नहीं कर सकते हैं, जिससे सर आपके ये लाइफ के अंदर में इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और आपको ये बात मालूम है? यस सर। तो सर यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है, जैसे अपर्णा मैम ने बोला है, आप कहीं से भी अरेंज कर पेमेंट करवा सकती हैं, ये भी ठीक है सर। मैं कहीं से उधार लेती भी नहीं हूं और लेता लेना भी नहीं चाहती। तो फिर मैम आप रेस्ट करें, घर पे पैसा अपने आप आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट जो है ना, वन ऑन वन हो, फोन कॉल हो या वेबिनार हो, हमको
पिन आउट नहीं करना है, डायरेक्ट जो ऑडियंस है उसको, हमको एग्जांपल थर्ड पर्सन का देना है, ये सबसे स्मार्ट तरीका है। मैंने रामू जो है उसका एग्जांपल दिया, क्यों right. मैं निधि मैम का भी एग्जांपल दे सकता था, लेकिन मुझे उनके हाथ पैर को फ्रैक्चर नहीं करना है। यू गेटिंग इट? एक गरीब व्यक्ति भी अगर 3-4 हज़ार रुपये अगर खर्चा आ रहा है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, तो वो कैसे भी अरेंज करता है इमरजेंसी फंड को, नहीं है तो लेकर आएगा, लेकिन इलाज तुरंत करवाता है। और यहाँ पर तो आपका फाइनेंस फ्रैक्चर हो गया है पूरा, जो इनकम होना चाहिए वो रास्ते फ्रैक्चर हो चुके हैं, तो इसको तुरंत इमरजेंसी आपके लिए ही है, इसको तुरंत आपको करना इंपॉर्टेंट है निधि मैम, चाहे कुछ भी हो जाए करना पड़ेगा अरेंज, आपको दूसरा रास्ता ही नहीं आपके पास। आप निधि मैम खुद बताइए, कोई रास्ता है आपके पास में? नहीं। अगर होगा तो मुझे बताइए, और अगर नहीं है तो फिर तो आपको ये करना ही पड़ेगा, और अभी तुरंत करना है, इसको डिले भी नहीं कर सकते हो आप। यस सर, सही बात है। सो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, यस, भले आप तुरंत अगर कर सकते हो तो तुरंत करिए, फोन के ऊपर में बात अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, जहाँ पर आपको पूरा विश्वास है कि ये मना तो नहीं करेगी। और 3,000 का अमाउंट है जो अभी है, आज है, कल जो रहेगा मैम 3,000 रुपये नहीं रहने वाला है। आज ये वेबिनार खत्म, ऑफर खत्म हो जाएगा। सर ये मैम कह रहे हैं कि ये स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं कि अगर मेरी ग्रोथ नहीं हुई तो ये मनी बैक गारंटी देंगे। वो सेंटेंस तो गलत है, स्टैम्प पेपर के ऊपर में कोई लिख के नहीं दे सकता है, और ये सेंटेंस को किसी की भी ग्रोथ नहीं होती है सर। सबको एक्शन लेने ठीक है, उन्होंने ट्राई करा वनीता ने, अब उनका एक कहने का था कि मैं गारंटी देती हूँ कि ग्रोथ होगा, लेकिन स्टैम्प पेपर वर्ड यूज नहीं करना है, लिख के देती हूँ ये भी नहीं बोलना है। ठीक है सर, ये बोल सकते हैं कि भाई ये तरीके से चल के हजारों लोगों ग्रोथ हुआ तो आपका भी होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, खुद के ऊपर में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ मेरा ग्रोथ होगा। अगर आपको लगता है खुद पे कॉन्फिडेंस है तो फिर आप आ जाइए अंदर। एक बात मैं बोलती हूँ, मैं वनिता जिंदल, अगर आप 100% अपना दोगे ना, मैं अपना 200% दूंगी, लेकिन आपको अपना 100% देना पड़ेगा निधि मैम। यस सर, अगर आप 100% दोगे मैं 200% दूंगी, अगर आप 4 कदम चलने को तैयार हो मैं 10 कदम आपके लिए चलने को तैयार हूं। ये तभी हो पाएगा जब आप 100% कमिटमेंट के साथ में ये प्रोसेस के अंदर में आओगे। सो जल्दी से फोन पे बात करिए अपने फ्रेंड से, लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है आपके व्हाट्सएप नंबर पे, अरेंज करिए, पेमेंट करके तुरंत मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करिए। ओके निधि मैम? यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो देखो सेल्स जो रहता है ना, वहाँ पर हमको हमको भटकना नहीं है, ऑब्जेक्शंस आएंगे, मैसेजेस आएंगे। अभी तो मैं आपको 1-on-1 जो सेल्स सिखाना चाहता हूँ, आज से स्टार्ट हुआ रियल कोर सेल्स, यस, ये लेवल 3 में सिखाता हूँ मैं कोर सेल्स, मैसेज क्या रहेगा आपका। अभी रोल प्लेस के अंदर मैं लेकर आया हूँ मैं, एक ही चीज हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो प्रोडक्ट है 9,000 का पिच किया वनिता जिंदल को मैं सैल्यूट करता हूँ, ये जिगरा लगता है इसके लिए। 9,000 से 3,000 पे आए हो, मत आओ 3,000 पे, आओ ही मत, रहो अपने जगह पे। बताओ मेरा कैडबरी है भाई, ये 24 कैरेट गोल्ड है, ये चांदी वांदी तांबा पीतल नहीं है, वो मिल जाएगा आपको 1,500 रुपये में, इसका 9,000 रुपये कॉस्ट है। एकदम आखिरी में जो करना चाहता है उसके लिए 15 मिनट का ऑफर है मेरा, जो अभी के अभी तुरंत अवेलेबल है उनके लिए थोड़ा सा मैं आज डिस्काउंट देने वाली हूँ। अदरवाइज 9,000 रुपये आप कभी भी पे कर सकते हो, वो ऑफर कभी बंद नहीं होगा, 9,000 रुपये रेगुलर प्राइस ही है मेरा। लेकिन जो रेडी है तुरंत करना चाहते हैं, जिनको कोई पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, जो तुरंत अभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनके लिए मैं लिंक दे रही हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर में देख लीजिए कितना अमाउंट है, एंड देन पे द अमाउंट, बोलो भी मत अपने मुंह से 3,000 रुपये। दे विल, और सब जब हम ये बोलेंगे ना देख लीजिए, तो जो नहीं भी देखना चाहता है वो भी देखेगा कमेंट बॉक्स में लिंक को क्लिक करके, अरे देखो तो एक्चुअली में ऑफर क्या है, और जब देखेगा ना वो अरे बोलेगा अरे 3,000 चलो कर लेते यार, पहला आंसर उसके दिमाग में ये आएगा 3,000 है चलो कर लेते हैं,
फिर अंदर आएगा वापस देखेगा यहाँ पे, और फिर जब हम डीफ्रेम करके बोलेंगे नहीं है पैसा, कोई जरूरत कोई वो नहीं है, कल के बाद आप 9,000 रुपये पे करके आ सकते हो, अभी आज 3,000 है। और ये वर्ड पे फिर बने रहना है अगले वेबिनार में भी, उसके बाद वाले वेबिनार में भी, फिर नीचे नहीं आना है। यस, सो आज का सेशन बहुत बड़ा रहा, लंबा रहा, लेकिन आज की शुरुआत बहुत शानदार है सेल्स रोल प्लेस के ऊपर में। रियल में काफ़ी पार्टिसिपेंट ने आज यहाँ पर एंजॉय किया, बहुत सारी लर्निंग्स मिली है, और मैं कोर सेल्स के ऊपर में आपके साथ में प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। देखो मैं सेल्स का बंदा हूँ, पिछले 12-14 साल से सेल्स के कारण, सेल्स पे जो कमांड है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबसे बड़ा योद्धा हूँ सेल्स का, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की इनकम मैंने जनरेट करी है सेल्स के कारण। और सेल्स बहुत प्यारी चीज़ है। यस, सेल्स का मतलब किसी के पीछे पड़ना बिल्कुल भी नहीं है, सेल्स का मतलब ये है लोगों को साथ में लेके चलना। यस, सो सेल्स बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर पाओ उसकी प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। कोर्स आपका लगभग स्ट्रक्चर्ड वे में रेडी है, अब सेल करना अगर स्टार्ट करना है तो रोल प्लेस के अंदर में आ जाइए। और यहाँ पर अब जो पिच रहेगी सेल्स पिच, वो आपकी क्लोजिंग का पार्ट रहेगा, वेबिनार कोई कंडक्ट नहीं करेगा। आप बहुत अच्छे से वेबिनार कंडक्ट कर पाओगे, उसका फ्रेमवर्क फॉर्मूला भी मैं दे दूंगा आपको, वन ऑन वन भी करोगे तो भी, लेकिन आखिरी में बात तो सेल्स पिच की आएगी। यस, सेल्स ब्रिज कैसे क्रिएट करते हैं, यस, हार्डकोर सेल्स कैसे करते, ऐसा हम क्या करें कि हमको बेचना नहीं पड़े, सामने वाला परचेस करने को खुद रेडी हो जाए। अदरवाइज कितना भी आप पिच करो, पुश करो, सामने वाले ने बोल दिया, सोच के बैठे कि नहीं परचेस तो करना ही नहीं है, उसके ये दोनों हाथ जो है ना ऐसे बैठता है ऑडियंस कस्टमर, उसको हाथ उसके जब है ना ऐसे, आपको NLP ऐसे यूज करना है कि उसके जो दोनों हाथ ऐसे टाइट थे ना कि खरीदने चाहे कुछ भी हो जाए, देखते हैं आप उसको बातों में सवालों में ऐसे एंगेज करो कि उसका जो बॉडी पोस्चर है उसको पता ही नहीं चले कि ओपन कब हो गया, अच्छा ओके ये भी करा रही है, अरे यार सही बोल रही है, कल 9,000 रुपये करना पड़ेगा, 3,000 है, कर लूँ क्या एनरोल कि नहीं करूँ, अरे निधि ने तो कर लिया है, अनिल सालवी ने कभी पेमेंट आ गया है, अरे यार मैं भी कर डालता हूँ, ये होना चाहिए। और ये होता है, ऑफकोर्स होता है, अगर उसके फायदे की बात हो रही है, सच में उसको फायदा रियलाइज हो गया तो बिल्कुल परचेस करेगा वो, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। यस, सो ओवरऑल इट्स टू लेट नाउ, आज का सेशन बहुत बड़ा हो गया है, आने वाले चैलेंजेस जो रहेंगे आपको वीडियो रूप में पोस्टर रूप में मिलते रहेंगे रेगुलरली, और हम चैलेंजेस और बढ़ाने वाले हैं। फोकस रखिएगा, प्रायोरिटी बनाइएगा, प्रायोरिटी सेटिंग कर लीजिएगा, और अगर आपकी दूसरी प्रायोरिटी है तो प्लीज़ मुझे चैलेंज जो रहेगा ना एवेंजर्स वॉरियर्स के, नहीं रहेंगे 15-20 मेंबर ग्रुप के अंदर में एवेंजर्स या वॉरियर्स में चलेगा, 5 लोग रहेंगे तो भी चलेगा, 5 ही पांडव होते हैं वैसे भी। यस, 10 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सॉलिड लोग होना तैयार होना चाहिए कि भाई ये खाइए तो भी हम कूदने को तैयार है। एक ही प्रायोरिटी होगी कि मुझे अपने करियर में एक्सेल करना है, आगे जाना है, बाकी और कुछ भी नहीं, नो पर्सनल लाइफ, नो फैमिली, नो नथिंग, पूरा फोकस, ये कमिटमेंट पूरा करना है, बाद में सब कुछ होगा, खाना भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है, कुछ नहीं करना है, पहले ये करना है बाद में सारी चीज़ें। यस, सांस रोक के कैसे पानी के अंदर में डुबकी लगा के रोक सकते हैं ना, कितनी देर रोकता है आदमी, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, आपको 1 महीना रुकना है श्वास बंद करके, ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए। अगर ये कर लिया ना फिर जो स्पीडअप, क्योंकि सेल्स सिखा रहा हूँ यार, सिर्फ वीडियो क्रिएशन थोड़ी है, कोर है कोर, ये कर लोगे ना 1-2 लाख रुपए यू कमाओगे बॉस, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं एक्चुअली में, जैसी दिखती इंडस्ट्री वैसी है नहीं, जैसी है वैसा मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो बी रेडी, बी एक्साइटेड कमिटमेंट के साथ में, हर एक चैलेंज को बिल्कुल ये मत सोचना कि ये चैलेंज छोटा है बड़ा है, हर चैलेंज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बी लाइक अ वॉरियर माइंडसेट, एवेंजर्स माइंडसेट, कमांडो का माइंडसेट होना चाहिए आपका। यस, और आपको 100 नहीं
हजार लोगों पर भारी पड़ना है. सो बी लाइक अ वॉरियर, यस बी लाइक अ कमांडो. और मुझे पूरा विश्वास है इस बार आप बहुत शानदार धूम मचाने वाले हो. सो लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स, लव यू ऑल. मैं तहे दिल से आपसे सच में बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि आप जो करने वाले हो ना वो हजारों लाखों में कोई एक करता है. आप एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, आई रिपीट. आप यूट्यूबर बनोगे, ट्रेनर कोच बनोगे, इनकम जनरेट करोगे, ये बड़ी बात नहीं है. आप जो लोगों तक के अपना मैसेज कन्वे करोगे, कंटेंट के साथ में लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ. आने वाला समय आपका है. लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.